से स्वागत करिए एंड ओनली प्रोफेसर वर्मा ऑफ़ फिजिक्स लिखने का विचार मूल रूप से कब आया मेरे पढ़ाने का जो तरीका वो काफी अलग हुआ करता था लेकिन बच्चे घर पे जाकर के कौन से किताब पढ़े उस तरीके की कोई किताब थी नहीं जब नहीं है तो लिखो नाइन टू में ये पब्लिश हुई भवन से मैंने, मैंने तो बहुत थोड़े से अपने विद्यार्थियों के लिए लिखा था लेकिन बाद में सारे विद्यार्थी मेरे अपने विद्यार्थी बन गए प्रोफेसर वर्मा रानी घाट में बंदर बहुत थे क्या <laughs> क्योंकि एक दुष्ट बंदर है जो पुलिस के ऊपर बैठा हुआ है <laughs> वो बंदर मुझ में ही है <laughs> <laughs> मैं अपने गांव के शहर के दोस्तों से चर्चा कर रहा था तो बोले को आ रहा हूँ बहुत बड़े मास्ब आ रहे हैं फिजिक्स के तो बोले कछु पूछ सकत खतरनाक है बोले चंद्रमा हटा दो अच्छा धरती पे क्या असर चंद्रमा नहीं है धरती के पास शरद पूर्णिमा का त्यौहार नहीं मनाएंगे खीर नहीं खा पाएंगे चंद्रमा नहीं होगा तो क्या होगा जो महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती हैं <laughs> उनके लिए आनंद रहेगा तो वो व्रत नहीं करना पड़ेगा धरती घूमबो बंद हो जाए तो क्या हो <laughs> बहुत रोचक जोग्राफी होगी वो छह महीने के दिन हो जाएंगे छह महीने की रात हो जाएगी अगर सो गए छह महीने सो <laughs> और उठ गए तो फिर छह महीने सोने को नहीं मिलेगा क्योंकि रात होगी तब तो सोओगे ना ऐसे कुछ बन सकता है क्या कि उसमें बैठे और पांच हजार साल के बोले साहब भाई साहब पांच हजार किलोमीटर धर ले लो पास्ट में ले लो फेकुआ हाँ। से जलेबी तक <laughs> <laughs> कि क्या है ठेकुआ की कहानी स्कूली जीवन के अंदर में मेरे इम्तहान के अंदर में नंबर खराब आया करते थे कौन कौन से विषय थे जहाँ गरारी अटकती थी उस समय इतनी भी रुचि नहीं थी कि मैं ये भी ध्यान से देखूं <laughs> कि किन सब्जेक्ट में फेल हुआ <laughs> मेरी माँ ने उन्होंने ये रचा और उसमें वो ठेकुआ का आया जिक्र वहीं से कहानी पूरी पूरी की पूरी शिफ्ट हो गई ये आईआईटी कानपुर की राह कैसे खुली क्लास सेवेंथ एट नाइन्थ वगैरह में था कि मैं उसी समय लगभग लगभग तय कर लिया था कि मुझे अपने जीवन में शिक्षक ही बनना है मैंने वो, वो उसके लिए आवेदन किया आईआईटी कानपुर को उसके बाद फिर उसकी जो सिलेक्शन लिस्ट निकली तो उसमें मेरा नाम मौजूद था तो एडमिशन हो गया तभी आपके पास इस तरह का ऑफर आया प्रस्ताव आया कि आप आईआईटी के बच्चों को कोचिंग पढ़ा दो लाखों रुपए कमा लो आया तो था वहाँ से कोटा से ही आया था बंसल क्लासेज और रिजोनेंस वालों का इसका उसका आया कर आया करता था <laughs> आपकी एक तस्वीर खूब वायरल हुई जिसमें आप अयोध्या में जो अभी नवप्राण प्रतिष्ठा हुई है बालक राम के मंदिर की उसके दर्शन के लिए गए और नीचे एक बहस शुरू हो गई धार्मिकता बनाम वैज्ञानिकता की जो बहस है मेरे लिए ना धार्मिकता का को को कोई सवाल है ना वैज्ञानिकता का कोई सवाल है मेरे लिए सवाल सिर्फ भारत के समाज का है hmm. धार्मिक आस्था नाम की चीज होती है ना वो कहीं ना कहीं मेरे में नहीं है लेकिन जो धर्म के प्रति आस्था रखते हैं उनके प्रति आदर जो है उनके प्रति जो श्रद्धा है वो अटूट है अभी लेके आए सेंसोडेंट के करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन श्रद्धावान लभते ज्ञानम ज्ञान की परंपरा है सहस्र वर्ष की परंपरा है जिसमें है बहुत सारी उत्सुकता विनीत भाव सीखने का गेस्ट इन द न्यूज़ रूम के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है हम सबके प्रफुल्लित चेहरे आपको ये बता सकते हैं कि आज का गेस्ट इन द न्यूज़ रूम संवाद से ज़्यादा एक क्लासरूम में तब्दील होने वाला है न्यूज़ रूम विल बी अ क्लासरूम रूम क्योंकि आज जो हमारे मेहमान हैं वो हिंदुस्तान के जाने माने शिक्षक हैं और वो उस परंपरा से आते हैं जिसके बारे में हमने शास्त्रों में पढ़ा है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा की परंपरा, जो सीखा समाज के क्रम में सीखा और इसलिए बिना किसी लोभ के बिना किसी मोह के ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है और सिखाना है ज्ञान की वो अनवरत प्रक्रिया है वो परंपरा है जो आपको विनीत भाव से भरती है जो आपको श्रद्धा के भाव से भरती है लेकिन साथ में यह देती है आपको वैज्ञानिक चेतना कि कोई भी सवाल गलत नहीं है बशर्ते सही मंशा के साथ पूछा जाए कुछ भी पूछना गलत नहीं है सवाल उठाना गलत नहीं है क्योंकि इंसान अपने कौतुक के सहारे पूछने के सहारे उत्सुकता के सहारे और अन्वेषण की वृत्ति के सहारे ही विकास के सोपान क्रम में यहाँ तक पहुँचा है आज के हमारे जो मेहमान हैं वो हिंदुस्तान के भौतिकी के लेजेंडरी प्रोफेसर हैं उनका नाम है डॉक्टर हरीश चंद्र वर्मा कंसेप्ट ऑफ फ़िज़िक्स एक ऐसी किताब है जो नब्बे के दशक के शुरुआती दौर में आई ठीक ठीक कहें तो उन्नीस सौ इक्यानवे बानवे के लगभग आई पचास लाख से ज़्यादा एक मोटा माटी अनुमान है इसकी प्रतियाँ बिक चुकी हैं ज्ञात स्रोतों से और उनके लेक्चर उनकी थ्योरीज उनका पढ़ाने का तरीका जिसमें एक जलेबी के सहारे भौतिकी के कितने सिद्धांत सिखाए जा सकते हैं ये पूरी दुनिया में ख्यात है उनसे जब वैचारिक मुठभेड़ भी करते हैं दूसरे भौतिकीविद तो दुनिया दो भागों में बट जाती है लेकिन मंशा वही एक रहती है कि ज्ञान का ये सिलसिला आगे बढ़े तो आइए इस क्लासरूम को शुरू करते हैं जोरदार तालियों से स्वागत करिए दर एंड ओनली प्रोफेसर एच सी वर्मा जब भी हमारे न्यूज़ रूम में गुरु परंपरा के लोग आते हैं तो मुझे अतिरिक्त घबराहट होती है कि मैं क्या बोलूं क्या कुछ अनायास में ऐसा ना निकल जाए दूसरे मेहमान भी आते हैं तो उनके प्रति सम्मान खूब रहता है पर गुरुओं के सामने बोलने में हमेशा हिचक रहती है आपने खुद ही कहा ना कि कोई भी सवाल गलत नहीं होता तो कुछ भी आप कर सकते हैं उसमें कुछ भी अमान्य नहीं है अच्छा मुझे ये बताइए कि आपको मिठाई में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है मिठाई तो खुद ही मिठाई होती है उसमें क्या है। कम और कम क्या ज़्यादा हाँ। उसकी जो मिठास है वो पसंद होती है उसकी शक्लें बदलती रहती हैं अलग अलग चीज़ों के अंदर लेकिन मिठास जो होती है उसी के लिए तो मिठाई खाई जाती है आपने जिलेबी का जिक्र किया शायद आप उसकी तरफ मेरे को ले जाना चाह रहे हैं मैं तो आ, मुझसे एक आ, सज्जन ने कहा कि अगर प्रोफेसर एच सी वर्मा कभी अपनी आत्मकथा लिखें तो उसका शीर्षक होगा ठेकुआ से जलेबी तक <laughs> जी हाँ ये क्या है ठेकुआ की कहानी ठेकुआ की कहानी बहुत संक्षेप में कहूँ मैं कि स्कूली जीवन के अंदर में शुरुआती दौर में मेरे रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते थे ये एक सार्वजनिक जानकारी है अभी मेरे रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते थे मेरे इम्तहान के अंदर में नंबर ख़राब आया करते थे जब आप कह रहे हैं ख़राब आया करते थे मतलब आप फेल हो जाया करते थे हाँ फेल हो जाया करते थे लेकिन साथ में एक राइडर भी है क्योंकि मेरे स्कूल में एक नियम था जहाँ मैं पढ़ा था राम मोहन राय सेमिनरी पटना में उस स्कूल का एक नियम था कि आपके जो हाफ ईयरली इम्तहान होते हैं छः महीने पर जो इम्तहान होते हैं उसमें आप मर्जी आए जितना फ़ेल करो उसका कोई हिसाब किताब नहीं है उसको आखिरी इम्तहान के साथ जोड़ा नहीं जाता था लेकिन जो एनुअल इम्तहान अंतिम इम्तहान होता था जिसके आधार पे अगली क्लास में जाना होता था तो उसमें आपको तीन से ज़्यादा विषयों में फ़ेल नहीं होना है अगर तीन विद्यार्थी की जिम्मेदारी है या शिक्षक की ज़िम्मेदारी किसी की भी हो लेकिन जो टेबलेटर हैं जो है बनाएंगे उसके लिखा पढ़ी करेंगे उनको ये इंस्ट्रक्शन है कि तीन से अधिक विषयों में अगर कोई फेल है तो उसको क्लास रिपीट कराई जाएगी और अगर तीन या तीन से कम विषयों में कोई फेल है और फेल का मतलब सौ में तीस नंबर से कम तो उसको क्लास में रोका नहीं जाएगा अगली क्लास में भेज दिया जाएगा और उसको पढ़ाया जाएगा तो उस नियम के तहत मैंने कब मेरा क्लास कभी रोका नहीं गया था लेकिन उस नियम का मैंने भरपूर फायदा उठाया था कौन कौन से विषय थे जहाँ गरारी अटकती थी अब पता नहीं कैसे कह नहीं सकता हूँ क्योंकि उस समय इतनी भी रुचि नहीं थी कि मैं ये भी ध्यान से देखूँ <laughs> कि किन सब्जेक्ट में फेल हुआ <laughs> जी फिर उसके बाद क्या कमा तो उसके बाद, हुआ? बाद फिर मेरे पिताजी जो कि खुद एक शिक्षक थे और उनकी भी अपनी पढ़ाई लिखाई तो नहीं थी ये भी अच्छी ही कहानी है कि उनकी भी पढ़ाई लिखाई नहीं थी उन्होंने भी कभी स्कूल नहीं गए थे वो लेकिन एक उम्र के बाद कुछ मेरे लगता है सोलह सत्रह अठारह वर्ष की उम्र के बाद शायद उनकी पढ़ने में रुचि जागृति हुई और उन्होंने किताबें टेक्स्ट बुक्स खरीद खरीद के पढ़ना शुरू किया अच्छा आ, और कोई भी टेक्स्ट बुक खरीद लाते थे फिर उसको पढ़ डालते थे जब फिर दूसरी खरीद लाते थे इम्तहान तो कोई देना नहीं था स्कूल में तो जाना नहीं था खुद से ही पढ़ना था कुछ वर्षों में उन्होंने अपना इतना ज्ञान अर्जित किया कि उनकी इच्छा अब हुई कि मैं पढ़ाऊँ और अपना स्कूल खोलूँ और मैं अपने स्कूल में पढ़ाऊँ और अपने ढंग से पढ़ाऊँ और वो काम उन्होंने किया कहाँ पर समस्तीपुर बिहार समस्तीपुर में एक राजस्थान के कुछ लोग थे जिनका कोई एक संगठन सामाजिक संगठन था तो उनके साथ किसी तरह से इनकी बातें हो गई और एक हॉल इनको उन्होंने जो उनके पास बेकार पड़ा था और कुछ ज़मीन उसके पीछे खाली, ये इनको दी गई स्कूल चलाने के लिए और वहाँ पे उन्होंने वो स्कूल चलाया और बहुत ही सफल स्कूल रहा वो समस्तीपुर का बहुत ही सफल स्कूल रहा तो मैं ये कहानी अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रेरक का कहानी है और बहुत सारा संदेश देती है आज में आज के जो स्कूल की व्यवस्था है और उसमें किस प्रकार की चीज़ें आनी चाहिए उसके विषय में लेकिन वो अलग है संदर्भ जो है ठेकुआ का संदर्भ है उसकी बात कर रहा हूँ तो हम मेरे पिताजी भी अब पढ़े हो या ना पढ़े हो लेकिन एक शिक्षाविद हो गए और एक शिक्षक भी हो गए एडमिनिस्ट्रेटर भी हो गए पूरा स्कूल उन्होंने रन किया और सबसे अच्छा स्कूल बना करके उन्होंने सामने में रखा लेकिन वो भी मुझे प्रेरित करने में असफल रहे कि मुझे पढ़ाई करनी चाहिए और अच्छे नंबर लाना चाहिए <laughs> और मेरे बड़े भैया थे जो मुझसे 18 साल बड़े थे तो वो तो अपने टाइम के हमेशा गोल्ड मेडलिस्ट और ऐसा वैसा, वैसा बहुत ही ज़बरदस्त कैरियर उनका था गणित के वो अंत में प्राध्यापक बने तो वो भी मुझे समझाने में असमर्थ रहे पूरे वर्षों में कि ये ठीक नहीं है और तुम्हें पढ़ना भी चाहिए और नंबर भी लाने चाहिए लेकिन मेरी माँ ने जो कि स्वयं नहीं पढ़ी लिखी थी अक्षर ज्ञान भी उनको मेरे पिताजी ने ही करवाया था और वो कुछ धार्मिक ग्रंथ ही केवल पढ़ती थी और कोई उनका शिक्षा के क्षेत्र में उनकी कोई उनका कोई उनकी पकड़ नहीं थी कोई या उसमें एंट्री ही नहीं थी तो उन्होंने ये रचा ये पूरा जो परिक्रमा कराई मुझे वो उन्होंने ही कराई और उसमें वो ठेकुआ का आया जिक्र क्योंकि छठ के अवसर पर वो ठेकुआ बनता है बिहार के अंदर में पूजा में रखा जाता है बड़ी शुद्धता के साथ बनता है और बड़े उसके साथ समर्पण के साथ उसको बनाया जाता है और खाया जाता है और खिलाया जाता है तो वो उन्होंने बनवा करके और शीशे के बर्तनों के अंदर में रख दिया था कब अपने कमरे में खुली अलमारियों में जो बाहर से दिखाई पड़े और मेरे साथ उन्होंने ये सौदा किया था कि अगर मैं अपनी किताबें और कॉपी और पेंसिल या कलम लेकर के उनके कमरे में एक घंटे बैठूंगा तो मुझे दो ठेकुए मिलेंगे हर एक घंटे पर दो ठेकुए मिलेंगे तो ये डील हुई और इस डील को करने के पहले मैंने ये सुनिश्चित किया उनसे पूछ करके कि मुझे वहाँ पर बैठना है या मुझे पढ़ना भी है और जब उन्हें उन्हें आश्वस्त किया कि नहीं नहीं पढ़ने की कोई बाध्यता नहीं है आपको पढ़ने का मन होगा तो पढ़ लेना नहीं मन होगा तो मत पढ़ना एक घंटे आप खाली रह जाओ वहाँ पे अगर रह पाए तो, तो दो ठकवे पूरे हैं ये उसकी कहानी है और मैं अबोध बालक बारह तेरह साल का उसके अंदर छुपी हुई जो उनकी योजना थी उसको पढ़ नहीं पाया और वो डील मैंने स्वीकार कर ली और ये भी एक संस्कार था परिवार का कि जो कह दिया तो कह दिया पीछे नहीं हटना एक बार हाँ कह दी तो पीछे नहीं हटना कोई कठिनाई आ जाए तो फिर पीछे नहीं हटना पहले ही दिन एक पाँच दस मिनट बीतते बीतते उस एक अकेले कमरे के अंदर में और वही चार छोटी छोटी दीवारें और वही कैलेंडर और वही खूटी वही कपड़े वही उनके कुछ भगवान जी के चित्र वगैरह एक साइड में कितनी देर देखूँ बैठकर कितनी देर देखूँ एक घंटे तक कैसे बैठकर देख सकता हूँ और कुछ करने को दूसरा था नहीं तो ऐसे करके किताबें पढ़ना मैंने शुरू किया दो ठकवों के चक्कर में और अपनी डील को पूरा शर्त पूरा करने के चक्कर में शायद मैं छोड़ सकता था डील तोड़ सकता था लेकिन वो अनैतिक होता एथिकल नहीं होता वो कह दिया कि हाँ करना है तो करूँगा एक घंटे तो करना ही करना है चाहे एक सेशन करूँ या दो सेशन कर या तीन सेशन करूँ तो ऐसे करके वो शुरू हुआ और मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया और जब किताबें पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि किताबें पढ़ना भी अच्छी बात होती है उसके पहले तो पता ही नहीं था कि किताबें पढ़ना भी अच्छी बात होती है तो बस वहीं से कहानी पूरी पूरी की पूरी शिफ्ट हो गई अचानक से बिल्कुल क्वांटम जंप जहां हमेशा कुछ विषयों के अंदर में सौ में तीस से भी कम नंबर आया करते थे एनअल इम्तहान में और छमाही में तो जाने कितने विषयों में वैसा होता था वहाँ उस समय के दो ही महीने बाद परीक्षा थी दिसंबर में सेशन होता था, था उस समय जनवरी से दिसंबर और छठ जो आती है यही नवंबर वगैरह के आसपास आती है दिवाली के बाद में तो बहुत कम ही समय था लेकिन उतने समय के अंदर में ही महीने डेढ़ महीने के अंदर में चमत्कार हुआ कि सभी दस विषयों के अंदर में मैं पास हुआ एक भी लाल निशान नहीं लगा ग्रेड कार्ड के ऊपर और वहाँ से फिर वो ग्राफ जो है सो एकदम से चढ़ा दसवीं क्लास जब मैंने हाई स्कूल पास किया ग्यारहवीं में हाई स्कूल होता था ग्यारहवीं पास किया तो चौंसठ प्रतिशत नंबर लेकर के मैंने पास किया हालांकि वो पर्याप्त नहीं थे पटना साइंस कॉलेज में एडमिशन के लिए पहली लिस्ट में एडमिशन के लिए लेकिन सेकंड लिस्ट के अंदर में और आ गया वेटिंग में रखा गया था मेरे को तो आ गया तो पटना साइंस कॉलेज में पढ़ने का मौका भी मिल गया फिर वहाँ पर यूनिवर्सिटी का इम्तहान हुआ जिसको आज प्लस टू कहते हैं उस ग्रेड उस लेवल के ऊपर तो उसमें यूनिवर्सिटी में करीब मेरे ख्याल से 2000 बच्चे बैठे होंगे कई सारे कॉलेजेस मिला करके के होता था तो उसमें मुझे तेरहवा स्थान मिला 2000 बच्चों के अंदर में फिर मैंने वहाँ से बीएससी की बीएससी के अंदर में मुझे यूनिवर्सिटी में तीसरा स्थान मिला थर्ड टॉपर था मैं फिर मैंने आईआईटी कानपुर में एमएससी के लिए आवेदन किया तो तुरंत मेरा एडमिशन इंटरव्यू और होकर के वो एडमिशन हो गया वहाँ पर और एम के अंदर में 9.9 के ग्रेड पॉइंट के साथ मैंने उसको टॉप किया तो ये सारी जो कहानियाँ में जो एक अचानक सा मोड़ आया था टर्निंग पॉइंट वो मेरी माँ की देन है और ठकुओं की ठकुओं की देन है तो ये संदेश है कि एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए रियल प्रॉब्लम का और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती किसी ग्रेड कार्ड की ज़रूरत नहीं होती है वो खुद की अपनी जो मानसिक चेतना है और मानसिक शक्ति है और चिंतन में कैसे कर सकता हूँ वही उस समय में काम आता है सफलता वहीं से मिलती है तो ये उसका संदेश सब मैं इस बातचीत को आगे बढ़ाऊँ उसके पहले मैं देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी उनसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि एक प्रधानमंत्री स्वरुच स्वरुचि भोजन प्रलोभन ज्ञान योजना शुरू की है जिसमें सरकार ये कहे कि सब बच्चे मोबाइल से दूर पालथी मार के एक घंटा पढ़ेंगे तो स्वरुचि के भोजन का एक निश्चित परिमाण उनको उनके माता पिता के द्वारा और यदि ना हो तो समाज और सरकार के द्वारा सुनिश्चित किया जाए जी, जी, जी। किसी भी प्रकार के हथकंडे अपनाए लोगों को पढ़ने का आनंद आना चाहिए पढ़ने में भी आनंद है इसकी अनुभूति होनी चाहिए उसके लिए जिस भी प्रकार से योजना हो ऐसा अद्भुत निर्मल आनंद है आ, नौकरी के पहले तो हम लोग तमाम जिंदगी इम्तिहान पास करने के लिए ही पढ़ते रहे पर अब जब भी पढ़ने का आ, मौका मिलता है तो वो शब्दातीत है वो अनुभव जी जी मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूँ और आ, मुझे वो तमाम किताबें याद आ रही हैं जो इस वक्त मेरी मेज़ पे या मेरे बिस्तर के बिखरी हुई हैं जी और आप लगातार इस चीज़ पर जोर देते हैं तो आ, वो सारे गुरु भी याद आ रहे हैं जिन्होंने शिक्षा को जरिया बनाया कि हम और सीखें पटना साइंस कॉलेज का हमने बड़ा ज़िक्र सुना है अब जब हम आ, चुनावी रिपोर्टिंग के सिलसिले में या इससे इतर जाते हैं अब जाना भी होता है पर हमने बहुत कहानियाँ सुनी कि साहब बड़ा कल्ट कॉलेज लेजेंडरी कॉलेज हुआ करता था अब तो बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर कितने भी निबंध लिख दिए जाए वो कम है आपके ज़माने में कैसा था पटना साइंस कॉलेज जैसा आपने वर्णन किया थोड़ा विस्तार से अगर बता सके पटना साइंस कॉलेज एक अद्भुत महाविद्यालय था बहुत अच्छी बिल्डिंग थी कई सारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग बिल्डिंग थी बीच में सड़कें होती थी तो अपना फ़िज़िक्स का एक अलग डिपार्टमेंट केमिस्ट्री का एक अलग डिपार्टमेंट बॉटनी जुलॉजी मिला करके एक डिपार्टमेंट जियोलॉजी का एक अलग डिपार्टमेंट स्टैटिस्टिक्स का एक अलग डिपार्टमेंट और Mathematics, और मैथमेटिक्स और हिंदी और अंग्रेजी इसका एक डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट मतलब हर उस एक बिल्डिंग पूरी की पूरी वो मैं कह रहा हूँ और बीच के अंदर में सड़कें हैं जो कि उसको जोड़ कर रखती हैं साठ मिनट का पीरियड होता था हमारा पचपन मिनट का पीरियड होता था और कौन और से चर्चित प्रोफेसर वो तो सभी चर्चित थे वहाँ जैसे आ, मैं डॉक्टर शौकीन सिंह राम बहादुर सिंह शिवेश्वर प्रसाद अशेश्वर प्रसाद यादव केमिस्ट्री के अंदर में सभी गणित के अंदर में मेरे खुद बड़े भैया डॉक्टर वी रंगाचार्य नागेंद्र नाथ एन एस नागेंद्र नाथ जिन्होंने कि सी वी रमन के साथ रिसर्च किया नाथ रमन थ्योरी करके एक क्वेश्चन में आता है तो ऐसे महान जो शिक्षा में जिन्होंने अपना बनाया था और पैशन था जब तो पढ़ाने का पैशन था ऐसे सारे लोग वहाँ थे आपके बड़े भैया श्री देवी प्रसाद वर्मा जी, जी भी वहीं पढ़ाते जी, थे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल गरीब तो ऐसा था और समर्पण बहुत ज़्यादा शिक्षा देने के प्रति हमारे शिक्षकों का समर्पण बहुत ज़्यादा कभी भी उनको इस बात से इरिटेशन नहीं होता था कि किसी ने उनसे क्या सवाल पूछा और कितना सवाल पूछा कितनी देर तक उनसे बहस की तो उसको पूरी तरह से वो एंजॉय करते थे कोई प्रसंग बता सकते हैं आप इस तरह के आचार्य शिष्य संवाद का? वो उस तो होते ही रहते थे तो कुछ कुछ होते ही रहते थे अब मैं अपना ही बताता हूँ मैं थर्मोडाइनमिक्स के अंदर में हमारे प्रोफेसर थे अशेश्वर यादव जी तो क्लास में वो पढ़ाया करते थे और मैं प्रश्न पूछा करता था और जब मैं प्रश्न पूछता था तो बड़े ध्यान से वो दोनों हाथ टेबल पर रख करके और सब चौक वॉक अलग वो मेरे इसको सुनते थे और उसके बाद फिर वो उसके ऊपर विवेचना होती थी और बातचीत होती थी शास्त्रार्थ होता था उन्होंने कुछ समय कुछ महीनों के बाद मुझे एक अलग से थर्मोडायनिक्स की किताब ला करके दी अपनी अपने घर से जो कि सिलेबस वाले जो हमारी किताबें थी उसे बिल्कुल अलग थी वो किसी विदेशी लेखक की लिखी हुई थी और मुझे उसने कहा कि तुम ये पढ़ो तो पूरे क्लास के अंदर में एक शिक्षक का होने के नाते और विद्यार्थियों में से किस विद्यार्थी के लिए क्या उपयुक्त है और उसका क्या स्तर है उसको समझ करके और अपने लाइब अपने घर की लाइब्रेरी से उन्होंने एक मेरे लिए जो उपयुक्त किताब थी वो ला करके के दी कि आप इसको पढ़ो और इसके सवाल बनाओ और मैंने उसके सवाल बनाए और उसके बाद कई सारे बने कई सारे नहीं बने तो फिर मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा है तो उन्होंने मुझे अपने घर पर बुलाया और एक घर पे रविवार के दिन जा कर के जो बचे हुए सवाल थे जो कि थोड़े उसमें उसकी आवश्यकता थी डिस्कशंस की वो उन्होंने अपने घर पर किया तो इतना समर्पण था हमारे शिक्षकों के अंदर में और इतनी उनकी उत्कट इच्छा थी कि हमारे विद्यार्थी जो हैं वो बने तो और वहाँ की जो प्रयोगशाला अद्भुत प्रयोगशाला hmm. प्लस टू के लेवल में इतना बड़ा हॉल और उसके अंदर में इतने सारे टेबल और इतना सारा सामान और पचहत्तर विद्यार्थी एक साथ उसमें जाकर एक्सपेरिमेंट किया करते थे और दो शिक्षक इस तरफ दो शिक्षक इस तरफ चार शिक्षक वहाँ पर हुआ करते थे कि उसको जो एक्सपेरिमेंट्स करने की बारीकियाँ जो हैं वो बच्चों की ठीक ठीक समझ आए और वो करें सही ढंग से करें तो उसके लिए चार शिक्षक हुआ करते थे वहाँ पे और लंबा वो तीन घंटे का सेशन होता था एक्सपेरिमेंट्स का पूरी तरह से इन्जॉयबल पूरी तरह से स्किलफुल बहुत ही ज़बरदस्त वो लेबोरेटरी थी हमारे हिंदी के शिक्षक कितने महान थे जगदीश जगदीश प्रोफेसर जगदीश कितने महान थे मेरे बड़े भैया वहीं पढ़ाते थे और इस बात को हम मेरे में और मेरे भैया में ये डील हुई थी कि हम लोग कतई जाहिर नहीं करेंगे साइंस कॉलेज में कि ये बड़े भाई छोटे भाई दोनों कॉलेज में एक पढ़ाने वाले एक पढ़ने वाले तो मैं हमेशा उनको सर सर बोला करता था अपने कॉलेज के अंदर में और घर के अंदर आकर भैया भैया बोला करता था और उन्होंने भी कभी मेरे किसी अपने कलीग के साथ किसी के साथ ये शेयर नहीं किया था कि मेरा भाई यहाँ पढ़ता है तो ये हम लोगों ने पहले ही तय किया हुआ था जिस जब मेरा एडमिशन हुआ था उसी समय में और चला अच्छा चला कई छः आठ महीने तक बहुत बढ़िया चला और हमारी योजना फेल कहाँ हुई हमारी योजना फेल हुई आपको उसका उसकी कहानी बड़ी रोचक है और मुझको पूरा दृश्य बिल्कुल सामने में है सर्दियों के दिन थे धूप अच्छी खिली हुई थी और अगर आप पटना साइंस कॉलेज गए हों तो उसको अभी तो मेट्रो बन करके उसका थोड़ा खराब हो गया है उसकी शक्ल जो है तो एक सड़क अशोक राजपथ के ऊपर उसके ऊपर तो नहीं उसके बगल में वो पटना साइंस कॉलेज होता था और जैसे ही आप उस सड़क से और कॉलेज के परिसर में आए तो सामने बड़ी सी बिल्डिंग थी हिंदी मैथमेटिक्स और अंग्रेजी वाली बिल्डिंग थी और जो सामने बरांडा था उसमें गोल खंभे थे ऐसे गोल खंभे अभी भी हैं तो वहाँ पर अच्छी धूप आ रही थी तो वो हमारे सर जो हैं हिंदी वाले वो उस खम्भे के सहारे खड़े हुए थे ऐसे और मैं उनके बगल में खड़ा था और रश्मि रथी पढ़ाते थे, थे वो हमें उस समय में प्लस टू के लेवल पे तो मुझे होमवर्क नहीं मिला था कोई लेकिन फिर भी छः आठ महीने वो रश्मि रथी पढ़ने के बाद और मेरे को उसके कर्ण के चरित्र पर पूरा लिखा हुआ है रामधारी सिंह दिनकर का वो है, दिन तो कर्ण के प्रति मेरी क्या भावनाएं उसको पढ़ के बनी हैं उसको मैंने लिखा था अपनी तरफ से वो चार पांच पेजों के अंदर में पृष्ठों के अंदर में और मैंने प्रोफेसर जगदीश से आग्रह किया था कि आप उसको आप पढ़ें और उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें और वो खंभे के सहारे खड़े होकर के और मेरा वो राइट अप ले करके ऐसे पढ़ रहे थे और मैं बगल में खड़ा होकर के इंतज़ार कर रहा था कि ये क्या बताएँगे थोड़ी देर पढ़ कर के उन्होंने मेरी तरफ़ देखा और कहा कि देवी बाबू से आपका कोई रिश्ता है क्या तो मैं तो अचानक सख्ते में आ गया कि ये कैसे इन इनको क्या से पता चल रहा है चला किसने बताया इनको कि देवी बाबू से मेरा कोई रिश्ता है लेकिन तुरंत बिल्कुल त्वरित गति से मैंने भी अपना उत्तर तैयार किया और उनको बताया कि हाँ है ना वो मेरे मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं वो मैं उनका छात्र हूँ वो मेरे शिक्षक हैं मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं अलजड़ा पढ़ाते हैं मुझे क्लास में अच्छा अच्छा करके फिर उन्होंने आगे मेरा राइटअप पढ़ना शुरू किया एक पन्ना पलटा और पढ़ा उसके बाद सीधा सवाल थागा क्या आप देवी बाबू के परिवार से आते हैं और अब मेरे पास कोई स्कोप नहीं था झूठ मुझे बोलना नहीं था और सच बोलने के तरीके खत्म हो चुके थे तो मुझे उनको कहना पड़ा कि हाँ वो मेरे बड़े भाई हैं लेकिन तुरंत मैंने प्रश्न पूछा कि आपने ऐसा प्रश्न क्यों किया कैसे किया तो उन्होंने बताया है कि चूँकि वो हिंदी अंग्रेज़ी और मैथमेटिक्स एक ही बिल्डिंग में होता है तो एक ही स्टाफ रूम में तो जो शिक्षक होते हैं जब लीजर पीरियड होता है या और ऐसे कुछ मिलता है समय तो वहाँ जाकर उस स्टाफ रूम में है, बैठते हैं तो आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो जगदीश जगदीश जी जो थे वो हिंदी के थे भैया हमारे मैथमेटिक्स के थे उसी स्टाफ रूम में देवी बाबू के जो की जो भाषा है जो हम लोग बात करते हैं स्टाफ रूम में तो देवी बाबू की जो भाषा है और तुम्हारी ये जो लिखी हुई भाषा है इससे पता चलता है कि तुम दोनों एक ही परिवार के हो इतनी सामर्थ्य इतनी इतना क्षमतावान शिक्षक जो कि स्टाफ रूम के अंदर भाषा पर अगर वो भाषा के शिक्षक हैं तो भाषा पर इतनी पकड़ है उनको अपने अपने विषय पर इतनी पकड़ है उनको कि जो बातचीत कभी कभी होती है स्टाफ रूम के अंदर में उसमें से उस भाषा का क्या पैटर्न है और उसमें वो किस प्रकार की लोकोक्तियों का प्रयोग हो रहा है या क्या हो रहा है और मैंने जो कुछ लिखा है उसके अंदर से इतना और इतने विश्वासपूर्वक और एक बार मेरे मना करने के बावजूद भी उनका पहला प्रश्न ही था इसी जब यही जानने के लिए कि देवे बाबू से मेरा क्या संबंध है और मैंने उनके मन में जो था कि पारिवारिक संबंध है उसको मैंने मना ही कर दिया था ये बता करके कि, कि हाँ वो मेरे मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं फिर भी और थोड़ा से थोड़ा सा पढ़ने के बाद वो विश्वासपूर्वक ये कह पाए कि नहीं नहीं पारिवारिक संबंध होना ही चाहिए इतने विद्वान और इतने क्षमतावान अपने विषय पर इतने महारथी ऐसे शिक्षक पटना साइंस कॉलेज में हुआ करते थे उस समय में वहाँ से मैं पढ़ाऊँ हम लोगों ने प्रायः किताबों में ही प्रोफेसर अशेश्वर यादव और प्रोफेसर जी जी जगदीश जैसे किरदार पढ़े हैं खैर <laughs> आज मैं मुखातिब भी हूँ आपसे फिर ये आईआईटी कानपुर की राह कैसे खुली आईआईटी कानपुर की राह कैसे खुली जिस समय मैं क्लास सेवेंथ, एट नाइन्थ वगैरह में था राम मोहन राय सेमिनरी में तो वहाँ जो मेरे शिक्षक थे उनका भी कोई जवाब नहीं था केमिस्ट्री के नीलांशु मल्लेख फिजिक्स के गया प्रसाद साहा गणित के राम रामगति सेना वहाँ भी जो शिक्षक थे वो मेरे आदर्श शिक्षक थे और उनका कमिटमेंट लेवल उनका पढ़ाने का तरीका उनका समर्पण ये सब कुछ मुझे इतना अच्छा लगता था कि मैं उसी समय लगभग लगभग तय कर लिया था कि मुझे अपने जीवन में शिक्षक ही बनना है इनके जैसा ही बनना है भले ही वो मुझे नंबर नहीं देते थे लेकिन एकदम पक्का मन के अंदर में आ गया था कि मुझे इन्हीं के जैसा बनना है ऐसा ही करना है क्योंकि वो नंबर नहीं देते थे मुझे पता था कि मैं पढ़ता नहीं हूँ इसलिए नंबर नहीं मिलते उनके पढ़ाने का तो दोस्त थोड़ी है तो वो, वो उनका क्लास तो मैं करता था क्लास करता था ध्यान से सुनता भी था और जो कुछ वो पढ़ाते थे उसमें से कुछ कुछ चीज़ें या बहुत सारी चीज़ें मैं सीख लेता था सीख लेता था सीखने की प्रवृत्ति थी लेकिन उसको सीखने के बाद याद क्यों रखूं मैं उन्होंने हम मुझे जुलाई महीने के अंदर में अगर कुछ कोई थ्योरम या कुछ पढ़ाया है तो मैं उसको दिसंबर तक याद क्यों रखूं? तो वहां पे गैप था तो अपने शिक्षकों के प्रति स्कूल के शिक्षकों के प्रति मेरी उतनी ही श्रद्धा है रही शुरू से रही और वो शिक्षक भी मुझे उतना ही प्यार देते रहे क्योंकि उनको भी पता था कि ये जो बच्चा जो है ये बड़े तेज़ी से सीखता है सही सीखता है उसके बाद उसमें मेहनत भी करता है वो दूसरों को भी सिखा देता है लेकिन दो महीने में भूल <alongside> जाता है प्रॉब्लम यही था कि दो महीने के बाद भूल जाता था, था कुछ नया सीखना है ना तो पुराना सीखा हुआ को क्यों याद करें बार 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 बार, बार इसलिए कि इम्तहान है इसलिए कि इम्तहान है इसलिए कि नंबर लाने हैं उसके लिए वो पुरानी चीज़ों को मैं याद करता रहूं और नई चीज़ ना सीखूं उतने समय के अंदर में ये कौन सा लॉजिक है तो ये जो शिक्षक मुझे को बनना है और साइंस में ही गणित बहुत और रसायन बायोलॉजी तो पढ़ा नहीं क्योंकि वो मैथमेटिक्स का चॉइस आ गया तो जब मैं यहाँ आया पढ़ना साइंस कॉलेज में तो मेरे कॉलेज के बहुत सारे विद्यार्थी जे की परीक्षा दे करके और आई कानपुर और यहाँ वहाँ दिल्ली बम्बई वगैरह जाया करते थे हर साल जाया करते थे लेकिन मैंने तय किया मुझे मालूम ये था कि ये सब जो है आईआईटी जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये सब इंजीनियरिंग के कॉलेजेस हैं वहाँ पे पढ़ने के बाद लोग इंजीनियर बनते हैं लेकिन मुझे तो बनना था शिक्षक तो मैंने जे के फॉर्म्स नहीं भरे थी उनने वो कर वो मेरा काम ही नहीं है वो मेरा क्षेत्र वो है ही नहीं तो मैंने सीधा बी का फॉर्म भरा उसी पटना साइंस कॉलेज में और बी फिज़िक्स ऑनर्स ले कर के मैंने पढ़ाई शुरू की जब वो बी चल रही थी मेरी और उस समय मैं बी में, में बहुत सारी किताबें और ये सब पढ़ाई कर रहा था उस समय मुझे पता चला कि आई के अंदर में प्योर साइंसेज में फ़िज़िक्स में मास्टर्स होता है एम एस सी होती है दो साल की एम जैसे कि यहाँ कॉलेज में करेंगे वैसे आई कानपुर में भी एम होती है बी के बाद वहाँ एडमिशन ले सकते हैं तो वहाँ से मन हुआ कि अच्छा चलो वो भी देखते हैं कि आई में कैसी एम होती है यहाँ तो बी हो गए पटना साइंस कॉलेज से तो इस तरह से मैंने वो, वो उसके लिए आवेदन किया आईआईटी कानपुर को कई सारे आई को आवेदन किया था मैंने एक्चुअली सभी आई आई टी एस उसमें अलग अलग परीक्षाएं हुआ करती थी मास्टर्स के लिए अब एक साथ होती है जैम जिसको कहते हैं तो सबसे पहला जो टेस्ट था वो आई कानपुर से जो तारीखों के अनुसार सबसे पहला आया तो उसका आया तो उसके लिए मैं गया वहाँ पे मैंने परीक्षा दी फिर मेरा इंटरव्यू हुआ और मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती थी तो मैंने उनसे आग्रह किया इंटरव्यू लेने वालों से कि क्या मैं हिंदी में उत्तर दे सकता हूँ सवालों के उन्होंने मुझे उसकी भी अनुमति दे दी और उसके बाद फिर उसकी जो सेलेक्शन लिस्ट निकली तो उसमें मेरा नाम मौजूद था तो वहाँ एडमिशन हो गया वहाँ एडमिशन हो गया तो बाकी जगह जा करके और इम्तहान देने की कोई ज़रूरत ही नहीं नहीं तो पहले ही के अंदर ऐसे करके मैंने आई आई टी की तरफ रुख किया प्रोफेसर वर्मा यहाँ पर थोड़ा सा मैं डाइग्रेस हो रहा हूँ विज्ञान की पढ़ाई के लिए तब और अब भी अंग्रेजी का ज्ञान होना कितना ज़रूरी है।, है एक एक लंबी बहस चलती है कि हम जब अपनी मातृभाषाओं में सीखते हैं तो जल्दी सीखते हैं क्योंकि एक अतिरिक्त भाषा का जो हमारे घर परिवार में नहीं बोली जाती उसका हवा नहीं होता है एक दूसरा तर्क केंद्र है जो ये कहता है कि अगर आपको उस विज्ञान के सहारे पूरी दुनिया में धूम मचानी है अपने एम्प्लॉयबिलिटी पर काम करना है है ना तो रोज़गार परख होना बड़ा ज़रूरी है तो उस लिए ज़रूरी है कि आप अंग्रेज़ी सीखें क्योंकि उसमें ज्ञान का विपुल भंडार है और वो अब एक दुनिया की कम्युनिकेशन लैंग्वेज हो गई है आपका तजुर्बा क्या कहता है मेरा तजुर्बा ये कहता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे मस्तिष्क की भी जो क्षमताएं होती हैं वो बढ़ती हैं एक तीन साल का चार साल का बच्चा जितना अपने मस्तिष्क से काम कर सकता है दस साल का बच्चा दूसरे किस्म के काम कर सकता है छोटे बच्चा क्राइम बहुत अच्छे कर सकते हैं बहुत बढ़िया और क्राइम करना ये रटना ये हमारे भारत की संस्कृति का हिस्सा है सहत्तरों वर्षों से ज्ञान एक, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ट्रांसफ़र होता रहा है ओरली ट्रांसफ़र होता रहा है श्रुति परंपरा श्रुति परंपरा है वो तो रटने से मुझको कतई परहेज़ नहीं है और छोटी उम्र के अंदर में रटने की जो क्षमता होती है अद्भुत होती है और इसलिए हमें उसका पूरा सम्मान करना चाहिए लेकिन एनालिसिस करने की नई चीज़ें उस प्रकार से उसकी व्याख्या करने की कनेक्शंस नेटवर्किंग अलग अलग कॉन्सेप्ट करने की वो अलग क्षमता है वो थोड़ी बात में विकसित होती है तो जो सीखना है विषय को जो सीखना है वो अपने स्कूल के समय में मातृभाषा में सिखाई जाए मैं बिल्कुल उसका पक्षधर हूँ और मैंने वैसा ही किया है मैंने वैसे ही किया मैंने दसवीं क्लास तक बारहवीं क्लास तक मैंने अपनी हिंदी में घर में हिंदी बोली जाती थी स्कूल में हिंदी बोली जाती थी किताबें हिंदी में थी लिखना हिंदी में था तो सीखना बहुत आसान था अब उसके कारण से जो आपने कहा ना कि उच्च शिक्षा में हम जाएं और पूरे दुनिया के साथ में कम्युनिकेट करना है वगैरह वगैरह तो जितना मुझे करने की इच्छा थी उतना तो मैंने कर लिया आईआईटी कानपुर के अंदर मैंने तेईस साल तक मैंने प्रोफेसरशिप असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर वगैरह पढ़ाया रिसर्च किया रिसर्च पेपर्स लिखे पीएचडी एच थीसिस लिखी लिखवाई अपने स्टूडेंट्स की लिखवाई तो अंग्रेजी ने मेरे को कहाँ बाधा पहुँचाई अंग्रेजी न जानने में आ, से मेरे को क्या परेशानी हुई कुछ भी परेशानी नहीं हुई 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 क्या कब हुई मास्टर्स में जब एडमिशन हुआ जैसे मैंने उस समय इलेक्शन जो टेस्ट था उसमें उन इंटरव्यूअर्स को मुझे कहना पड़ा कि आप हिंदी में मेरे से बातें करें और उन्होंने हिंदी में मेरे से बात की और देखा कि हाँ इस बच्चे को आता है इस बच्चे को आता है इसने अच्छे कॉन्सेप्ट हैं इसके एनालिसिस अच्छी है और इंटरव्यू के अंदर में उन्होंने अच्छे टेढ़े मेढ़े सवाल रखे वहाँ पे उनको आईआईटी कानपुर के लिए सेलेक्ट करना था तो कोई सीधे सीधे सवाल थोड़ी रखेंगे तो वो सवाल पहली ही बार देखने के बाद उसमें जिस प्रकार से मैं उसमें से अपनी योजना बना सका और जिस तरह से उनको मैंने हल किया तो उनको अच्छा लगा उन्होंने मेरा सिलेक्शन किया बड़ी दिक्कत हुई प्रोफेसर क्या पढ़ाते थे उसके बाद नहीं होता था अंग्रेज़ी की किताब अंग्रेज़ी में किताब पढ़ना ये मुझे आ गया था बीएससी में इंटर तक तो वो भी नहीं आता था लेकिन बीएससी के समय में चूँकि जो किताबें होती थी कॉलेज में पढ़ाई जाती थी उसके अलावा भी मैंने और किताबें पढ़ना शुरू किया था तो अंग्रेज़ी वहाँ से सीखनी शुरू की थी लेकिन बारहवीं क्लास तक नहीं बारहवीं के बाद तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना आ गया था पढ़ के समझना आ गया था शब्द आ गए थे लेकिन बोलना नहीं आया था और उसकी भी ज़्यादा मुसीबत नहीं थी सुनना नहीं आया था ये सबसे मुश्किल थी अगर कोई अंग्रेजी में पढ़ा रहे हैं खड़े हो के प्लेटफॉर्म के ऊपर किताब में लिखा है तो पढ़ लूँगा लेकिन कोई पढ़ा रहे हैं धारा प्रवाह लगातार बोले बोलते चले जा रहे हैं शब्द के बाद शब्द शब्द के बाद शब्द शब्द के बाद शब्द, शब्द, शब्द में चले जा रहे हैं और आगे आगे मामला बढ़ता जा रहा है हमें सोचने का अवसर ही नहीं मिला कि क्या बोला तो एक तो कान में पढ़ रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा है और उसके बाद अगर थोड़ा समझने की कोशिश करें तो उसके लिए वक्त ही नहीं है क्योंकि तो अगला सेंटेंस बोल रहे हैं अगला सेंटेंस बोल रहे हैं बड़ी दिक्कत हुई लेकिन ये पटना साइंस कॉलेज की ट्रेनिंग थी और हिंदी की ट्रेनिंग थी और उसके पहले जो हमने पढ़ाई करी थी अपनी मातृभाषा में उसकी ट्रेनिंग थी कि हमने सेंट्रल लाइब्रेरी का इस्तेमाल किया जो चैप्टर हमारे शिक्षकों ने वहाँ पढ़ाया है आई कानपुर में उसका कुछ भी समझ नहीं आने के बावजूद पाँच प्रतिशत भी समझ नहीं आने के बावजूद लाइब्रेरी की किताबें पढ़ करके और मैंने पहले ही सेमेस्टर में अपने क्लास में टॉप किया तो ये अनसरमाउंटेबल टाइप की प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम hmm. है प्रॉब्लम बिल्कुल है एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है लेकिन उस उम्र में आने के बाद एक सोलह सत्रह साल अठारह साल बीस साल की उम्र में आने के बाद अगर लर्निंग हुई है अगर लर्निंग नहीं हुई है तब फिर बहुत मुश्किल है लेकिन लर्निंग अगर हुई है भले ही अपनी भाषा में हुई है अगर मैं सब्जेक्ट को पढ़ सकता हूँ जान सकता हूँ उसके बारे में सोच सकता हूँ उसमें से लॉजिक कर सकता हूँ नेटवर्किंग कर सकता हूँ एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट से जोड़ सकता हूँ मेरे मस्तिष्क में अगर वो क्षमताएँ आ गई हैं तो भाषा कोई बहुत बड़ा बैरियर नहीं है और ये केवल मेरी कहानी नहीं है हमारे आई कानपुर में जितने प्रोफेसर्स लोग अपॉइंटेड हैं आज की तारीख में उनमें से बहुत सारे लोगों की यही कहानी है बहुत सारे लोगों की यही कहानी सब बताते हैं मैं तो देवरिया से आया हूँ मैंने तो ऐसे ही पढ़ा अभी आपके जो इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के डायरेक्टर हैं डॉक्टर ब्रजेश पांडे वो मेरे स्टूडेंट पी स्टूडेंट भी हैं उन्होंने तो देवरिया के पास में एक ढेकुलिया नाम का गांव है और ढेकुलिया में उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई करी है और उसके बाद आईआईटी कानपुर में पीएचडी करने के बाद और सिम्बयासिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे में एक दस बारह साल उन्होंने अध्यापन किया है उनके रिसर्च स्टूडेंट्स हैं सब है पी कराई उन्होंने लैब चलाई उन्होंने और अभी इंसा के डायरेक्टर हैं एक बहुत लंबी चौड़ी कॉन्फ्रेंस चल रही है अभी उनकी तो ये जो अननेसेसरी एक छोटे बच्चे के ऊपर अंग्रेजी भाषा का दबाव है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है मातृभाषा में चलने देना चाहिए और उसके बाद जब वक्त आए अगर उसको अपनी एक दुकान चलानी है अपना एक बिज़नेस खड़ा करना है जिसमें कि उसके कस्टमर्स उसके ही लोकैलिटी के हैं भारत के हैं हिंदी इन, भाषी क्षेत्र के हैं या तमिलनाडु के हैं तो तमिल भाषी क्षेत्र के हैं क्या जरूरत है उसको पढ़ने की और जिसको जरूरत है वो पढ़ लेगा उस समय पढ़ लेगा कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं आप नहीं उसका कोई ब्रिज कोर्स भी नहीं कराओगे तो भी पढ़ लेगा कर ले जाएगा किस साल पहुंचे थे आप कानपुर जिस साल इमरजेंसी लगी थी 1975 जी और फिर पीएचडी तक वहीं पे रहे हाँ हाँ क्या था आपका पीएचडी का टॉपिक अभी याद भी नहीं है लेकिन हाँ कुछ न्यूक्लियर फिजिक्स से संबंधित था <laughs> <laughs> न्यूक्लियर फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट से संबंधित था हमारे उपकरण हुआ करते थे जिसमें हम गामा रेज वगैरह का इस्तेमाल करते थे और कुछ मटेरियल्स जिसमें लोहा होता है लोहे से बने हुए कुछ मिश्र धातुएँ उनका अध्ययन हम लोगों ने किया था तो उसको वो मिश्र धातु बनाना मेटलर्जी की लैब के अंदर में और फर्नेस के अंदर में पिघला करके और वो करके और मिश्र धातु बनाना फिर उसको एक खास शक्ल के अंदर में उसके पाउडर करना और ये करना वो करना और फिर उसके गामारे प्रहार करके और फिर उसके गुणधर्मों का अध्ययन करना इस प्रकार का कुछ पी का विषय मेरा हुआ करता था तो दो साल मैंने मास्टर्स किया 1975 से 1977, इमरजेंसी लिफ्ट हो गई उसके बाद मैंने पीएचडी किया तो अगले ढाई तीन साल के अंदर मैं पीएचडी पूरी करी और फिर पटना साइंस कॉलेज पढ़ाने के लिए वापस आया वेलकम बैक टू पटना साइंस कॉलेज लेकिन आपने इमरजेंसी का जिक्र किया आईआईटी में किस तरह का माहौल था और आपका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ाव कब शुरू हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ाव जो है वो एक बहुत डेलिकेट जुड़ाव है डेलीकेट इस सेंस में कि मेरे बड़े भैया जो थे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे और उन्होंने बहुत दायित्व भी निभाए और बड़े संघर्षपूर्ण इतिहास उनका रहा है लेकिन फिर भी उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में बहुत काम किया और उसके बाद उनका ये जो प्रकल्प है विद्या भारती का शिक्षा का प्रकल्प है विद्या भारती उसमें उन्होंने बहुत काम किया बिहार और झारखंड पूरा जो एक उस समय संयुक्त प्रदेश था उसके वो क्षेत्रीय संगठन मंत्री कहलाते थे और बाद में अखिल भारतीय वैदिक गणित प्रमुख का दायित्व उन्होंने निभाया तो हमारे मेरे परिवार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो पहुंच थी वो काफ़ी गहरी थी तो उस क्रम में जो उनका शाखा का प्रक्रम होता है तो हम बचपन में वो जाया करते थे और खेल कूद किया करते थे और उसके बाद जो बौद्धिक हुआ करते थे उनसे अपनी मानसिक ओरिएंटेशन जो है चिंतन का जो ओरिएंटेशन है वो हो, होता रहा लेकिन मैंने जो वर्किंग टीम है उसका हिस्सा मैं कभी नहीं बना जैसे मेरे बड़े भैया उनकी वर्किंग टीम के एक महत्वपूर्ण हिस्से थे वैसा मैंने कभी वैसा नहीं बना मैं तो जो संस्कार हैं वो जरूर मिले हैं जो देश के प्रति समर्पण है वो ज़रूर मिला है जो मानवता के प्रति समर्पण है वो जरूर मिला है जो अपनी संस्कृति जो है उसके प्रति समर्पण है वो ज़रूर मिला है लेकिन उनका उपयोग कैसे करना है उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो अपनी धारा है और उसकी जो पद्धति है उसका मैं कभी हिस्सा रहा नहीं और अभी भी नहीं हूँ अभी भी नहीं हूँ तो लोगों को मालूम है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मेरा है संबंध है लेकिन लोगों को ये भी मालूम है कि मैं कुछ करता बढ़ता नहीं हूँ उनके साथ स्वयं सेवक हैं दायित्व तो नहीं है आ, आ, ऐसा है ना कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में स्वयं सेवक से, से इस्तीफा देने का कोई क्लॉज नहीं है नहीं। ना तो अगर आपने एक दिन के करके प्रणाम कर लिया है तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है आपको स्वयं सेवक जिंदगी भर कहलाना ही है <laughs> कोई क्लॉज ही नहीं है कि मैं उसमें इस्तीफा दे हूँ या दूसरी जगह चला जाऊँ या कुछ कर लूँ उससे तो टूट ही नहीं सकता है तो उतना है इंटरेस्टिंग इमरजेंसी का दौर कैसा था इमरजेंसी का दौर बहुत रोचक था क्योंकि इमरजेंसी 25 जून को घोषित हुई थी उन्नीस को और आ, Uh, मेरे जो क्लासेस शुरू होने वाले थे मास्टर्स के सेलेक्शन के बाद वो उससे कुछ बीस दिन के बाद से शुरू होने वाले थे जुलाई में लगभग तो इमरजेंसी जैसे ही घोषित हुई उसके तुरंत बाद जो पकड़ धक्ड़ ये ये सब चालू हुआ हर जगह से जितने जो सरकार के लिए खतरा हो सकते थे उन सबको जेल में डालना और ये सब चला तो उस सिलसिले में मेरे पास भी और राम लखन सिंह जो पटना के इंस्पेक्टर थे वो आए और उन्होंने मेरे को गिरफ्तार करने की अपनी मंशा बताई योजना बताई और उस समय मैंने उनके सामने जो मेरे को आईआईटी कानपुर से वो मिला था एडमिशन का लेटर मिला था वो उनके सामने मैंने रखा था और ये बताया था कि देखो लगभग तीन सप्ताह के बाद मैं यहाँ से कानपुर जाने वाला हूँ तो उनके सामने मैंने बिल्कुल स्पष्ट विकल्प रखे कि अगर आपको लगता है कि आपका दायित्व है आप पटना के इंस्पेक्टर है अगर आपको लगता है आपका दायित्व है कि पटना के अंदर में कोई सरकार विरोधी गतिविधियाँ ना हो तो आप मेरी तरफ से निश्चिंत रह सकते हैं मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैं इक्कीस दिन के बाद तो वहाँ चला जाऊँगा तो और अगर आपको लगता है कि नहीं आप एक सरकारी तंत्र के हिस्से हैं और पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए तो आप मुझे गिरफ़्तार कर सकते हैं क्योंकि कानपुर जाने के बाद मैं क्या करूंगा ये अभी हमें मुझे भी नहीं मालूम है कानपुर जाने के बाद मैं क्या करूंगा मुझे भी नहीं मालूम है तो आप चाहें तो आप गिरफ़्तार कर सकते हैं तो उन्होंने उस लेटर को कई बार पढ़ा मेरे एडमिशन लेटर को और जब उनको यकीन हो गया कि हाँ सचमुच ये सही लेटर है तो फिर उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है मैं आपको गिरफ्तार नहीं करूंगा, लेकिन जब तक आप यहाँ हो जो भी बीस बीस बाईस दिन जब तक आप यहाँ हो, तब तक किसी किस्म का आप कोई पॉलिटिकल काम नहीं करोगे कोई मीटिंग नहीं जाओ करोगे किसी के यहाँ जाओगे नहीं और फ़ोन के ऊपर नहीं करोगे और कुछ योजना फोजना नहीं करोगे तो अगर वो, अगर वो वादा करते हो तो फिर आपको मैं गिरफ्तार नहीं करता हूँ लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ बीच में हुई तो उसके बाद फिर तो कोई मतलब नहीं तो आप किसी छात्र संगठन से जुड़े थे क्या उस समय नहीं मैं छात्र संगठन से नहीं जुड़ा था लेकिन इमरजेंसी लगने के पहले जो बिहार का संपूर्ण क्रांति आंदोलन जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में हो रहा था जिसमें कि पूरे बिहार के और बहुत बड़ी संख्या में छात्र सब जगह उबाल में थे और प्रदर्शन और ये सब होता था तो उसमें मैं पटना के अंदर में हाँ यस मैं धरना देना या जुलूस निकालना या ये सब मैं मैं था और साथ में पुलिस होती थी जिस समय सब कुछ खुला हुआ था इमरजेंसी के पहले तो इसलिए अच्छी तरह सबको पता था कि हाँ ये एक सक्रिय व्यक्ति है तो इस क्रम में ये सारी घटना हुई आई आई पर का पूछ रहे थे वहाँ पर जब मैं पहुँचा तो वहाँ पहुँचने के बाद फिर प्रयास पूर्वक पता किया हालांकि बड़ा कठिन था उस दौर में पता करना कि यहाँ पे भाई क्या हो रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कौन से लोग हैं यहाँ पर तो मालूम मालूम वालूम किया और आईआईटी के अंदर आईआईटी के अंदर तो मिले मुझे लोग मिले तो फिर उनके साथ संपर्क करके और फिर वो दो साल का डेढ़ साल का जो समय था उसके अंदर में क्या क्या कर सकते थे हम लोग तो जन जागरण का अभियान आई कानपुर के आसपास के जो गांव थे दो पाँच सात किलोमीटर के अंदर में वहाँ पर लोगों को इमरजेंसी के बारे में शिक्षित करना और कल्याणपुर और रावतपुर तक चले जाते थे हाँ 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 हा। वो अंदर अंदर का ये तो आप वो ये मैंने रोड रोड के बता दिए हाँ थोड़ा शहरी बताया आपने तो पता नहीं कहाँ कहाँ जाकरा और कौन मिठूर और मसवानपुर और क्या क्या सब थे और हम लोगों ने हम लोगों ने बातचीत करते हुए कुछ महीनों के अंदर में ही आईआईटी कानपुर के विद्यार्थियों की करीब सत्तर पचहत्तर विद्यार्थियों की टीम खड़ी कर ली थी कार्यकर्ताओं की जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से नहीं जुड़े थे तो ऐसे जो पढ़ने के लिए आए थे बाहर कहीं कहीं से आए थे जी तो हमने सत्तर पचहत्तर विद्यार्थियों की टीम खड़ी कर ली थी और हम लोग फिर लोकल लोगों से ऐसे पूछ पाछ करके और गाँव का पता किया करते थे कि किधर की तरफ कौन सा गाँव है और क्या है और क्या नहीं है और फिर सैटरडे संडे में वो दो दो तो तीन तीन चार चार लोग का ग्रुप्स बन करके कोई इधर जाएगा आज कोई उधर जाएगा कोई उधर जाएगा पूरी योजना पूर्वक और फिर सब मिल कर के बैठ कर के तो ये हम लोगों ने लगभग पूरे इमरजेंसी के दौरान किया और इस पूरे की हवा किसी को भी नहीं लगी न हमारे प्रोफेसर्स को क्योंकि हम सारे क्लासेज अटेंड करते थे सैटरडे संडे में काम करते थे और अपनी बैठ के रात में क्या करते थे तो हमारे प्रोफेसर्स को पता नहीं था हम सब लोगों ने अच्छे ग्रेड्स पाए जितने लोग लगे थे किसी का ग्रेड ख़राब नहीं हुआ था उसके कारण से तो प्रोफेसर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनको मतलब पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है इतने अच्छे अच्छे बच्चे हैं सब प्यारे प्यारे भोले भाले और जो पुलिस महकमा है उनकी इफ़िशंसी दक्षता इतनी नहीं रही होगी जितनी राम लखन सिंह की थी तो हमने वहाँ पर भी हमें कुछ कोई अवरोध नहीं मिला और हम अपना काम कर पाए और जब इमरजेंसी फाइनली लिफ्ट हुई तब फिर हमने अपने को प्रकट किया और फिर जब चुनाव हुए जब जिसमें कि जनता पार्टी के रूप में और ये कई सारे जो विरोधी पार्टी के विलय होने के बाद जनता पार्टी बनी थी उसका और कांग्रेस का सीधा सीधा मुकाबला ऑलमोस्ट हुआ उस समय में ये सारे सत्तर पचहत्तर लोगों ने कानपुर के क्षेत्र के अंदर में चुनाव के बिल्कुल एक पार्टी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर की तरह काम करना शुरू किया वोट मांगना घर घर जा करके वोट मांगना उनसे बातें करना और खुल करके किया तो जनता पार्टी के लोगों को जब पता चला हाँ ये क्या हो रहा है ये कौन लोग हैं भाई ये कौन लोग हैं जो मेरे कैंडिडेट का प्रचार कर रहे हैं तो फिर उनकी टीम आई आई टी, कानपुर आप पता करने के लिए और हम लोगों से मिली कैंडिडेट कोई होंगे हमें क्या पता था <laughs> <laughs> उस समय भी पता नहीं था जो कांग्रेस के खिलाफ है हम इमरजेंसी लगाई उसको हराना हाँ पता नहीं कोई राम से ही नाम था कुछ हमें तो पता ही नहीं था कि कौन है क्या है फिर जब वो जनता पार्टी के केंद्रीय वाले लोग आए और हमसे बातें की उन्होंने तब फिर उन्होंने वो बताया कि जिनके लिए आप काम कर रहे हैं उनको आप कैसे जानते हैं हमने काम तो जानते ही नहीं है उनको तो फिर वो उन्होंने बताया नहीं नहीं उनको हम ले करके आते हैं तो फिर वो कैंडिडेट को लेकर के आए और वो आई कानपुर का जो मुख्य द्वार है उसके सड़क की तरफ वहाँ पर एक मंच बना करके और उनको तब तो अकेले तो आते नहीं हैं कई सारे लोग आते हैं सब टोपी पहन पहन करके छः सात लोग बैठे हुए थे मंच के ऊपर अब हम गेस करना चाह रहे थे कि इसमें कौन है वो कैंडिडेट <laughs> तो जो अच्छे अच्छे शक्लों वाले दिख रहे थे वो हमारा ध्यान उन्हीं पर जा रहा था लेकिन अंत में जब उनका नाम पुकार के किया गया तो एक बड़े वृद्ध से सज्जन और दुबले पतले से और दिखने में बहुत इम्प्रेसिव नहीं वही खड़े हुए तब तो पता चला अच्छा इनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं तो इस प्रकार का वो वो कार्यक्रम इमरजेंसी के दौरान आई आई कानपुर में हम लोगों ने किया कभी अध्यापन जीवन और सार्वजनिक जीवन में इतने लंबे वक्फे में आपके पास किसी राजनीतिक दल का ऑफर आया चुनाव लड़ने के लिए नहीं सबको मालूम है कि मैं उस काबिल नहीं हूँ <laughs> पर आजकल तो प्रोफेसर वर्मा लेटरल एंट्री भी काफी चलती है कि सीधे दायित्व तो मिल जाए कि आप आइए शिक्षा का इतना लंबा अनुभव है और विज्ञान से जुड़ा शिक्षा से जुड़ा कोई प्रभार संभालिए इस अनुभव का इस्तेमाल करें वो शायद लोगों को पता है कि मैं ऐसे किसी के साथ जुड़ने वाला हूं नहीं पता ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा ऑफर नहीं ये ना जुड़ने को लेके ये भाव क्यों है? क्योंकि आप शिक्षा सोपान चला रहे हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे अन्वेषका चला रहे हैं जी तो जो आप एक निजी सामर्थ्य के साथ कर रहे हैं समाज के लिए वो यदि संस्थान के स्तर पर हो सरकार के स्तर पर हो तो हम सब तो यही चाहेंगे ना कि हमें प्रोफेसर वर्मा और जितने भी ऐसे शिक्षाविद हैं उनके अनुभव का लाभ मिले <laughs> जो प्रयोग आप कुछ विद्यालयों में कर रहे हैं यदि वो सारे सरकारी विद्यालयों में होने लगे निजी में होने लगे मैं बिल्कुल चाहूँगा वैसा मैं बिल्कुल वैसा चाहूँगा लेकिन अगर उसके लिए हमें एक बने बनाए सिस्टम का पार्ट बनना है और उस बने बनाए सिस्टम की जो उनकी अपनी कमजोरियां और उनके अपने स्ट्रेंथ्स है वो हमारी कमजोरी और स्ट्रेंथ के साथ मैच नहीं करते हैं और उतने बड़े सिस्टम के अंदर में उस सिस्टम के अंदर में परिवर्तन करना हमारे बस की बात है नहीं तो वैसी हालत में हम वो आउटपुट नहीं दे सकते तो हम करते हैं सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के साथ हम बिल्कुल करते हैं विद्यार्थियों के साथ हम करते हैं बेसिक शिक्षा के और माध्यमिक शिक्षा के अधिकारियों से हम मिलते हैं उनके जो डीजी होते हैं उनसे हम मिलते हैं और उनसे हम बताते हैं कि आप अपने स्कूल के शिक्षकों को हमारे पास भेजो विद्यार्थियों को हमारे पास भेजो तो वो एजेंडा पर तो है लेकिन अब उनके रूल्स रेगुलेशंस के तहत अगर मुझे काम करना पड़ेगा और उनमें अगर वो दृष्टि नहीं है तो फिर वो काम की सफलता में बहुत संदेह है तो इसलिए वो जुड़ाव हो नहीं रहा है लेकिन हाँ हम ज़रूर चाहेंगे कि एक स्वतंत्र रूप से जो हम हमारी दृष्टि है जैसे हम करते हैं उस तरीके की चीज़ अगर सरकारी स्तर पर हो तो खुशी की बात है। और हम साथ में काम करते हैं उनके कानपुर है फतेहपुर है शिवराजपुर है इन सब अनेक जगहों के ऊपर जो शिक्षा विभाग है वो शिक्षा विभाग अच्छी तरह से हमें जानते हैं शिक्षा जोपान को जानते हैं और वो करते हैं जितना उस स्तर के ऊपर जहाँ पर कि कोई इंटरफरेंस नहीं है ना तो उस स्तर के ऊपर हम लोग कर रहे हैं लेकिन हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये इतना छोटा सा एक व्यक्तिगत सर्कल जो है छोटा सा उसी के अंदर में ये हो रहा है और ज़रूरत है पूरे देश को नहीं मैं तो इसलिए चाह रहा हूँ कि आ, चार जून को नतीजे आए देश में जो नई सरकार बने हैं वो सरकार ये प्रयास करे शिक्षा विभाग खासतौर पे या जो भी राज्य इस वीडियो को देख रहे हैं जो ब्यूरोक्रेट देख रहे हैं मिनिस्टर्स देख रहे हैं यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है झारखंड में चंपई सोरेन की सरकार है राजस्थान में भजन लाल शर्मा की सरकार है एमपी पी मोहन लाल यादव तो एक लंबी फहरिस्त है वो रीच आउट करें दिल्ली में आदशी लेना है उनके पास शिक्षा विभाग है और मुझे नहीं लगता है इसमें कोई दलगत प्रश्न जो भी सिखाना चाहे बच्चों हाँ, को और आपके हाँ, अनुभव हाँ, से लाभ हाँ, लेना चाहे कैसे वो रीच आउट कर सकते हैं आप तक मेरा तो कोई ऐसा सेटअप ही नहीं है कि उसमें रीच आउट करने की ज़रूरत ई मेल आई डी हाँ हाँ ई मेल आई डी बिल्कुल हाँ मेरा अपना अपना है शिक्षा जोपान का ई मेल आई डी है शिक्षा जोपान की वेबसाइट है मेरी अपनी वेबसाइट है एच सी वर्मा डॉट आई एन शिक्षा जोपान की वेबसाइट है शिक्षा हाइफन सोपान डॉट ओ आर जी तो इन पर तमाम हर तरह के कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हैं आपने आई आई टी से पी एच डी कर लिया और फिर आप जो आपका ट्रू लव है अध्यापन जी बिल्कुल उसके लिए लौटे फिर से पटना साइंस कॉलेज जी हाँ जी हाँ मास्टर बीन ग्रेट फीलिंग जहाँ से पढ़ के गई वहीं पढ़ा रहे हैं जहाँ भैया पढ़ाते हैं बिल्कुल <laughs> बिल्कुल बिल्कुल वो बहुत ही बहुत ही सुखद अनुभूति थी वो बहुत ही सुखद अनुभूति थी एक तो जो शुरू से बचपन से मैंने चाहा था कि मैं एक शिक्षक बनूँ तो वो मैं बना उसकी सुखद अनुभूति उसके बाद उस महाविद्यालय के का जो ग्लोरियस ट्रेडिशन है उसका मैं हिस्सा बनने जा रहा था उसकी सुखद अनुभूति कौन से साल की बात है ये 1979 में ज्वाइन किया था मैंने अच्छा पीएचडी चली रही थी या जमा कर दी थी दो ही साल में आ, ये थोड़ी उलझी हुई कहानी है आप तो सुलझाने के लिए विख्यात समझा दीजिए <laughs> मैंने पीएचडी जमा की है 1980 में जी और पटना साइंस कॉलेज से जो जो कि उनका वो पोस्ट एडवर्टाइज़ हुआ था और इंटरव्यू हुआ था उन्होंने सिलेक्शन किया था और हमें तो 1979 के मई महीने में मुझे ज्वाइन करना पड़ा था और उसके बाद फिर वहाँ से हमने दोनों में तालमेल बिठा करके अगले छः आठ महीने तक साइंस कॉलेज को भी समय दिया आईटी कानपुर को भी समय दिया और मिला जुला करके उन्नीस में मैंने अपनी थीसिस फाइनली जमा की hmm. तो ऐसा है तो तीन वर्ष मेरी इसको टोटल लगे पीएचडी को दो वर्ष 1975 से 77 तक मास्टर्स और 77 से 80 तक पीएचडी लेकिन उसके बीच में उन्नीस से ही पटना साइंस कॉलेज का भी दायित्व तो साथ में ऐसा करते हुए किसी तरह से मैनेज किया गया कंसेप्ट्स ऑफ फिज़िक्स लिखने का विचार मूल रूप से कब आया और कब ये किताब लिख के पब्लिश हुई वो पटना साइंस कॉलेज में हमें वो प्लस टू भी पढ़ाना होता था मैंने खुद भी वहीं पढ़ाए हालांकि मेरे समय में उसको प्लस टू नहीं बोलते थे लेकिन जो भी इक्वे हो तो प्लस टू मुझे पढ़ाना होता था बीएससी पढ़ानी होती थी बीएससी ऑनर्स पढ़ानी होती थी और मास्टर्स भी पढ़ाना होता था पटना साइंस कॉलेज में तो प्लस टू में ज़्यादा स्टूडेंट्स होते थे तो काफ़ी जो रौनक रहती थी वो उन्हीं की रहती थी बीएससी एस में के स्टूडेंट तो कम ही होते थे तो उस दौरान जो कि मेरी अपनी जो विकसित हुई थी अपनी सोच जो विकसित हुई थी फिजिक्स के प्रति तो उसके अनुसार मैंने वहाँ पर अपने विद्यार्थियों में वो सोच विकसित करने की कोशिश करी तो मेरे पढ़ाने का जो तरीका या जो भी हमने लेसन प्लान या जैसे भी हमने किया वो काफ़ी अलग हुआ करता था जी और समस्या यही नज़र आई कि मैं तो पढ़ा दूं लेकिन बच्चे घर पे जा करके कौन से किताब पढ़े तो उसके करस्पॉन्डिंग उस तरीके की कोई किताब थी नहीं तो यहाँ से ये यह उत्पन्न हुआ विचार कि जब नहीं है तो लिखो तो वहाँ से फिर लिखने का ख्याल आया और बहुत छोटी सी कोई महत्वाकांक्षी योजना नहीं थी योजना इतनी थी कि मैं जिन डेढ़ सौ बच्चों को पढ़ाता हूँ पटना साइंस कॉलेज में उनके पास एक किताब होनी चाहिए जो कि मेरे लेक्चर्स के साथ में मैच करे इतनी छोटी सी ही उसकी उसका टारगेट था मेरा तो लेकिन वो वो बिल्कुल फिट होना चाहिए वो किताब बिल्कुल अव्वल दर्जे की होनी चाहिए जो कि इस 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 विज़न के साथ मैच करे और वो बहुत ही अलग आ, किस्म का वो सब कुछ होना था तो इसलिए फिर उसके अंदर में मैं लगा और करीबन समझिए चार साल लगे होंगे मुझे ये समझने में कि किस तरह की किताब की ज़रूरत है क्या उसका खाका होना चाहिए क्या उसकी दृष्टि होनी चाहिए उसके मुख्य बिंदु क्या होने चाहिए ड्राइविंग फोर्सेस क्या होने चाहिए उस किताब के अंदर में चार साल के करीब मेरे को वक्त लगा तो उन्नीस सौ से आप समझ लीजिए नाइन एटी वगैरह तक 84 वगैरह तक ये हुआ निर्णय लेने में कि हाँ करूँगा मैं करूँगा 84 से ऑलमोस्ट मैंने बिल्कुल समर्पण के साथ काम शुरू किया और 92 1992 में इसकी पहली खेप प्रकाशित हुई नवंबर 1992 में फर्स्ट पार्ट नहीं दोनों पार्ट एक दोनों पार्ट दोनों पार्ट एक साथ टोटल काम करने में आठ साल का टाइम मुझको लगा 1992 में ये पब्लिश हुई भारतीय भवन से और फिर उसके बाद इसने मैंने, मैंने तो बहुत थोड़े से अपने विद्यार्थियों के लिए लिखा था लेकिन बाद में सारे विद्यार्थी मेरे अपने विद्यार्थी बन गए पहले तो जो साइंस कॉलेज में जिनको पढ़ाते थे उन्हीं को अपना विद्यार्थी समझकर उन्हीं के लिए लिखा था लेकिन बाद में पता चला नहीं, नहीं देश में जितने भी विद्यार्थी हैं ना वो सब अपने ही विद्यार्थी हैं कल्पनातीत <laughs> था <laughs> yeah. आपके लिए इसकी बिल्कुल 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 कल्पनातीत भी क्यों कहूं मैं कल्पना थी ही नहीं कोई कल्पना हो तो फिर उसके आगे की बात होती है कि नहीं इतनी ऐसा तो ऐसा इससे आगे मेरी तो कोई कल्पना ही नहीं थी ना मुझे तो था कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ लेक्चर कर रहा हूं तो अगर बच्चे के पास में घर में किताब ही नहीं है तो लेक्चर से सीख करके कैसे पूरा काम चलाएगा वो उसको तो किताब तो होनी ही चाहिए क्योंकि मैंने अगर एक लेक्चर लिया है पचपन मिनट का तो उसके अगले ही पीरियड में कोई दूसरे मैथमेटिक्स वाले आ के ले रहे होंगे या तीसरे में केमिस्ट्री तो वाले आ के ले रहे होंगे हिंदी वाले आ कर रहे होंगे तो वो जब पूरे दिन भर में पाँच छः क्लास करके घर जाएगा तो मेरा वाला कितना हो कि उसको रिटेन होगा और उसके आधार के ऊपर वो अपनी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करेगा ये तो कुछ नाजायज अपेक्षा है ना तो वो उतना ही उतनी ही कल्पना थी मेरी कि हाँ चलो बच्चों के पास में किताब एक होगी तो ठीक से पढ़ पाएंगे जब आप पढ़ा रहे थे पटना साइंस कॉलेज में तब तो आपका आवाज़ कहाँ पे था पास में था एक किलोमीटर कौन से मोहल्ले में उसको रानी घाट कहते थे रानी घाट रानी घाट कहते प्रोफेसर वर्मा रानी घाट में बंदर बहुत थे क्या <laughs> भारत वर्ष में तो बंदर ही बंदर होते हैं <laughs> <laughs> क्योंकि एक दुष्ट बंदर है जो पुली के ऊपर बैठा हुआ है जी और वो आपकी किताब में कई बार नमूदार होता है और वो फिजिक्स के सवालों को मुश्किल बनाता है खासतौर पर हमारे जैसे कूड़ लोगों के लिए जिन्हें समझ में नहीं आई तो मैं उस बंद मैं सवाल तो सुलझा नहीं पाया उस बंदर को तलाश रहा हूँ <laughs> वो बंदर मुझ में ही है <laughs> वो देखो क्या है ना कि इस किताब की जो एक बहुत बड़ी अलग विशेषता है जी वो ये है कि ये अपने भारत के विद्यार्थियों मैंने पटना के हिसाब से लिखी थी वो कि अब जो हमारे रीडर्स है जो हमारी ऑडियंस है वो जो ज़िंदगी जीती है और जिसके साथ अपने को कनेक्ट करती है जिन तत्वों के साथ वो अपने को कनेक्ट करती है और जैसी जिंदगी वो जीती है मेरे सारे फिज़िक्स के जो कार्यक्रम हो पढ़ाने के करने के वो उसके साथ जुड़ कर के हों और फिज़िक्स में हमें ये अतिरिक्त सुविधा मिली हुई है स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है हमें कि हम ये कर सकते हैं मुझे केमिस्ट्री बायोलॉजी का पता नहीं है लेकिन हमें तो ये सुविधा है क्योंकि हमें जितनी चीज़ें करनी है चाहे वो मैकेनिक्स हो चाहे वो लाइट हो चाहे वो कुछ भी हो इलेक्ट्रो हो जो कुछ भी हो थर्मोडानो हीट हो वो सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा ऑलरेडी है जी बिल्कुल और इस कारण से अगर हमें उन्हीं के ऊपर आधारित नियम कानून बताने हैं विषय बताना है तो हम इसके साथ उसको जोड़ करके चलें और रिस्निकली डी किताब की यही खासियत है उनकी किताब लिखने में और ऑथेंटिसिटी और वो सब अपनी जगह पर लूसिडिटी वगैरह अपनी जगह पे लेकिन उन्होंने अपनी जो उनकी ऑडियंस है अमेरिकन ऑडियंस उसका जो लाइफ कल्चर है लाइफ स्टाइल है उसके साथ बकायदा उसको जोड़ करके लिखा है लेकिन वो हमारे हिंदुस्तान के विद्यार्थियों के लिए कतई उपयुक्त नहीं रही क्योंकि वो उससे वैसा कनेक्ट नहीं कर पाए रही किनके लिए जिन्होंने थोड़ा लेट उसको पढ़ा जैसे मेरे लिए मैंने रेस्नी खेली डे कब पढ़े जब हमारे साथ के बच्चे पढ़ा करते थे जेई के लिए उस समय तो हमने पढ़ी नहीं मास्टर्स जब मैं कर रहा था उस समय सेंट्रल लाइब्रेरी के अंदर में वो किताबें दिखाई पड़ी तो आया कि अच्छा यही किताब है रेशनी खेली जो कि हमारे साथ के बच्चे ग्यारहवीं बारहवीं में पढ़ा करते थे तब मैंने पढ़े मुझे बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि अब इतनी मेचोरिटी हो चुकी है कि मेरी जिंदगी से नहीं भी जुड़ी है तो भी अगर मेरे को रुचि है तो मैं उसको पढ़ के समझ सकता हूँ और उसमें से सीख सकता हूँ सीखा मैंने बहुत कुछ सीखा और ये भी सीखा कि अगर स्कूल में करना है अगर स्कूल में करना है तो इसी प्रकार से अपने जो स्कूल, हमारे स्कूल के जो विद्यार्थी हैं उनके जो लाइफ स्टाइल है उसके साथ जोड़ना होगा इतना ही फ़र्क है प्रेरणा वहीं से मिली है मुझे और तब फिर हमने वो बंदर वहीं से आए पतंग वहीं से आए कंचे वहीं से आए वो ध्यान होगा उसमें समाल है जिसमें कि कंचा लेकर के और एक रखी रखा होता है यहाँ से वो निशाना लगा करके उसके ऊपर मारता है क्योंकि तो मैंने देखा था ना स्कूल में अपने बच्चे खेलते रहते थे वहाँ पर गड्ढा एक छोटा सा और वो उसमें वो उसमें घुसाना रहता था और ये सब खेलते रहते थे गुल्ली डंडा है करते रहते थे वो फिर हम हाट बाज़ार जाते हैं सब्जियां ख़रीदते हैं ऐसा करते हैं तो वो जो सारा परिदृश्य है और फिर भारत के साथ में जोड़ना है तो जो भारत के प्रमुख शहर हैं प्रमुख पहाड़ हैं प्रमुख नदियां हैं उनका उल्लेख अब हमारे यहाँ वो झुमका पहनना बड़ा एक अच्छा माना जाता है जो हैं वो झुमका पढ़ती हैं तो बच्चे उससे साथ देखते हैं देखते रहते हैं अपने परिवार में इसमें उसमें तो हमारे किताब के अंदर में एक प्रश्न है और एक फोटो भी बनी है जिसमें एक सुंदर सी एक महिला है और कान के अंदर में झुमका लटका हुआ है और फिर उसके ऊपर सवाल है कि साहब उसके ओसिलेशन कराएंगे तो क्या उसकी फ्रिक्वेंसी बनेगी और क्या टाइम पीरियड बनेगा ऐसा वैसा करके है तो ये जो प्रक्रिया थी उसी प्रक्रिया के तहत और बंदर जो कि आप कहीं टूरिस्ट प्लस पे यहाँ वहाँ जाओ और मंदिरों का देश है भारत मंदिरों का देश है ढेर ढेर सारे मंदिर होते हैं और वो बंदर तो बंदर ही होते हैं सभी जगह दिखते रहते हैं तो उस संकेत को वहाँ से लिया गया था आपने मंदिर का जिक्र किया आपकी एक तस्वीर खूब वायरल हुई जिसमें आप अयोध्या में जो अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई है बालक राम के मंदिर की उसके दर्शन के लिए गए और नीचे एक बहस शुरू हो गई एक पक्ष जो कह रहा है कि ये प्रोफेसर वर्मा की अपनी धार्मिकता आध्यात्मिकता है दूसरा वर्ग जो कह रहा है कि इतनी वैज्ञानिक चेतना के बाद भी मंदिर जाने की जरूरत है <laughs> प्रोफेसर वर्मा इस सवाल को कैसे देखते हैं मेरा जो यूट्यूब चैनल है ना, उस यूट्यूब चैनल पर अभी थोड़े ही दिन पहले मैंने एक डेढ़ घंटे का वीडियो लोड किया जी ये 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था वहाँ से जब मैं लौटा तो मुझे पता था कि सभी लोग मुझसे पूछेंगे क्या हुआ कैसे हुआ और, और मैं किसको किसको वो कहानियाँ सुनाऊँगा तो मैंने सबको डिक्लेयर किया था कि मैं सत्ताईस जनवरी को एक पब्लिकली टॉक दूंगा इसके ऊपर और जिसको भी पूछना है जानना है वो आकर के वहाँ पर मेरे साथ बैठ सकते हैं तो सत्ताईस जनवरी को फिर मैंने करीबन डेढ़ घंटे के व्याख्यान के अंदर में और सब कुछ बताया मैं क्यों गया वहाँ क्यों गया जाने का क्या उद्देश्य था और जाने के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैंने वहाँ से क्या सीखा वो सब कुछ मैंने बताया है काफ़ी लंबा वीडियो हो गया वो तो फिर वो एडिट वेडिट नहीं हुआ मेरे पास कोई बड़ी टीम तो है नहीं तो वो अभी हाल में फाइनली उसका वो तैयार हो पाया लोड करने योग्य तो फिर वो किया है उनमें इन सभी प्रश्न जो उठे हैं उस बहस में हालांकि वो वीडियो बना है इस पूरी बहस के पहले ही अच्छा वो जता है इसको ही बन गया ना और ये तो बहस चली लंबी बहस चली होगी और मैं चूंकि ज़्यादा सोशल मीडिया देखता नहीं तो मुझे पता भी नहीं है कि क्या बहस चल रही है क्या नहीं चल रही है जी। तो ये तो बिल्कुल जो मन की बात थी वो उस वीडियो के अंदर में आई है इससे प्रभावित नहीं है वो लेकिन हाँ ये प्रश्न जब मेरे को बताया गया कि ऐसा ऐसा हो रहा है तो मैंने कहा ठीक है हम ऑलरेडी उसका उत्तर मैंने तैयार करके रखा धार्मिकता बनाम वैज्ञानिकता की जो बहस है सवाल नहीं है वो मेरे लिए सवाल नहीं है मेरे लिए ना धार्मिकता का को कोई सवाल है ना वैज्ञानिकता का को कोई सवाल है मेरे लिए सवाल सिर्फ भारत के समाज का है तो मेरा जन्म रामनवमी का है अच्छा 1952 फिफ्टी टू के रामनवमी का मेरा जन्म है दरभंगा में दरभंगा में उस लेक्चर में मैंने यहीं से शुरुआत ही की थी तो राम के साथ संबंध जो है वो जन्म से है चैत्र शुक्ल नवमी <laughs> जी चैत्र शुक्ल नवमी तो मेरा संबंध जो है वो जन्म से ही है लेकिन वो जो धार्मिक आस्था नाम की चीज़ होती है ना वो कहीं ना कहीं मेरे में नहीं है लेकिन जो धर्म के प्रति आस्था रखते हैं उनके प्रति आदर जो है उनके प्रति जो श्रद्धा है वो अटूट है। लोगों के प्रति हाँ, वो, है। वो अटूट है तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सा इक्वेशन है ये मेरे घर में आज की तारीख में क्योंकि मैं अपने घर में अब खुद अकेला ही रहता हूँ जो बड़े भैया और ये सब लोग थे और उनके परिवार के लोग थे वो अब इधर उधर सब हो गए हैं मेरे घर में एक भी मंदिर नहीं है सवेरे उठकर मैं कोई दिया नहीं जलाता हूँ कोई फूल नहीं चढ़ाता हूँ कोई हाथ नहीं जोड़ता हूं मैं है ही नहीं लेकिन राम मंदिर जाने में अयोध्या जाने में कोई परहेज नहीं है मुझे आप जिस मंदिर में कामाख्या मंदिर में मैं गया हूँ जहां आप ले जाओ वहां जाने में कोई परहेज नहीं है जन की आस्था में आस्था है हाँ है ना तो वैज्ञानिकता अगर आप इसको कहते हो तो हाँ वो वैज्ञानिकता है मुझ में मैं तो जानता हूँ कि जो मैं करूँगा मेरा मेरा जो पुरुषार्थ है मेरा जो पुरुषार्थ है वही मुझे करना है वो तो भगवान मेरी सहायता करने वाले हैं तो रहने दो भगवान को अपनी जगह रहने दो मुझे जो करना है मुझे करना है तो मैं कभी भगवान से प्रार्थना नहीं करता हूँ ये भगवान मुझे ये कर दो क्यों कर दो क्यों भगवान क्यों मुझे सहायता चाहिए भगवान की भाई और भगवान अगर आस्थावान लोगों की तरफ से मैं बोलूँ तो क्रूर थोड़ी है वो तो दया की मूर्ति है ना दयावान करुणावतार हैं और क्या क्या है तो वो मेराहित कैसे कर सकते हैं जब मैं अच्छा काम कर रहा हूँ उनकी बनाई हुई जो सृष्टि है अ, मैं आस्थावान व्यक्तियों के हिसाब से बोल रहा हूँ उनकी बनाई हुई जो सृष्टि है अगर मैं उसमें कुछ अच्छा कर रहा हूँ कुछ, कुछ उसको और सुंदर कर रहा हूँ और डेकोरेट कर रहा हूँ उसको उसके क्षरण को रोकने का प्रयास कर रहा हूँ तो क्या वो इसलिए मेरे से नाराज़ होंगे कि मैंने उनके हाथ नहीं जोड़े उसका चापलूस ही पसंद है कि जो उनकी आरती करेगा जो उनके गुणगान करेगा उसी को वो उसी को वो मदद करेंगे और जो एक्चुअल फील्ड पे काम करेगा उन्हीं की बनाई सृष्टि के अच्छे के बेहतरी के लिए काम करेगा उसको वो सजा देंगे ऐसा थोड़ी होने वाला है तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है ना मुझे ज़रूरत जब जब तक मैं यहाँ अपना काम कर रहा हूँ शिक्षा के क्षेत्र में या जैसे भी करके जब तक मैं समाज की उन्नति के लिए काम कर रहा हूँ देश की उन्नति के लिए काम कर रहा हूँ सृष्टि की उन्नति के लिए काम कर रहा हूँ प्रकृति के लिए काम कर रहा हूँ मुझे जरूरत नहीं है और हमें यह भी कहने की जरूरत नहीं है कि अवैज्ञानिकता है जो लोग करते हैं hmm. तो वो उसकी भी मुझे जरूरत नहीं है क्यों जरूरत है मेरा भारत है उसके अंदर में तमाम करोड़ों आस्थावान लोग हैं तो हैं दो उनको वो भी अच्छा काम करते वो ईश्वर के प्रति आसक्त होकर के अच्छा काम अगर कर रहे हैं अगर कोई ईश्वर के साथ में अपने को जोड़ ले तो वो खराब काम तो नहीं करेगा फिर हाँ अगर ईश्वर के नाम के साथ में और नाम के लिए जुड़ा हुआ है और उसके कारण से वो तमाम प्रकार की गड़बड़ियाँ कर रहा है तो वही कर अलग प्रश्न लेकिन जो जो ईश्वर के साथ जुड़ रहा है भक्ति पूर्वक जुड़ रहा है श्रद्धा के साथ जोड़ रहा है वो तो खराब काम नहीं करेगा अच्छा ही काम करेगा धर्मशाला बनवाएगा वो हॉस्पिटल्स बनवाएगा वो प्याऊ बनवाएगा वो करते हैं लोग तो क्या खराबी है तो इसलिए जो आस्थावान लोग हैं सही मायने में जो आस्थावान लोग सही मायने में उनके प्रति अपार श्रद्धा मेरी है अपार आदर मेरा है किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है और वो अवैज्ञानिकता है ये मैं कतई नहीं मान के चलूंगा लेकिन मेरा अपना रास्ता जो है वो यही है कि भाई काम करना है ग्राउंड के ऊपर ईश्वर अगर है तो खुद ही सहायता करेंगे और नहीं है तो कोई बात ही नहीं है हमें तो अपना काम करना है तो ये मेरा स्टैंड है शिक्षा सोपान के बारे में बताइए जी शिक्षा सोपान का ऐसा है कि 2001 के आसपास में आईआईटी कानपुर के कुछ विद्यार्थियों ने यह तय किया था कि आई की जो बाउंड्री है उसके दूसरी तरफ जो समाज रहता है और इस तरफ जो विद्यार्थियों का और शिक्षकों का और इम्प्लॉइज़ का जो वर्ग रहता है उनके उनके में बहुत ज़्यादा विषमता है मेरे यहाँ आईआईटी कानपुर के अंदर में कभी बिजली नहीं जाती और अगर जाती है तो पूरे डीजी और ये और वो सब कुछ है हमारे आईआईटी के अंदर में जो सड़कें अंदर की सड़कें जो हैं क्योंकि बड़ा क्षेत्र है नहीं कितना दो हज़ार एकड़ के करीब का कर क्षेत्र है तो जो अंदर की सड़कें हैं वो कभी टूटती फूटती नहीं है हमेशा उनकी मरम्मत होती रहती है और ये होता रहता है वो होता रहता है सब कुछ रहता है हमारे यहाँ किसी को किसी का घर टपकता नहीं है बरसात के अंदर में <laughs> दूसरे साइड दूसरी तरफ उस समय की बात कर रहा हूँ अभी परिस्थितियाँ बदली हैं लेकिन उस समय में 2001 हज़ार के आसपास के अंदर में बहुत सारे परिवार थे जिनके घरों में बिजली नहीं थी और जो पूरा का पूरा परिवार एक कमरे में रहता था छः सात लोगों का परिवार और उसमें बच्चे पढ़ने वाले होते थे और वो लालटेन जला करके और मोमबत्ती जला करके और पढ़ाई होती थी बाहर बरांडा अगर है तो उसके अंदर में खाना बनता था तो बहुत विषमता थी तो एक ये हुआ कि जो आईआईटी के अंदर विद्यार्थी आते हैं और उसके बाद फिर यहाँ से वो पढ़ लिख करके कुछ अच्छी जगहों पे जाएंगे सोसाइटी के साथ उनका इंटरेक्शन अगर अभी नहीं है वो अपने समाज को नहीं जानते हैं तो फिर वो पॉलिसीज मेकिंग करेंगे या और कुछ करेंगे उद्योग करेंगे तो सब कुछ होगा तो इनके साथ इनको लाभ नहीं मिलने वाला उसका तो ये इंटरेक्शन होना चाहिए तो ऐसा करके कुछ विद्यार्थियों ने शिक्षा सोपान संस्था की स्थापना की उस समय मैं इन्वॉल्व नहीं था लेकिन हाँ जो लोग ऐसा कर रहे थे वो लोग मुझे हमेशा आकर के बताया करते थे कि हम लोग ये कर रहे हैं हम लोग वो कर रहे हैं हम लोग वो कर रहे हैं तो हमारी चर्चाएं होती रहती थी लेकिन उन लोगों ने मिलकर के और ये शिक्षा दुकान की स्थापना की इस लिहाज से कि हमारे आई विद्यार्थियों को एक्सपोज़र मिले जी कि हमारी सोसाइटी कैसी है फिर कालांतर में उसका स्वरूप बदले और लोग नए जुड़े पुराने चले गए स्टूडेंट्स जो थे उनका कोर्स ख़त्म हो गया ऐसा हो गया वैसा हो गया वगैरह वगैरह तो आज की तारीख में वो एक शिक्षा के माध्यम से समाज के अंदर में कुछ अच्छा करने का एक उपक्रम है वो जी तो साइंस रिसोर्स सेंटर की तरह है हमने वहाँ पर क्लास छः से लेकर के और मास्टर्स तक के जो फिज़िक्स के विद्यार्थी हैं उनके लिए कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ, कुछ, कुछ उपकरण कुछ, कुछ ना कुछ प्रयोग ऐसा वहाँ पर खड़ा किया है रिसोर्स सेंटर खड़ा किया है तो जिस प्रकार से लोग आते हैं जिस स्तर के लोग आते हैं उनके लिए उस अनुसार हम लोग कार्यक्रम करते रहते हैं वैज्ञानिक चेतना जगाना और उसके माध्यम से संस्कार देना अच्छी भावनाएं करना अपनी शक्तियों का सही उपयोग करना वो सब करना शिक्षकों के ऊपर ज़्यादा जोर है हम लोग शिक्षकों के कैंप्स करते हैं शिविर करते हैं ताकि शिक्षकों की भूमिका तो बहुत बड़ी है ना तो उस पर हम लोगों का काफ़ी जोर रहता है टीचर्स ओरिएंटेशन कैंप्स करते रहते हैं हम लोग बाहर जा कर के करते हैं दूसरी जगहों पर अपने केंद्र पर करते हैं कानपुर में तो वो सब प्रोग्राम चलते रहते हैं अभी हमने दिसंबर में एक नया प्रयोग शुरू किया वहाँ पे क्योंकि जे -ए -ए के कारण से बड़ा समाज के अंदर में बहुत टेंशन वेंशन होते रहते हैं और कोटा में की कहानियाँ कवर करते हैं आप लोग तो और फिर आईआईटी IIT, के अंदर आई वगैरह जैसे इंस्टीट्यूट्स में जाने के बाद भी जो स्ट्रेस रहता है वो भी कम नहीं रहता है विद्यार्थियों के ऊपर तो हम लोगों ने नया प्रयोग किया दिसंबर में हमने एक कैंप किया सात दिनों का जिसका टाइटल था सॉल्विंग जे एडवांस्ड प्रॉब्लम्स विथ रेगुलर स्कूल फिजिक्स टीचर्स Hmm. जो ट्यूशन नहीं पढ़ाते जो कोचिंग नहीं करते और रेगुलर बोर्ड के लिए सामान्य स्कूलों के अंदर पढ़ाने वाले शिक्षक hmm. वो जे एडवांस का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इसके लिए मैंने कैंप किया और वो बहुत ही सफल कैंप रहा क्योंकि मेरा भी पहला ही एक्सपेरिमेंट था लेकिन जैसा मैंने सोचा था वैसा वाकई हुआ हम उनके अंदर में ये कॉन्फिडेंस डालने में सफल रहे और उन्होंने खुद से लेवल आई के लेवल के नहीं एक्चुअल एक्चुअल जो क्वेश्चन इसमें एडवांस में पूछे गए थे 2020, 21, 22 और 23 में इन चार सालों के क्वेश्चन की पूरी रचना और हमने जो उनको जो एक ओरिएंटेशन दिया कि कैसे ये सवाल है तो मैं कैसे इसके ऊपर अप्रोच करूँगा तो इस उस ओरिएंटेशन को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से ग्रहण किया और हमने कोई सेलेक्टेड टीचर्स नहीं मंगाए थे ढूंढ कर नहीं लाए थे कि बड़े रेप्यूटेड टीचर्स हम लेके आ रहे हैं रैंडम एडवर्टीज़मेंट था रैंडम सेलेक्शन था ऑलमोस्ट रैंडम सेलेक्शन था और पहली बार हमने बहुत सारे टीचर्स को वहाँ पे देखा चार पांच थे जिनको मैं पहले से जानता था सब पहली बार मेरे मैनेजर को देखा जिसका कभी इंटरेक्शन नहीं था सब लोगों ने जयी एडवांस के प्रॉब्लम्स हल किए और रात को सुबह नौ बजे से लेकर के और डिनर तक तो हम उनके साथ में माथा पच्ची किया करते थे पढ़ाना डेढ़ घंटे था मुझे बाकी टाइम उन्हीं को करना था लेकिन हाँ हम सब लोग रहते थे वहाँ मौजूद उनको उस तरह से ओरिएंटेशन दिया हमने और फिर उनको होमवर्क जो हम दिया करते थे वो डिनर के बाद और अगले सुबह नौ बजे के पहले सारे के सारे लोग होमवर्क करते थे उस होमवर्क में फिर वही उसी चार साल के जेई के पेपर के क्वेश्चंस होते थे जिसको अब वो इंडिपेंडेंटली हल करते थे अब वो जो उन्होंने हमारे ओरिएंटेशंस में से जो उनके दृष्टि बनी उसको इंडिपेंडेंटली हल करते थे ये मुझे लगा कि एक बड़ा मॉडल है कि हम अगर अपने स्कूल के रेगुलर फिज़िक्स टीचर्स को इतना एम्पावर कर दें सिलेबस वही है जेई का सिलेबस और प्लस टू का सिलेबस अलग नहीं है वही टॉपिक्स होते हैं उन्हीं में प्रश्न बनाए जाते हैं उसी टॉपिक्स में से वो उनको पढ़ाना ही पढ़ाना है बोर्ड के लिए भी वो पढ़ाना ही पढ़ाना है उस समय में अगर अगर उनके मन उनको अगर ये आ गया ना तो उनसे रहा ही नहीं जाएगा वो डेफ़िनेटली अपनी पढ़ाई का स्तर वहाँ तक लेकर के जाएंगे ही जाएंगे भले ही कितना भी टाइम का कंस्टेंट रह जाए कुछ भी रहे अभी चूंकि उनको ये पता ही नहीं है कि हम भी जेई का प्रॉब्लम हल कर सकते हैं तो वो अपना बोर्ड के हिसाब से करके वो छुट्टी पाते हैं लेकिन अगर मन में अगर हम सीख जाए अगर हम सीख जाएँ तो हमें सिखाने की ज़रूर इच्छा होगी तो वहाँ से एक उसको अगर हम ठीक ढंग से स्केल अप कर सकें तो एक वो एक रास्ता हो सकता है एक तो जो विद्यार्थी लाखों रुपए खर्च करके जाते हैं बड़े बड़े ट्यूशन सेंटर्स के अंदर में और फिर वहाँ से पूरा फ्रस्ट्रेट होकर के लौटते हैं वो पाँच सौ हज़ार लोगों की भले ही वो लिस्ट होती होगी कि हाँ ये इसने जई में ये रैंक पाया और वो रैंक पाया लेकिन उसके पीछे कितने लाख विद्यार्थी वहाँ से फ्रस्ट्रेट होकर के लौट रहे हैं लाखों रुपये खर्च करके तो अगर स्कूल के सिस्टम में उस प्रकार की चीज़ थोड़ा सा ओरिएटेड और खाली सोचने का तरीका सीखने की ज़रूरत है और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है थोड़ा सोचे कैसे जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़े हुए हैं उनको जोड़ा कैसे हम उसकी नेटवर्किंग कर सकते हैं कैसे उस प्रॉब्लम के साथ में उसको जोड़ सकते हैं उसी को केवल सीखने की ज़रूरत है वो जितना ये लोग उसको मेहनत करवाते हैं ना कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर में वो अननेसेसरी बर्न करते हैं अननेसेसरी उसकी एनर्जी बर्न करते हैं जरूरत नहीं है उन चीज़ों की सोचने का तरीका सिखा दो फिर अपने आप चीज़ें बढ़ेंगी तो इस तरह के कई तरह 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 के कार्यक्रम हम लोग करते हैं सोसाइटी के लिए जो जनरल पब्लिक है उनके लिए साइंस मेला होता है हमारा फरवरी महीने के अंदर में उसका नाम है समझो और समझो का फुल फॉर्म है साइंस अब मेरी जिंदगी में होगा तो वहाँ आने के बाद पब्लिक है वो स्टूडेंट्स भी हैं टीचर्स भी हैं एन भी आते हैं वहाँ पे दूर दूर से अब लोग आने लग गए हैं बेंगलोर से और दिल्ली से और भी यहाँ के वो मुलायम सिंह जी वाला जो स्थान है सैफ भाई हाँ सैफ भाई उस तरफ से बुलंदशहर से लोग आते हैं देखने के लिए कि इस बार समझो में क्या है okay? वो आम पब्लिक के लिए है लेकिन जो शिक्षा के क्षेत्र में फिजिक्स के क्षेत्र में उनके लिए तो और भी ज़्यादा है तो इस तरह के तरह तरह के कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं आप कानपुर में रहते हैं जी कोटा देश में आईटी की तैयारी का सबसे बड़ा सेंटर है कानपुर भी एक बहुत बड़ा सेंटर है जहाँ जहाँ आईटी आई वहाँ ऑटोमेटिकली एक बड़ा कोचिंग नेटवर्क हो गया है इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली प्रोफेसर जुनेजा जो आई कानपुर में प्रोफेसर रहे हैं उन्होंने भी बाद में कोचिंग पढ़ाई कभी आपके पास इस तरह का ऑफर आया प्रस्ताव आया कि आप आई के बच्चों को कोचिंग पढ़ा दो लाखों रुपये कमा लो आया तो था वैसे प्रोफेसर ओपी वैसेजा के पास कोई ऑफर नहीं आया था उन्होंने उन्होंने अपनी, अपनी, अपनी शुरू की थी हाँ। और उनके बेटे थे रोहित हाँ। जी 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 तो आया तो था वहां से कोटा से ही आया था बंसल क्लासेस और रिजनेंस वालों का इसका उसका आया कर आया करता था ऑफर <laughs> तो प्रश्न ही नहीं था कि सोचने का भी प्रश्न नहीं था उस और और व्यक्तिगत रूप से आपको लगता है कि ये जो पिछले दिनों हम संजीव सान्याल का एक इंटरव्यू देख रहे थे जिसमें उन्होंने एक बहुत ज़रूरी विषय उठाया कि किस तरह से यूपीएससी की आई एस आई की तैयारी के लिए लोग आठ आठ दस दस साल कुर्बान कर देते हैं और एक एक फ्रस्ट्रेशन की कुंठा की एक लंबी फहरिस्त शुरू हो जाती है कई सुधार होने उसमें ये एक है उसी तरह से आपने जिक्र किया कि वहाँ पे बड़ी संख्या में कानपुर कोटा पटना लखनऊ एक एक तैयारी कर रहे हैं एक एक दो दो साल भले ही उन, न, न, उनकी उनकी रुचि हो उसमें या सिर्फ उनको ये कि इससे एक सेफ रोज़गार हो जाएगा इंजीनियर जैसे आपने कहा कि आप शिक्षक बनना चाहते थे तो और एक फैक्ट्रियाँ सी चल रही हैं एक सीरीज़ भी है बड़ी पॉपुलर कोटा फैक्ट्री नाम से आपकी प्रोफेसर वर्मा क्या राय है क्योंकि इन सब के बीच बहुत हृदय विदारक खबरें भी आती हैं जब बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं उनके ऊपर दबाव होता है इट्स वेरी वेरी पेनफुल जी पता नहीं किसके सपनों को ढोए जा रहे हैं हाँ लेकिन ये तो सामाजिक विषय है क्योंकि वो बच्चे जो हैं कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको लगता है कि मेरे बच्चे की जिंदगी सुरक्षित तभी होगी जब वो इस तरह के बड़े इंस्टीट्यूशंस में जाके पढ़ेगा जो कि बहुत बड़ा मिथ है जो खुद एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर आई में एडमिशन हो गया तो बस सेफ हो गए बहुत बड़ा मिथ है ये भी लेकिन उसको भी अगर छोड़ दें तो एक तो ऐसा है कि वो बच्चों को इसलिए प्रेशराइज करते हैं या प्रेरित करते हैं ताकि उनका बच्चा जो है वो प्यार करते हैं अपने बच्चों से कोई अहित थोड़ी चाहता है तो वो उसको वहाँ पर भेजते हैं दूसरे ऐसे भी बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो हमसे मिलते हैं जो बिल्कुल दबाव नहीं डालते अपने बच्चों के ऊपर कि भैया तुम जानो तुमको जो करना है सो करो लेकिन बच्चों को चूंकि डिफरेंट प्रोफेशंस का एक्सपोजर नहीं है तो बच्चों को भी वही दिखाई पड़ता है इंजीनियरिंग और मेडिकल और फिर वो इस बात के प्रश्न में आ जाते हैं कि मेरे पिताजी कितने अच्छे हैं मेरे ऊपर प्रश्न नहीं डाल रहे हैं और इस प्रेशर में आकर के वो ये निर्णय करते हैं कि मुझे करना है जयी जबकि उनकी अपना जो बायोलॉजिकल जो सिस्टम है वो उसके लिए तैयार नहीं है वो कहीं और के लिए तैयार है शायद फाइन आर्ट के लिए तैयार होगा शायद और किसी चीज़ के लिए तैयार होगा लेकिन वो इस प्रेशर में काम कर रहे हैं कि मेरे पिताजी कितने मेरे पर प्रेशर भी नहीं डाल रहे तो मेरा दायित्व तो बनता है मेरा दायित्व तो बनता है कि मैं करके और उनके चरणों के अंदर वो ला कर, कर के रखूँ दोनों प्रकार से बच्चे प्रेशर में और सीखने का आनंद किसी को नहीं मिल रहा है परीक्षा पास करना है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पास करना है ये उद्देश्य बन गया और ये उद्देश्य गलत नहीं है अच्छा उद्देश्य है ये जरूर लेकिन उसके क्रम में अगर उन्होंने तैयारी करने के दौरान जो सीखा है अगर उन्होंने वो सीखते और उस सीखने का उनको आनंद मिला होता तो उसमें असफल होने का उनको अफसोस कम होता बहुत कम होता है ना? लेकिन वो नहीं हो रहा है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको वो सीखने का आनंद नहीं मिला क्योंकि अगर सीख गए ना दस चीज़ें अगर सीख गए तो एक होता है कि हाँ इतना तो सीख गए ना इतनी तो सफलता मिल गई ना कि इतनी चीज़ें सीख गए हम अब आगे नहीं एडमिशन हुआ तो नहीं हुआ लेकिन इतनी चीज़ हमने नई सीख ली तो उसका एक बहुत बड़ा संबल है वो लेकिन चूंकि वो सीख नहीं पा रहे हैं वो तरह तरह से केवल इम्तहान की तैयारी के लिए वो ट्रिक्स और टेक्निक्स और ये और वो और उसी के लिए रोट लर्निंग उसी के लिए रटना और उसी के लिए क्रैम करना सब कुछ चल रहा है लर्निंग का इंजॉयमेंट नहीं मिल रहा है तो फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है तो ये एक सामाजिक विषय है जिसमें कि एक तो एक्सपोज़र चाहिए मैं अभी भी आपकी टीम के साथ भी बात कर रहा था कई सारे लोगों के साथ कि जो लोग भी जिस भी प्रोफेशन में हैं आई और उसके अलावा मेडिकल के अलावा वो लोग बच्चों को अपनी कहानियाँ सुनाएं कि मैंने तो आईआईटी नहीं करी थी मैंने तो जेई पास नहीं किया था मैंने तो नीट नहीं पास किया था आज मैं खुश हूँ और अच्छी जगह पे हूँ सुरक्षित ज़िंदगी आर्थिक रूप से सुरक्षित ज़िंदगी में जी रहा हूँ ऐसे तो भविष्य को किसी ने भी नहीं देखा होता है कब किसके साथ क्या होगा पता ही नहीं होता है लेकिन हाँ एक कॉमन टर्म में जिसको कहा जाता है कि सिक्योर्ड लाइफ है है लोग बताएं, वो सोसाइटी को बताएं, लोगों को बताएं, हमारे हमारे यहाँ इसकी भी एक बहुत इसका भी फ़र्क पड़ सकता है जो सेना में जाते हैं जो बैंकों में जाते हैं जो राजनेता बनते हैं जो फॉरेन सर्विसेज में जाते हैं तरह तरह के प्रोफेशन है आपका जर्नलिज़्म है, तरह तरह के प्रोफेशंस हैं है, है, उनका वो एक्सपोज़र लें वो एक एक कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हो सकता है इसको टैकल करने का और दूसरा सबसे बड़ा तो ये है कि कहीं ना कहीं पर हमें अपनी स्कूली शिक्षा के अंदर में स्कूली शिक्षा के अंदर में सीखने का आनंद इसका अनुभव कराना चाहिए और उसके लिए शिक्षकों को उस तरह की क्षमता उनमें विकसित हो सबसे पहले है कि जो हमारे शिक्षक हैं उनको सीखने का आनंद मिला है कि नहीं मिला है वो तो यूनिवर्सिटी सिस्टम से आए हैं यूनिवर्सिटी सिस्टम से आए बी एस सी कहीं कहीं से करके और बी एड और टी ई वगैरह करके वो आए हैं सीखने का आनंद उनको मिला कि नहीं मिला अधिकांश बार नहीं मिला है और शिक्षक हो गए हैं तो इसीलिए मैं शिक्षा तूफान में हम लोग शिक्षकों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि अब दिलाओ कोई बात नहीं है वो सीखने का आनंद लेना है तो कोई ये थोड़ी कि जैसे मैं आप रेगुलर कोर्स कर रहे हो यूनिवर्सिटी में तभी आपको सीखना है सीखना तो उसके बाद और अच्छी तरह से सीखना है इम्तहान का भी प्रेशर नहीं है तो अब शिक्षकों को सीखने का आनंद हम अब देना अभी तक नहीं मिला तो कोई बात नहीं अब देते हैं ना तो वो अगर एक व्यापक स्तर के ऊपर हो और शिक्षकों को भी ये इन्जॉयमेंट मिले कि हाँ लर्निंग का तब फिर वो उसको ट्रांसफ़र करेंगे बिल्कुल तब फिर उसको ट्रांसफ़र करेंगे तो ये रास्ते हैं जो कि अगर स्किलअप हो करके और देश भर के अंदर में ये चले और मेरा जेई एडवांस के वो, क्वेश्चन सॉल्व करने का जो कैंप का प्रयोग था वो इसी के लिए था क्या हम अपने शिक्षकों को ये एडवांस के प्रॉब्लम्स कैसे टैकल करने हैं इसके सीखने का आनंद दे सकते हैं क्या हेलो सर नमस्ते जी मेरा नाम राज विक्रम है और मेरा एक ऐसा सवाल है कि जब भी मैं कोई कविता पढ़ता हूँ या कोई बहुत अच्छी लाइन मुझे लिखी मिलती है तो ऐसा आता है कि वाह कभी ने अपना कलेजा निकाल के रख दिया जी आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आपको इक्वेशन देखें <laughs> और कहें माशाल्लाह क्या डेरिवेशन दिया <laughs> एक इक्वेशन मुझे बहुत प्यार से प्यारा है हाँ वो पता नहीं थोड़ा टेक्निकल है वो एक संख्या होती है इरेशनल नंबर जिसको ई से डिनोट करते हैं है ना कुछ उन्नीस बटा सात के आसपास होती है एक दूसरी इरेशनल नंबर पाई है जो कि बाईस बटा सात के आसपास होती है ई जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण संख्या है और उन्नीस बटा सात के आसपास होती है वो उसके ऊपर आप पावर लगाइए और किस चीज़ का पावर लगाइए तो आई टाइम्स पाई का और आई क्या है माइनस वन का स्क्वायर रूट ओके और फिर पाई तो नीचे ई लिखिएगा वो अपने आप में एक इरेशनल नंबर है उसके ऊपर पावर लगाना है वो पावर दो चीज़ों का गुणा है पहली चीज़ है आई वो इमेजनरी नंबर है माइनस वन का स्क्वायर रूट बड़ा ही बेडप दूसरा पाई है वो अपने आप में ही रैशनल नंबर है उसकी भी अपनी कहानियाँ हैं और ये इतना बड़ा कॉम्बिनेशन मिल करके इधर ई e है उधर आई है उधर पाई है इतना बड़ा कॉम्बिनेशन मिल कर एक सुंदर सी संख्या बनती है माइनस वन <laughs> जो पूरी तरह से रैशनल है <laughs> पूर्णांक है सुंदर सी प्यारी सी संख्या बनती है ये इक्वेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है देखने में मैं अपना सवाल छोटा रखने का प्रयास करूंगा <laughs> करूँगा प्रयास सफल हो हाँ प्रयास में विफल होने की गुंजाइश होती है <laughs> तो जो जैसे सौरभ ने इस बात को छेड़ा तो अब बस उसका एक फॉलोअप मैं लेना चाह रहा हूँ जो आपने बात जब वैज्ञानिकता बनाम आध्यात्मिक सोच जो है उस पर जब चर्चा चल रही थी आपने बहुत अच्छा मतलब मैं संतुष्ट हूँ उस जब आपसे बस उसमें एक चीज़ जोड़ना मतलब मैं पूछना चाहता हूँ आपसे जब चंद्रयान थ्री लॉन्च हुआ हम लोगों ने उसका जश्न मनाया सब लोगों ने उससे एक दिन पहले जो इसरो के चेयरमैन थे वो आ, मंदिर गए थे तिरुपति उस पर भी बहुत चर्चा छिड़ी कि ठीक है एक श्रद्धावान व्यक्ति पर आप श्रद्धा रख सकते हैं पर एक जो वैज्ञानिक है उसका सौ फीसदी वैज्ञानिक चेतना होना मतलब ये कहा गया जरूरी है तभी वो वैज्ञानिक है क्योंकि वो साइंटिफिक अप्रोच ऑफ लाइफ पर सौ फीसदी बिलीव करता है अगर वो ये गुंजाइश छोड़ता है कि कुछ चीजें मेरे हाथ में हैं और कुछ चीजें ऊपर वाले के तो फिर वो मतलब उस उसको वैज्ञानिक माना जाए या ना माना जाए ऐसी बहस हुई इस पे आप क्या सोचते हैं मुझे दोनों में संबंध नहीं नजर आता क्या सोमनाथ जी ने अपनी जो उनको इसरो में करना था उसके अंदर में किसी भी रंच मात्र की भी कमी रखी क्या भगवान के भरोसे कुछ छोड़ा क्या कुछ भी छोड़ा क्या एप्सलन भी छोड़ा क्या नहीं छोड़ा ना तो जब उन्होंने अपने स्वयं का जितना भी उनकी शक्ति क्षमता थी उसका एक एक कतरा उन्होंने लगाया उस पूरे प्रोसेस को करने में तो ये कैसे कह रहे हैं हम कि वो कुछ चीज़ें मेरे हाथ में कुछ चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है उन्होंने अपना काम बखूबी किया हाँ अगर उन्होंने कुछ छोड़ दिया होता ये सोच करके भगवान संभाल लेंगे तब ये प्रश्न उठता अब उसके बाद अगर उनको जाकर के मंदिर के अंदर में और नारियल फोड़ना है या पूजा करनी है या और कुछ करनी है तो इसमें आलोचना का कोई भी विषय नहीं है बिल्कुल विषय नहीं है तो ऐसा नहीं है कि वो इसलिए गए थे भगवान से मदद मांगने के लिए कि अब हमसे जो नहीं हुआ सो आप कर देना ऐसी बात नहीं है एक वैज्ञानिक होने के नाते वो अच्छी तरह जानते थे कि क्या करने से क्या होगा क्या करने से क्या होगा वो तो अच्छी तरह से जानते थे और उसी के अनुसार उन्होंने काम किए और उसके अंदर में अपनी गड़बड़ियाँ हो सकती हैं चंद्रयान टू के समय में नहीं हुआ वो गड़बड़ियाँ हो सकती है तो उसकी भी विवेचना है आगे व्याख्या है ये व्याख्या नहीं है कि उसमें भगवान के मंदिर में कौन गया था और कौन नहीं गया था किसके कारण से ये चंद्रयान टू फेल हुआ है उसकी व्याख्या उसकी वो नहीं हुई है आगे बहस इसरो के अंदर में बहस इस बात पर हुई है कहाँ कमी रही थी क्योंकि पता है कि जब कमी रहेगी तो चीज़ फेल होगी जब कमी नहीं रहेगी तो फेल नहीं होगी अपनी तरफ से कमी कोई नहीं रखेगा लेकिन रह जाती है है ना तो इसलिए वैज्ञानिकता जो है वो सिर्फ इस बात में कि आप इस पर यकीन करो जो मैंने फिजिकली किया है उसका अपने नियमों के अनुसार जो साइंस के रूल्स हैं उसके अनुसार एक परिणाम निकलना है और वही निकलना है ईश्वर की इच्छा उसमें कुछ भी नहीं है और सारी रचना इसी प्रकार से हुई है तो कोई आलोचना का विषय नहीं है सर जब नाइन्थ क्लास में था तो न्यूटन को पढ़ा न्यूटोनियन फिजिक्स को तो उसमें था कि समय स्थिर होता है उसके हिसाब से सारी चीज़ें फिर देखी गई समय को कॉन्स्टेंट माना गया थोड़े बड़े हुए आइंस्टाइन की फिज़िक्स आई बड़े मास वाली फिज़िक्स बड़ी बड़ी चीज़ों की तो उसमें पता चला कि नहीं टाइम तो यार टाइम भी चेंज होता है स्पेस और टाइम भी बदलते हैं फिर उसके बाद थोड़े और बड़े हुए मतलब जब फिजिक आखिरी दौर में था विज्ञान छोड़ने के बी में तो सर क्वांटम फिज़िक्स भी आ गई उसमें पता चला कि जो न्यूटन ने कहा था जो आइंस्टाइन ने कहा था उन सबसे इतर भी एक चीज़ है तो सर आप थोड़ा सा मुझे बहुत कम समय में थोड़ा सा समझा दीजिए तीनों के बीच अंतर क्या है और तीनों के बीच रिलेशन क्या है <laughs> क्योंकि अंतर और रिलेशन में बड़ा एकदम कंफ्यूजन रहा हमेशा <laughs> थोड़ा गंभीर विषय है बिल्कुल और उसका मैं बहुत बड़ा विशेषज्ञ भी नहीं हूँ है ना थोड़ा थोड़ा जानता हूँ हल्का फुल्का जानता हूँ तो देखो क्या है ना कि जो संसार है वो बहुत बड़ा है ना और बहुत बड़ा भी है और बहुत छोटा भी है बहुत छोटे छोटे घटकों से बन करके बहुत बड़ा सा बना है और कई बार क्या होता है कि अब एक छोटे घटक को आप समझ लें तो आप पूरे को समझ लेंगे ऐसा नहीं है घटकों से जब मिल कर के और बड़ी चीज़ बनती है तो उसके अपने अलग रूल हो जाते हैं हर घटक का अलग अलग मुझे पता है लेकिन एक साथ जब मिल जाएंगे तो क्या करेंगे उनके एक अलग रूल है तो फिजिक्स का कई स्तर हैं कई स्तर हैं तो जो अगर हम पार्टिकल्स बड़े पार्टिकल्स की कल्पना करते हैं बड़े से मेरा मतलब है धूल का कण धूल के कण को आप स्टैंडर्ड मानिए उससे बड़े पार्टिकल्स की अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो उस समय में जो हमारे उसके सारे व्यवहार हैं ना वो न्यूटोनियन फिजिक्स से चल जाएंगे आज जिसमें आपने समय को एक खास रखा हुआ है कि एक निश्चित गति से वो अपना बहता है और ये है वो फिर आपके इक्वेशंस जो होते हैं मोशन के इक्वेशंस होते हैं न्यूटन के नियम के तो इतने से ये चीज़ें खूब अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी ओके फिर एक दूसरा स्तर आ गया जहाँ पर कि आप कहते हो कि नहीं भैया वो बड़े बड़े मॉस रखे हुए हैं और ये है और वो है अब स्केल एकदम से बदल गया जी। स्केल एकदम से बदल गया तो वैसी हालत के अंदर में जो व्यवहार हैं चीज़ों के उनको फिर इन इक्वेशन से मैं नहीं समझ पाऊंगा और एक ऑब्जेक्टिव थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बड़ा प्रसिद्ध शब्द है आजकल तो उसकी ज़रूरत मत उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है अगर मेरी मेरा काम चलता है इतने में तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में तो मेरे लिए उतना ही सत्य है वो वहाँ पर जब जाते हैं हम तो मामले थोड़े बदलते हैं अब जैसे रोशनी अब रोशनी जब चलती है तो कहते हैं कि उसमें कोई द्रव्यमान नहीं होता कोई मास नहीं होता और इसलिए उसको ग्रेविटी ग्रेविटेशनल इक्वेशन जो न्यूटन का है उसे कोई अट्रैक्शन अट्रैक्शन नहीं है वो अपना सीधा जाएगा चाहे कहीं मांस वास रखा हो लेकिन होता वैसा नहीं है नहीं होता होता वैसा है, वो बेंड वेंड करती है तो फिर एक अलग लेवल का आइंस्टीन का वो पूरा खोलना पड़ता है जिसको कि समझना तो बहुत कठिन है लेकिन उसकी गणित जो है करने में जो एक्सपर्ट्स हैं उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती वो कर डालते हैं उसका पिक्चर नहीं बना सकते हम न वो कंसीव करना बहुत मुश्किल है लेकिन जो भी उनकी तौर तरीके हैं तो डिफरेंट इक्वेशंस हैं उससे उस चीज़ों की गणना चलती है और फिर दूसरा जैसे मैंने कहा इतना बड़ा संसार बना है बहुत छोटे छोटे घटकों से तो जो छोटे छोटे घटक हैं उनके अंदर की अगर कहानी अगर ढूंढेंगे तो फिर से ये रूल्स नहीं चलेंगे ये भी नहीं चलेगा वो भी नहीं चलेगा क्योंकि उसके लिए है ही नहीं वो तो वो फिर क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर में आ गए उसके अंदर आ गए कि भैया वो एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं दो ही क्यों होते हैं पहले सेल में तीन क्यों नहीं हो जाते हैं और दूसरे सेल में आठ क्यों होते हैं पंद्रह क्यों नहीं।, नहीं।, नहीं हो जाते हैं तो वो सब जो इलेक्ट्रॉन के लेवल की न्यूक्लियस के लेवल की वो कहानियाँ जो हैं धूल का कण का मतलब हो गया करीब करीब समझ लीजिए आप पंद्रह बीस माइक्रोमीटर्स और एटम के अंदर चले गए तो फिर वो वो चला गया एंगस्ट्रॉम्स के अंदर में और न्यूक्लियस के अंदर में चले गए तो उससे तो भी तो एक लाख गुना छोटा <laughs> फेमटोमीटर थे तो उस स्तर पे जा कर के अगर आप उसको देख रहे हैं तो फिर ये वाले इक्वेशंस नहीं बनने वाले हैं तो इसलिए अलग अलग स्तर के लिए वो अलग अलग रचना है और जिसको जैसी ज़रूरत है वो उसको वैसा इस्तेमाल करें नमस्कार सर जी सर मेरा सवाल था कि मतलब हर साल आपकी किताब का कॉन्सर्ट ऑफ फिज़िक्स के नए नए एडिशन आते हैं मगर हमारे समय में क्या था मतलब हमने जब मैं क्लास एलेवन में पहुंचा तो बोला गया कि अब किताब ख़रीद लो तो हमने अपने सीनियर से चिरौरी की कि भैया आप अपनी किताब दे, दे देना आप तो पास आउट हो गए हैं तो ये सब अब मेरी बहन ने भी मेरी किताब से ही पढ़ाई की जो मैंने ख़रीदी थी तो क्या हर साल नए एडिशन की किताब खरीदना ज़रूरी होता है ऐसा कुछ मतलब उसमें कुछ नया मेरे मेरी किताब की अगर आप बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट फिजिक्स की तो उन्नीस में जो छपा था ना 2024 में भी वही छपता है कोई भी एक सवाल बदला नहीं गया कोई भी एक पन्ना बदला नहीं गया कोई भी एक चित्र बदला नहीं गया हर साल सिर्फ उसके कवर बदलते हैं like. उसके ऊपर का जो कवर होता है ना जो किताब बिना जब नहीं खोले उस समय जो दिखाई पड़ता है वही बदलता है अंदर का कुछ भी नहीं बदलता आप बेफिक्र हो करके अपनी किताब अपनी बहन को दीजिए बहन के बच्चों को दीजिए उनके बच्चे होंगे उनको भी दे देना एटलीस्ट <laughs> अभी तक तो अभी तक तो थर्टी टू ईयर्स हाँ थर्टी टू ईयर्स हो गए अभी तक उस किताब का फर्स्ट एडिशन ही है सेकेंड एडिशन नहीं है ठीक ना प्रोफेसर वर्मा चर्चा चली है तो ज़रा हिंदी में जो किताब जिसका एक खंड आ गया वो बता दीजिए उसकी भी बड़ी उत्सुकता हाँ, से प्रतीक्षा है लोगों को हाँ जी एक तो एक तो हिंदी की हिंदी में किताब चाहिए इस बात की बहुत डिमांड थी विद्यार्थियों की तरफ से कई सारे खासकर हमारे उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश इन सब इलाकों से और दूसरा ये भी था कि चूँकि मैंने कहा तीस बत्तीस साल हो गए अब तो इतने समय के बाद मैं जब अपनी कॉन्सेप्ट और को देखता हूँ तो मुझे यह अनुभव आता है कि ये तो मैंने बड़ी साधारण सी किताब लिखी हुई है <laughs> क्योंकि इतने सालों का मेरा जो अपना अनुभव बढ़ा है शिक्षकों के साथ विद्यार्थियों के साथ सिस्टम के साथ समाज के साथ मेरा जो अपना अनुभव बढ़ा है पच्चीस तीस साल में तो मैं भी तो सीखता हूँ ना हर दिन कुछ ना कुछ सीखता हूँ तो वो उन्नीस में जो किताब चौरासी से बिरानवे के बीच लिखी गई थी उस समय में के मेरे अनुभव बहुत कम थे आज बहुत ज़्यादा है तो एक वो भी लग रहा था कि नहीं इसको हमें फिर से लिखना चाहिए और आज मेरे पास जितने नए एक्सपेरिमेंट मैं जानता हूँ छोटी छोटी चीज़ों से जो मैं एक्सपेरिमेंट कर पाता हूँ एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर पाता हूँ उस हमें नहीं करता था नाइनटीन एटी में नहीं करता था मैं अब सीखा है मैंने इधर के वर्षों में सीखा है तो वो भी जाना चाहिए तो बजाय इसके कि मैं उसका सेकेंड एडिशन निकालता मैंने दोनों को क्लब किया कि अपनी इस अपने जो नए अनुभव हैं अपनी क्षमताएँ जो मेरी बढ़ी हैं वो भी आएँ प्रेजेंटेशन की सब क्षमताएँ जो बढ़ी हैं वो भी आएँ और हिंदी भाषी क्षेत्र को जो एक था कि भाई हमें हिंदी में किताब चाहिए वो भी आए ऐसे करके हमने हिंदी में उसको लिखने का प्रयास किया है उसका नाम है भौतिकी की समझ तो वो उसी तरह से है चैप्टर्स मतलब खंड वही हैं वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू और वही सारे विषय जो वन के थे अंग्रेजी में वही वाले यहाँ भी हैं टू के हैं वही वाले वहाँ पर भी हैं लेकिन हाँ उसकी रचना बहुत बदल गई अब अंदर की रचना बहुत बदल गई प्रॉब्लम्स नहीं बदले हैं ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नहीं बदले हैं ज़्यादा लेकिन सब्जेक्ट का प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत बदल गया है तो पहला भाग उसका ऑलरेडी है प्रकाशित है और विद्यार्थी उसको पढ़ रहे हैं उसका लाभ उठा रहे हैं दूसरे भाग पर भी काम चल रहा है उम्मीद है कि अगले साल तक में वो भी पूरा हो जाएगा तो फिर एक वो एक नई किताब होगी स्कूल में हमें हमेशा में टीचर्स कहते थे कि एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो उस पर बेस्ड कोई भी न्यूमेरिकल तुम कर लोगे बुक्स में भी पहले थ्योरी पढ़ाई जाती है उस पर थ्योरी बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं बट थ्योरी न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ऐसा टाइम आता है कि आपसे मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाते हैं न्यूमेरिकल्स आपसे सॉल्व नहीं होता तो इट्स ऑल अबाउट कंसेप्ट या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग मैकेनिज़्म भी कोई चीज़ है हाँ देखो उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं वो कहना कि अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो फिर प्रॉब्लम्स बनेंगे ये बिल्कुल सही बात है लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया इसको कौन जांचेगा कब आप कहेंगे कि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कब आप कहेंगे कि नहीं समझ में नहीं आया तो वो एक थोड़ा वहाँ पर लचीलापन है तो कॉन्सेप्ट समझ में आने का मतलब है कि हाँ हमने पढ़ा सारा डेरिवेशन ठीक ठीक मुझे सब समझ में आ गया सब चला लेकिन उसके साथ में अपनी दक्षता कितनी आई वो हमने समझ तो लिया लेकिन जिस तरीके से परशुराम ने कर्ण को कहा था कि तुमने सब सीख तो लिया लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी तो ये शिक्षा तुम्हारे काम नहीं आएगी तो कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ तो लेते हैं कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो हम उसका उपयोग इसलिए नहीं कर पाते हैं कि हमने उसके साथ समय नहीं बिताया हुआ है उसके साथ अनुभव नहीं है सीखा है हमने सीखा है लेकिन उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया है हमने कभी स्ट्रगल नहीं किया उसके साथ हमने तो उसके साथ टाइम नहीं स्पेंड किया तो वो कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे काम नहीं आता है दूसरी चीज़ कि कई सारे कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के पूरक होते हैं और हमारे सिस्टम के अंदर में इसका कोई ध्यान नहीं दिया जाता है हमारे शिक्षा व्यवस्था के अंदर में हर कॉन्सेप्ट को एज एन आइसोलेशन में हम सीखने की कोशिश करते हैं ये वाला सीखा ये कॉन्सेप्ट सीखा वो कॉन्सेप्ट सीखा लेकिन जो प्रकृति है और जो हमारी वास्तविक घटनाएं हैं उनमें इस प्रकार का नहीं है ना उनमें इस प्रकार का डिवीज़न नहीं है अब हमने अगर मान लो कि पानी पीना है अभी हमने इसमें निकाल करके पानी पिया तो ये कहना कि इसमें न्यूटन का पहला नियम वाला कॉन्सेप्ट लगा कि दूसरे वाले लगा कि तीसरे वाला लगा कि प्रेशर डिफरेंस का कॉन्सेप्ट लगा कि बर्नॉली थियोरम लगा सब कुछ लग गया ना इसमें तो पानी बह भी रहा है वेलोसिटीज भी अलग अलग जगह पे अलग अलग हैं सब बहुत सारी चीज़ें लग गई ना तो एक जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम हल करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे हम एक वास्तविक कोई घटना जो होती है प्रकृति के अंदर में उसको एनालाइज़ कर रहे हैं उसको एनालाइज़ करने में हमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ लगती हैं तो कॉन्सेप्ट्स को समझने का लेवल अलग अलग है एक है कि हाँ हमें लगा हाँ ठीक है ठीक ठीक सही 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 हो गया दूसरा है कि नहीं भाई हमने उसके साथ में काफ़ी स्ट्रगल किया हुआ है काफ़ी उठापटक की हुई है एकदम से मुझे पता है एकदम से पता है बिल्कुल पता है हमें और तीसरा होता है कि हम उसको एक साथ एक दूसरे में गुत्थम गुत्था भी कर सकते हैं तो कॉन्सेप्ट का लेवल समझ का समझने का जो लेवल है वो डिफरेंट है लेकिन रूल वही है कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे तो सवाल ज़रूर बनेगा सर फिज़िक्स uh, करते करते मतलब नाइन्थ टेंथ इलेवन ट्वेल्थ में हम अक्सर न्यूमेरिकल सॉल्व करते करते हमारा दिमाग घूम जाया करता था और फिर चीज़ें समझ में नहीं आती थी फिर किताब एक किनारे छोड़ दिया करते थे फिर हमारे टीचर्स भी कहते थे कि थोड़ा टाइम लेके सॉल्व करो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी और उसके बाद फिर हम लोग उसके दरमियान फिल्में देखते थे एंटरटेनमेंट के लिए गाने सुनते थे एंटरटेनमेंट के लिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब फिजिक्स से इतर आप फिल्में देखते हैं या गाने सुनते हैं आपका क्या है वो एंटरटेनमेंट? आई थॉट यू लास्ट कि आप कब किताब किनारे रख देते हैं <laughs> <laughs> uh, देखो फिल्में देखना या गाने सुनना चित्र बनाना म्यूजिक करना कविता लिखना कविता कविता लिखना ये सब जो चीज़ें हैं ये भी अपनी जिंदगी का हिस्सा हैं क्योंकि प्रकृति में डिविजन्स नहीं है डिविजन्स हमने बना रखे हैं ना डिविजन्स हमने बना रखे हैं प्रकृति तो एक बहुत सुंदर सी कलाकृति है सभी चीज़ें सभी आयाम उसके अंदर में हैं तो हर चीज़ इसकी जो है जो आपको सुकून दे वो करनी चाहिए और उसके लिए टाइम भी निकालना चाहिए ओके और जो आप कह रहे हो ना कि उसको जब ऊब जाते हैं तब नहीं बिना उबे हुए भी आपको ये सब करना चाहिए <laughs> किताबों से बिना उबे हुए भी अपने को ये जो फ़ाइन आर्ट्स की चीज़ें हैं बात करना है किसी से बात करना ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा रिक्रिएशन है आप अकेले बैठ कर के गाने सुन रहे हो अकेले बैठ कर किताब पढ़ रहे हो उसकी जगह अगर बात कर रहे हो किसी के साथ में किसी भी विषय के ऊपर वो भी अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है तो ये सब आप इंडिपेंडेंटली होना चाहिए Hmm? पर कभी ऐसा होता है प्रोफेसर वर्मा कि आप फिल्म देख रहे हो मिथुन चक्रवर्ती कोई फ़िल्म है रोहित शेट्टी कोई फिल्म है जिसमें फिज़िक्स के नियमों की धज्जियाँ उड़ती दिख रही हैं तो आप कह रहे रहे हैं तो ये, ये रूल का क्या हुआ <laughs> ऐसा हुआ है कभी आ, देखो वो एक अच्छा वो कंटेंट जनरेशन की जगह हो सकती है अगर मुझे फिजिक्स पढ़ाना है तो ये बहुत इफ़ेक्टिव मीडियम हो सकता है जैसे हमने किया एक वो कौन सी फिल्म थी आपकी वो बाहुबली तो उसके अंदर वो एक होता है ना सांड होता है और ये होता है और उसको पकड़ करके ऐसा धक्का वक्का देते हैं ऐसा वैसा करते तो उसको लेकर के और फिर न्यूटन के गति नियम और ऐसा वैसा, वैसा उसको समझाने का प्रयास अच्छा कई लोगों ने किया हुआ है तो उस मेरी रुचि उस पर्टिकुलर दृश्य पर इसलिए गई क्योंकि बिहार में एक शिक्षा विभाग ने कुछ इस प्रकार के सेशंस किए थे जिसमें कि और रोचक ढंग से कैसे पढ़ाया जाए फिजिक्स तो उसमें जो कई साले उनके रिसोर्स पर्सनस आए थे उसमें से एक ने इसका इस्तेमाल किया था और उसने बताया था कि देखो जब ये ये जब साउंड जीतता हुआ दिख रहा है जिस समय आपको उस समय सांड जो है वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बल लगा रहा है और ये जो आदमी है ये सांड के ऊपर कम बल लगा पा रहा है इसीलिए वो ऐसा जा रहा है जो कि सरासर गलत है और इसी का उल्टा इसी का उल्टा तो फिर वो मैंने उसको पिक किया और उसको मैंने दोनों का इस्तेमाल किया गलत लोग कैसे पढ़ा रहे हैं ये भी बताने के लिए और सही कैसे उसी उसी दृश्य से सही कैसे निकाला जा सकता है उसके भी लिए ओके <laughs> तो धज्जियाँ जब उठती है ना इस प्रकार की <laughs> तो वो एक बहुत आनंद का विषय होता है तो बहुत आनंद का विषय होता है कि और आप ये सोचिए सौरभ जी ये धज्जियाँ केवल फिल्म वाले नहीं उड़ाते हैं ये धज्जियाँ बहुत से फिजिक्स के जो इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट डेवलप करते हैं ना एआई वगैरह या इस तरह के कर इस्तेमाल करके वो उससे ज़्यादा धजिया उड़ा फिल्म का पहले तो ये कह भी सकते हैं कि हम कलाकार हैं हम हाँ, थोड़ा अपनी कल्पना छूट से से है कल्पना है अपनी हाँ. कल्पना से कर रहे हैं क्योंकि जब आप एनिमेशन बनाते हो जब आप इस तरह के कंटेंट बनाते हो तो फिर आप ही नीति निर्धारक होते हो कि क्या करने से क्या होने वाला है आपको अगर सही समझ नहीं है उस उन नियमों की जो प्रकृति में हो रहे हैं, तो आप बिल्कुल गलत काम कर सकते हो तो वहाँ भी कई बार धज्जियाँ उठती हैं लेकिन ये आपका रोचक प्रश्न है और ये बड़े आनंद का विषय है कि फिल्म देख कर के हम उसमें से दोनों चीज़ें निकाल सकते हैं शूटिंग हो रही है ना लाइव शूटिंग हो रही है तो जो लाइव शूटिंग हो रही है वो प्रकृति के नियमों के अनुसार हो रही है तो वहाँ से मैं फिजिक्स पढ़ा सकता हूँ और उसके बाद जब एक बुलेट चली इधर से एक बुलेट चली उधर से उसके बाद उसको मैनेज किया जाता है कि वो आपस में टकराएं उसके दो हिस्से बने एक हिस्सा उस वाले विलेन को लगे एक <laughs> उस वाले हिस्से को लगे ये प्रकृति में नहीं हो रहा है ये मैंने क्रिएट किया है वहाँ आपकी आर्ट है आपका इमेजिनेशन है आपकी कहानी की रोचकता है जो कुछ भी है ओके <laughs> okay? तो हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि हाँ भैया देखो इसमें यहाँ 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 ये नियम फेल हो रहे हैं और ये ऐसा चल रहा है वो भी अच्छी बात है और जहाँ नहीं फेल हो रहे हैं जहाँ की एक्चुअल शूटिंग हो रही है प्रकृति में जो हो रहा है उसी को आप शूट करके दृश्य बना के दिखा रहे हो वहाँ से हम रियल फिजिक्स भी पढ़ा सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा माध्यम है फिल्म पॉपुलर फिल्म सीज हाँ। और उसमें फिजिक्स जी ठीक इंडियन सोसाइटी कभी कभी स्टूडेंट्स को बहुत कैटेगराइज कर देते हैं जैसे इंडिया में कास्ट सिस्टम है जिसे मैथ्स फ़िज़िक्स समझ में आया वो बहुत इंटेलिजेंट हैं जिसे नहीं समझ में आया वो कमज़ोर हैं एक कैटेगरी आता है कि दिमाग तेज़ है लेकिन पढ़ता नहीं है तो ऐसा है कि किसी के पास ज़्यादा दिमाग है किसी के पास कम है जिसे फिज़िक्स मैथ समझ में नहीं आता है नहीं ऐसी बात नहीं होती है देखो क्या है दिमाग कम ज़्यादा की बात नहीं होती है दिमाग के ओरिएंटेशन की बात होती है क्या आपको अपील करेगा क्या आपको अपील नहीं करेगा दैट कैन डिफर दैट कैन डिफर अब ये अच्छी अच्छी पेंटिंग लगी होगी यहाँ पे और मैं ऐसे घूम करके देख करके के जाऊँगा और फिर कोई आर्टिस्ट होगा वो उसको घूम करके के वहाँ से जाएगा तो हम दोनों अलग ढंग से रिएक्ट करेंगे ना मेरा ब्रेन उसका ब्रेन अलग ढंग से रिएक्ट करेगा वो उसको वो चीज़ें दिखाई देंगी जो मुझे नहीं दिखाई दे रही हैं तो इसमें कम ज़्यादा इंटेलिजेंट लेस इंटेलिजेंट का प्रश्न है ही नहीं तो ऐसा हो सकता है कि हाँ किसी को कोई एक चीज़ अपील करती है दूसरे को दूसरी चीज़ अपील करती है तो इसलिए है कि एक्सपोज़र होने चाहिए और फिर जो जिसमें और मज़ा आ गया इसमें तो फिर उसके अंदर में आगे बढ़ना तो वैसा है और ये जो कह रहे हैं ना वो कम दिमाग ज़्यादा दिमाग वैसा कोई चीज़ नहीं होती है सभी के दिमाग काफ़ी बड़े अच्छे होते हैं ऊपर में जाके थोड़ा सा रिपल है लेकिन हम लोग वो ऐसा करते ना अंगूठे और उंगली को रख करके और फैला करके उसको बड़ा कर देते हैं ना तो हम लोग वही करते हैं वो जो रिपल है ना नीचे से ज़ीरो से बहुत ऊपर तक सबका दिमाग इतना है अब उसी में थोड़ा किसी को थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे ऐसा है उसी को हम लोग जूम करके बताते हैं देखो ये बहुत इंटेलिजेंट ये बहुत बेवकूफ़ तो ऐसे कुछ भी नहीं होता है हर किसी का ठीक ही होता है हम ये है कि आप गलत दिशा में अगर जा रहे हैं जो आपको सूट नहीं कर रही है गलत दिशा में जा रहे हैं तो स्ट्रगल ज़्यादा होगा और अगर जो आपको सूट कर रहा है उसी दिशा में आप जा रहे हैं तो स्ट्रगल कम होगा लेकिन सम्मान के पात्र सभी है ये जो एक तगमा तगमा लगता है कि साइंस पढ़ रहे हैं तो आप ज़्यादा बेहतर और आप आर्ट पढ़ रहे हैं तो आप कम बेहतर ये जो लगाया गया है तगमा ये बहुत गलत है सम्मान के अधिकारी वो सभी हैं सभी क्षेत्र के लोग हैं सर मैं तो आर्ट्स का स्टूडेंट रहा तो ज़्यादा आनंद नहीं ले पाया आपकी किताबों का मैं एक शिक्षाविद के नाते आपसे इस एक सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ कि बहुत से पेपर लीक होते हैं हर स्टेट में हम सुनते हैं बड़े बड़े एग्ज़ाम में तो एक शिक्षाविद होने के नाते आपको क्या लगता है कि इसको कैसे रोका जा सकता है ये शिक्षाविद का काम थोड़ी है एक सजेशन आपकी तरफ से वही तो सरकार की मंशा है वो <laughs> ये शिक्षाविद का काम नहीं है ये तो प्रश्न इस बात का है कि हमारे समाज के अंदर में समाज के अंदर सोसाइटी के अंदर में और हमारे एथिक्स कैसे जा रहे हैं ये पूरा सोशल प्रॉब्लम है ये और ये पेपर लीक ही एक बात नहीं है ये बहुत अनेक क्षेत्रों में देखने को मिलता है अब कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िक्स किताब है हमारी ऑफ फिज़िक्स किताब भारती भवन ने पब्लिश की है मैंने लिखी है हुँ? हम लोग का कॉपीराइट है उसके ऊपर तमाम जो वेबसाइट्स हैं और जो लोग कोचिंग के लिए ट्यूशंस के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन फलाने ढिमा के तमाम जो जितने सारे हैं सब जगह हमें वो पीडीएफ कॉन्सेप्ट्स फिजिक्स का डाउनलोड करने के लिए और ऑप्शन मिलता है अब ये अपने आप में कितना अनएथिकल है है, कॉपीराइट का पूरा पूरा उल्लंघन है लेकिन है अब क्यों करते हैं वो वो लाखों रुपए की फीस बच्चे से लेते हैं चार सौ रुपये की किताब खरीदने को नहीं कह सकते लेकिन नहीं और बच्चों को क्या पता है उनको क्या पता है कि क्या लीगल है और क्या इलीगल है उनको तो डाउनलोड दिख रहा है वो डाउनलोड करते हैं वो डाउनलोड करते हैं तो उसके बाद फिर वो किताब जो है वो ऐसे हो जाती है अनथिकल है लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या है ये पब्लिशर हमारे जो है वो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि उनका तो पब्लिशिंग हाउस बैठता चला जा रहा है उनकी जितनी किताबें हैं पॉपुलर सभी किताबों का ऐसे ही हो रहा है जब पी फ्रीली अवेलेबल है तो फिर किताब क्यों बिकेगी तो किताब बिकेगी नहीं तो पब्लिशिंग हाउस कैसे चलेगा और नहीं चलेगा तो नई किताबें कैसे आएंगी एथिक्स की समस्या है ये तो ये पूरे पूरे समाज के में मॉरल वैल्यूज़ जो हैं ह्यूमन वैल्यूज़ मॉरल वैल्यूज़ एथिकल वैल्यूज़ इसकी जो गिरावट आई है अब फिर से वो अगर मैं सवाल उठा दूँ मैं कह दूँ अगर कि जो मॉरल एजुकेशन कहते हैं हम ह्यूमन वैल्यूज़ कहते हैं संसार के प्रति अपने को एकात्मता होनी चाहिए प्रकृति के प्रति, प्रति प्यार होना चाहिए और ये होना चाहिए वो होना चाहिए इस मामले में हमारे जो प्राचीन चिंतक थे ऋषि मुनि थे जिन्होंने उसको धर्म का नाम दिया अध्यात्म का नाम दिया लेकिन उन्होंने ये इनकलकेट किया ये मॉरल वैल्यूज उन्होंने इनकलकेट किए चाहे वो भगवान से जोड़ करके किए हो, चाहे वो जन्म पुनर्जन्म से जोड़ करके किए हो, तुमको ख़राब चूहे का ज़िंदगी मिल जाएगी अगर तुम गल, गल गलत काम करोगे पाप करोगे नरक से जो भी क्या हो लेकिन ये एथिकल वैल्यूज़ इनकलकेट किए तो अच्छा काम किया ना अवैज्ञानिक कहो या जो भी कहो अच्छा काम किया और आज की तारीख के अंदर में हमें इसका बड़ा ह्रास हो रहा है तो शिक्षाविद होने के नाते तो तो मैं क्या कहूँगा लेकिन हाँ ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पे ये कैसे हम इनको लेकर के आएंगे जो हमें कहानियाँ होती थी सांस्कृतिक कहानियाँ होती थी जिनसे हमें शिक्षा मिलती पंचतंत्र की कहानियाँ होती थी जिनसे हमें शिक्षा मिलती थी जो धार्मिक ग्रंथ पुराण होते थे उसकी जो कहानियाँ होती थी उनसे हमें शिक्षा मिलती थी ह्यूमन वैल्यूज़ की शिक्षा मिलती थी वो चीज़ें जो हैं वो विलुप्त हुई हैं और वो विलुप्त होने के कारण से ये पेपर लीक फला ये क्या है आर्थिक लाभ केवल लेना है थोड़ा और जो स्टूडेंट्स की तरफ से आने थी कल है वो एक तो जो पेपर लीक करवा रहे हैं उनकी तरफ से है और दूसरा स्टूडेंट्स की तरफ से है वो अपनी आत्मा को कमज़ोर कर रहे नहीं कर रहे वो अपने स्किल्स बढ़ाने के बजाय अपने स्किल्स घटा रहे नहीं घटा रहे बजाय इसके कि वो कुछ सीखें और सीख करके परीक्षा में बैठे वो क्यों पेपर लीक लाख लाख रुपये दे करके खरीद रहे हैं तो ये पूरा सोसाइटी के अंदर जो मॉरल वैल्यूज़ का डिवैल्युएशन हुआ है उसका ये परिणाम है और उसको एक एक किसी एक आइटम को लेकर के कर करना हो तो प्रशासनिक बात होगी लेकिन सामाजिक संस्थाओं के लिए या जो जो समाज समाज में जो काम करने वाले सोशल साइंटिस्ट हैं उनके लिए ये सोचने का विषय है कि हम अपने एथिकल वैल्यूज़ को किस तरह से इस देश में फिर से सुदृढ़ करें हेलो सो सो साइंस बहुत अंडर है अंडर इन द सेंस टेकन फॉर ग्रांटेड है इस समय में हम पॉलिटिक्स पे बहुत चर्चा सुनते हैं हम छोटे 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 विवादों पर भी बहुत चर्चा सुनते हैं पर एक अच्छे बड़े प्लेटफॉर्म पर बहुत जनरलाइज सेंस में हम साइंस पे ज़्यादा चर्चा सुनते नहीं हैं और जबकि साइंस सबके लिए है हर जगह है तो ऐसा क्यों है और हम इसको कैसे जनरलाइज कर सकते हैं कैसे इन कॉन्वर्जेस को बढ़ा सकते हैं आपसे अच्छा कौन बताएगा हमें <laughs> आपके पास इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है इतनी बढ़िया आपका चैनल है और उसका आपका रीच इतना बड़ा है तो आप करिए अपने अपने प्लेटफॉर्म से शुरुआत कीजिए इस बात की कि साइंस को और प्रमुखता मिले और क्या तरीके कि बाकी सारे भी सीखें. थैंक यू सो मच एंड ऑन सीरियस नोट प्रोफेसर वर्मा हम लोग एक साइंस पर कार्यक्रम करते हैं कार्य के नाम से और जो हमारे साथी हैं राजविक्रम वो करते हैं पर क्या ये मुमकिन है कि शिक्षा सोपान में आप जिस तरह के प्रयोग कर रहे हैं हमारी टीम आके वहाँ पे उनको डॉक्यूमेंट कर सके और हम आपकी सहूलियत से एक वीकली या फोर्टनाइटली आपका एक वीडियो कॉलम शुरू कर सकें ललन टॉप पे जिसमें हमारे दैनंदिन के कामों में किस तरह से विज्ञान अपने आप को प्रकट करती है और ऐसे लोग जिनकी जिंदगी का मकसद जेई की तैयारी करना या बहुत एडवांस साइंस पढ़ना नहीं है पर वो तार्किक लोग हैं वो समझना चाहते हैं दर क्यूरियस पीपल जी तो उनको समझ में आए तो आपके चाहे जलेबी के प्रयोग हों या जैसे आपने पानी उठाते हुए कहा कि इसमें कितनी सारी थ्योरम एक साथ लग रही है क्या ये मुमकिन है सर हम लोग शूट शुरू होने के पहले भी इसके बारे में बात करें। बिल्कुल मुमकिन है बिल्कुल मुमकिन है और देश में बहुत सारे लोग हैं अन्य भी जी हमारे अरविंद गुप्ता जी जो हैं अरविंद अरविंद गुप्ता टॉयज डॉट कॉम के पुणे में रहने वाले वो अद्भुत व्यक्ति है इस इस तरह के कामों के लिए वो अद्भुत व्यक्ति है तो उन्होंने वो खिलौने बनाते हैं साइंस रिलेटेड खिलौने बनाते हैं वो छोटे कागज़ से बनाएंगे, आपके रबर से रबर बैंड से बनाएंगे, पाइप से बनाएंगे, और बिल्कुल आप जो कह रहे हैं मन की बात वो उनके मन की बातें उन तो वो ऐसे कई सारे लोग हैं कई सारे लोग हैं तो सब मिल कर के और आपके सिलसिला आप शुरू करते हैं और इसको आगे ले जाते बिल्कुल, हैं बिल्कुल बिल्कुल <laughs> मेरा आगे होगा लल्लन टॉप के जो कई फलसफे हैं उसमें एक ये है कि देश में निरंतर वैज्ञानिक चेतना का जी प्रसार उस मतलब इससे अच्छा लैपटॉप का इस्तेमाल क्या हो सकता है कि शिक्षक आकर यहाँ पर अपने अनुभव साझा करें और फिर अनुभव जिस बिना पर बने उस विज्ञान को दिखाएं। खास खासतौर पे जो आपका जोर है जो मेरे लिए सबसे बड़ा हासिल है मैंने इस रिसर्च की नो, नोट नोट पर सबसे ऊपर लिखा भी है सीखने का आनंद जी 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 थैंक यू सर हेलो सर सर जब मैं नाइन्थ में था तो मतलब हमें साइंस में बहुत इंटरेस्ट था मतलब न्यूटन लॉ में इन सब में तो जब मैंने फिर इलेवेंथ में और ट्वेल्थ में साइंस ली पी ली थी मैंने पी ली थी तो फिजिक्स में इतना मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगा मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था मतलब बोरिंग टाइप और बायोलॉजी में मतलब बहुत इंटरेस्ट आता था तो इसमें मतलब रोल क्या आता फिर मेरे को समझ नहीं आ रहा या मेरे का अंदर का कुछ था नाइन्थ में इंटरेस्ट था एलेवंथ में नहीं हो पा रहा हाँ तो होते ही है ना वो इंटरेस्ट तो बदलते रहते हैं छोटे बच्चे को जिस चीज़ में आनंद आते हैं दो तीन साल के बच्चे को क्या वही आनंद छह साल के बच्चे को आएगा नहीं आएगा ना जरूरी थोड़ी है दस साल के बच्चे को उसको नहीं आएगा हमें तो उसको देखने में बहुत मज़ा आएगा हमें छोटा बच्चा अगर कुछ कोई चीज़ कोई चीज़ हिलती हुई देख करके के वो एकदम खुश हो रहा है हंस रहा है तो हमें बच्चे को देख के बड़ी अच्छा लगेगा लेकिन उस चीज़ को हिलते हुए देख के मैं नहीं हंसने वाला हूं ना तो वो अपना समय के साथ में अगर आपका इंटरेस्ट लेवल बदलता है तो उसमें कोई भी अस्वाभाविक बात नहीं है और स्पेशली अगर आपने बायोलॉजी लिया इलेवेंथ में और बायोलॉजी से आपका एक्सपोज़र बढ़ा क्योंकि टेंथ तक भी है एक्सपोज़र लेकिन थोड़ा कम है ग्यारहवीं भी जाने के बाद एकदम से ज़्यादा हो गया तो आपको वजन लगने लगा तो ठीक है बड़ी अच्छी बात है लेकिन ये भी साथ में है ये भी साथ में है कि एक तरफ इंटरेस्ट आपको अगर बहुत अच्छा लग रहा है चीज़ें कनेक्टेड होती हैं अगर आपको अच्छी बायोलॉजी समझनी है थोड़ा और आगे चले जाए ग्यारह बारह के भी ऊपर चले जाए अच्छी बायोलॉजी अगर समझनी है तो आपको अच्छी केमिस्ट्री आनी पड़ेगी और अच्छा फिजिक्स आना पड़ेगा ओके okay? अगर आप रेस्पिरेशन को समझना चाहते हैं तो आपको बढ़िया फिजिक्स की ज़रूरत है हम सांस लेते हैं तो लंग्स जो हमारे फूलते हैं और होता है तो उसमें प्रेशर डिफरेंस कैसा बढ़ता है घटता है जो हमारी ट्यूब है विंड पाइप है उसमें से होकर के जब हवा जाती है तो उस समय में कौन सा प्रकार का द्रवों के प्रवाह का गैसों के प्रवाह का कुछ प्रकार का वो है उस चीज़ समझने की बात है ब्लड प्रेशर आप नापते हो ये डायस्ट्रॉल इतना सेस्ट्रॉल उतना तो कहाँ से वो उसको कैसे पकड़ते हैं और कैसे क्यों आवाज़ बंद होती है हटती है बहुत सारी फिज़िक्स आपको समझनी पड़ेगी अगर वो सारी फिजिक्स आपको पहले से आती है तो आपको और आनंद आएगा और वो फिजिक्स पहले से नहीं आती है तो थोड़ा कम आनंद आएगा तो वो सभी चीजें एक साथ के जुड़ी हुई हैं तो उसमें ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको बायोलॉजी की तरफ ज्यादा इंटरेस्ट हो गया और फिजिक्स की तरफ कम इंटरेस्ट रहा लेकिन हां अगर स्ट्रगल से घबरा करके छोड़ाए तो मैं कहूंगा ये पुरुषार्थ का काम नहीं है ये हमसे नहीं हो रहा था इसलिए हमने छोड़ करके कुछ दूसरा पकड़ा है तो ये आपका दूसरे में इंटरेस्ट ज़्यादा है आप उसको पकड़िए बहुत अच्छी बात है लेकिन फिजिक्स से आप घबरा करके और छोड़ करके और कुछ और कर रहे हैं ये घबराने वाली बात जो है ना वो ठीक नहीं है नमस्ते प्रोफेसर वर्मा मेरा नाम बजरंग है मैं हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से फिजिक्स ऑनर्स कर रहा हूँ बी में तो प्रोफेसर मेरा क्वेश्चन ये है कि एक तो आपके क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में क्या ख्याल आता है क्या विचार है वो बताइए और एक जो हमारी दैनिक जो ज़िंदगी है उसके अंदर एक तो जैसे बताया कि साइंस और तकनीक के बारे में हम लोग बात नहीं करते और एक उसमें भी ऊपर उठ के हम लोग जो डीप टेक्नोलॉजी जो नई नई टेक्निक्स आ रही है जो साइंस के फील्ड में एडवासमेंट हो रही है वो केवल साइंटिस्ट या प्रोफेसर के अलावा किसी को कोई आइडिया नहीं है कि क्या हो रहा है और लाइक जो दूसरे लोग हैं दूसरे प्रोफेशंस के लोग हैं वो ऐसे सोचते हैं कि लाइक ये जॉब है जो सबसे बोरिंग है सब ऐसा होता है लेकिन हमें पता होता है कि लाइक कि ये कितना एक्साइटिंग है हम लोग क्या खोज कर रहे हैं तो उसके बारे में एक बताइए देखो क्वांटम कंप्यूटर के बारे में मेरे को जानकारी नहीं है एडमिट करता हूँ मैं बिल्कुल जानकारी मेरे को नहीं है लेकिन हाँ इतना ज़रूर मैं सुन रहा हूँ एक्सपर्ट्स से और मैं कनेक्ट कर सकता हूँ जो क्वांटम कंप्यूटर के ऊपर अपने भारत के अंदर में जो बहुत अच्छे लोग काम कर रहे हैं उनसे कनेक्ट कर सकता हूँ मैं आप पूरा उसका सेशन ले सकते हैं इस प्रकार से तो वो इतना ज़रूर समझ आ रहा है कि आने वाले 10-15 सालों में ही और इसका बहुत ज़बरदस्त इसकी ज़रूरत देश को पड़ने वाली है और अगर हमने इसको ठीक प्रकार से विकसित नहीं किया तो हम बहुत पीछे रहने वाले हैं और कई जो इनक्रिप्शनस होते हैं जिसमें कि सुरक्षा के माध्यम के लिए ज़रूरी होते हैं वो सब चीज़ें अब क्वांटम कंप्यूटर्स के माध्यम से ही आने वाली हैं और वो बहुत ज़रूरी है अपने देश की सुरक्षा के लिए या समाज के अंदर में भी तरह तरह के जो सिक्योरिटीज़ चाहिए होती हैं हमारे अपने बैंक अकाउंट की सिक्योरिटीज चाहिए होती है हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं उसकी सिक्योरिटी चाहिए होती है हैकिंग होती है इधर उधर होता है तो उन सब के अंदर में क्वांटम कंप्यूटर्स की भूमिका बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है अगले आठ दस सालों के अंदर ही ऐसे समझ में आ रहा है क्योंकि इनका जो क्वांटम लेवल के ऊपर जो इंक्रिप्शन है वो बहुत स्ट्रांग है वो जब बहुत ही जो अभी जो हो रहा है वो तो थाउजेंड टाइम्स स्ट्रांग है तो इसलिए उसकी अपनी महत्ता है और उसका वो चल रहा है लेकिन आप पूछोगे कि वो काम कैसे करता है तो वो मुझे पता नहीं है क्वांटम कंप्यूटर में होता क्या है वो तो मुझे पता नहीं mm -hmm. एक कुछ कुछ और भी पूछ रहे थे आप यस सर वो टेक्निक हाँ टेक्निक्स जो हैं और साइंस में जो रिसर्च हो रहे हैं वो अमूमन लैब के अंदर ही रह जा रहे हैं है? और सोसाइटी को पता नहीं चल रहा है ना ये एक प्रश्न है कि सोसाइटी को पता नहीं चल रहा तो उसमें मेरे ख्याल से जो भी साइंटिस्ट लोग उसके अंदर लगे हैं ना वो मगन है राइट वो अपने शोध में और अपने उन्होंने कुछ टेक्नोलॉजी विकसित की काम कर रहे हैं वो मगन है उनको चिंता नहीं है कि हम इसको कौन सुन रहा है और कौन नहीं सुन रहा है वो अपना काम कर रहे हैं तो अब हम लोगों का दायित्व तो है कि हम लोग उनको इन्वाइट करें हम लोग उनको अब ये भी साथ में है कि उनके साथ में वो अगर आप मासेज को चाहते हैं कि पता चले तो उसको उनकी भाषा के अंदर में लेके आना ये भी एक बड़ी चुनौती का काम है मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो सकता हूँ बहुत अच्छे खोज कर सकता हूँ लेकिन उस बातों को और एक आम व्यक्ति को समझाना एटलीस्ट उसका एक थोड़ा सा पिक्चर डेवलप करना थोड़ा सा ये करना ये अपने आप में एक टीचिंग की कला है ये कि मैं अपने ऑडियंस को समझता हूँ और अपनी ऑडियंस की समझ को के अनुसार अपने प्रेजेंटेशन को ट्यून कर पाता हूँ उस लेवल के ऊपर ये भी है लेकिन आ, इस प्रकार की कोशिश की जा सकती है कि जितने साइंटिस्ट हैं जितने इस प्रकार के नई टेक्नोलॉजीज़ पर काम करने वाले हैं उनको साथ में लेकर के सीधे पब्लिक कार्यक्रम न किए जाएं, एक छोटे इसके अंदर में उनसे कहा जाए कि आप हमें समझा दो और उसके बाद फिर उसमें से उनको भी पता चलेगा कि क्या नहीं हम समझा पाए और हमें भी पता चलेगा कि अच्छा उसमें क्या कर सकते हैं वैसे करके फिर उसमें एक फिर आगे उसको पब्लिक के अंदर में ले जा सकते हैं उससे क्या होगा ना कि पूरे समाज के अंदर में विज्ञान टेक्नोलॉजी के प्रति एक जागृति आएगी तो एक वातावरण बनेगा वातावरण बनेगा तो फिर उसमें से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो फिर प्रेरित होंगे कि वो अच्छा बड़ी टेक्नोलॉजी पे काम करें बड़े साइंस पे काम करें हेलो सर uh, मेरे ऐसे हज़ारों लोगों ने लाखों बच्चों ने ये किताब पढ़ी होगी आपकी किताब और ये तब से जानी मानी किताब है जब इतने प्लेटफॉर्म नहीं थे फेसबुक गूगल ये सब नहीं थे तो मुझे है कभी आपने आपसे किसी ने पूछा कि कंसर्ट ऑफ फिजिक्स से एस सी ओर को कितनी रॉयल्टी मिलती है या कि फिर <laughs> आप ऐसा आप कैसे रहते हैं ईडी <laughs> को पकड़वाओगे क्या <laughs> Uh, मैं इतना ज़रूर आपको बताऊंगा कि रॉयल्टी मिलती हैं ओके okay? अच्छी अच्छी रॉयल्टी मिलती हैं लेकिन जो भी रॉयल्टी मिलती हैं उसका मैं कोशिश करता हूं कि उपयोग जो है सो वापस समाज के लिए हो बाकी विद्यार्थियों के लिए हो और लेकिन मेरे पब्लिशर की चिंता ज़रूर है क्योंकि नकली किताबें और ये सब इलीगल कॉपीज़ ये सब इतना बढ़ा हुआ है और काफ़ी अनएथिकल है उसमें हमारी किताबों के अंदर में वो होलोग्राम लगा होता है जिसकी कॉपी नहीं हो सकती है ओके तो नकली और असली की पहचान करने में दिक्कत नहीं है किसी को भी दिक्कत नहीं है लेकिन फिर भी लोग नकली किताब इसलिए ख़रीदते हैं कि वो सौ रुपये सस्ते में मिल रही है तो यहाँ पर फिर वही प्रॉब्लम आ रहा है फिर वही मॉरल वैल्यूज़ का प्रॉब्लम आ रहा है हम लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट को देने के लिए लेकिन किताब ख़रीदते समय सौ रुपए कम में अगर मुझे मिल रही है और मुझे पता है कि वो किताब जो है वो नकली किताब है क्योंकि उसका होलोग्राम का केवल फ़ोटो वहाँ पर होलोग्राम नहीं है फिर भी हम वो एक सौ रुपये बचा रहे तो ये जरूर मेरे को समस्या नहीं है मेरे को रॉयल्टी कम मिलेगी तो क्या होगा हमें तो उसको यूज़ करना है सोसाइटी के लिए तो कम यूज़ करेंगे <laughs> लेकिन पब्लिशर को जरूर चिंता है उसकी मेरे को उसकी भी फिक्र है क्योंकि उनका पब्लिशिंग हाउस बंद नहीं होना चाहिए ना तो ये सब भी तरह तरह की चीज़ें हैं जो कि निकल करके आती हैं नमस्ते सर तीन गुणे दस की घात आठ मीटर पर सेकेंड ये स्पीड ऑफ लाइट है सर आइंस्टाइन ने बोला कि इससे ऊपर कोई जा नहीं सकता है और आपकी किताब का रेफरेंस दूं तो चैप्टर नंबर जो 21 है जिसमें आपने लाइट के बारे में बताया है वहाँ पे आपने कोट किया है कि हमारे जो वैदिक जो हमारा उपनिषद हैं जो हमारे जो ग्रंथ हैं उसमें लाइट की स्पीड बताई गई है और जबकि 1983 में जब हम वर्ल्ड कप जीते थे उस साल उस, उसको कुछ कैलकुलेट किया गया था तो ये क्या है सर और मैं इसमें ये ऐड करना चाहता हूँ कि हम हमारी जो हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है भारतीय धार्मिक जो ग्रंथ हैं उनमें ये सब चीज़ें पहले से कोटेड है तो हम वैदिक मैथमेटिक्स की तरफ या इन सब चीज़ों की तरफ गौर क्यों नहीं करते हैं? हमें बार बार हाइजेनबर्ग की तरफ या ऑफ़नहामर की तरफ या आइंस्टाइन की तरफ क्यों जाना पड़ता है इन सब चीज़ों को पुष्ट करने के लिए नहीं 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 ये बहुत अलग अलग विषय हैं देखिए जो न्यूटन आइंस्टीन हाइजनबर्ग ने काम किया है वो हमारे जो ग्रंथ हैं हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें वो नहीं है उनमें वो नहीं है कतई नहीं है तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ पहले से मौजूद हैं ऐसी बात नहीं है न्यूटन ने जो किया है ना न्यूटन 1667 सिक्सटीन वगैरह में उनका स्वर्णिम काल कहा जाता है उस आसपास में जब उन्होंने बहुत सारी चीज़ें विकसित की न्यूटन का नियम और ग्रेविटेशन और ये सब चीज़ें उसी सब आसपास की हैं सत्रहवीं शताब्दी और उनसे बहुत पहले भास्कराचार्य का एक श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है मैंने अपने हिंदी भौतिकी की समझ में उसको लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िक्स में नहीं है वो जिसमें उन्होंने बताया है कि जो धरती है उसमें एक स्वाभाविक रूप से आकर्षण करने की शक्ति होती है और उसी के कारण से चीज़ें जो होती हैं वो फॉल करती हैं तो जो एप्पल की कहानी है सेब की कहानी है कि वो फॉल किया और उससे न्यूटन को आइडिया आया कि ग्रेविटेशन होना चाहिए उन्होंने बोला और वो तो हमारे यहाँ उसके 600 साल पहले ही भास्कर आचार्य ने लिख करके इस बात का काफ़ी प्रचार किया जाता है लेकिन न्यूटन की महानता इस बात में नहीं है न्यूटन के साथ ये अत्याचार है कि उन्होंने सेव को गिरते हुए देख करके उनको ध्यान आया कि अच्छा धरती चीज़ों को खींचती है ये तो बच्चे बच्चे को ख्याल आता है और आज से नहीं आता है जब से लोग सोचने समझने लायक में तब से आता है न्यूटन को इसके लिए क्रेडिट नहीं देना है न्यूटन को क्रेडिट इसलिए देना है कि उन्होंने उसका न्यूमेरिकली जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर इतने न्यूटन का फोर्स वहाँ लगता है भास्कर आचार्य के इसमें नहीं है वन बाई आर स्क्वायर का डिपेंडेंस है भास्कर आचार्य में नहीं है और ये वन बाय आर स्क्वायर के डिपेंडेंस के कारण से हम अब अपने सेटेलाइट को जो भेजते हैं ना और उसकी जो मैथमेटिक्स करते हैं वो न्यूटन के इस वन बाई आर स्क्वायर के कारण से करते हैं ओके तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत है कि जो मॉडर्न जितना साइंटिफिक डिस्कवरीज़ हो रही हैं इक्वेशंस बन रहे हैं समझ विकसित हो रही है वो सब हमारे ग्रंथ पुराणों में है ऐसा कहना गलत है लेकिन ये भी सही है कि हमारे ग्रंथ पुराणों में जितनी विज्ञान की व्याख्याएं हैं चाहे वो बायोलॉजी की व्याख्याएं हो माइक्रोब्स की व्याख्याएं हो प्लांट्स की व्याख्याएं हो, गणित की व्याख्याएं हो, केमिस्ट्री के व्याख्याएं हो, फिज़िक्स की व्याख्या जितनी है अपने कालखंड में उनका कोई जवाब नहीं है बाक़ी की दुनिया के हिसाब से देखें तो वो बहुत आगे है वो बहुत विकसित हमारा विज्ञान है राइट तो उसके प्रति जो हमारा श्रद्धा है हमारी हमारा जो उसके प्रति आदर है उसके साथ जो जुड़ाव है हमारी धरती से हमारे देश की धरती से हमारे भारतवर्ष से इस प्रकार की वैज्ञानिक सोच हुआ करती थी आज से 2000 साल पहले 1200 साल पहले हज़ार साल पहले और लोगों ने इतना ज़बरदस्त उसका एक्सपेरिमेंटेशंस भी करके रखा हुआ है खास करके बायोलॉजी के अंदर में और केमिस्ट्री के अंदर में इतना ज़बरदस्त उन्होंने चीज़ों को स्टडी करके रखा हुआ है आंसर किया है हमें उसका बहुत गर्व है और दुनिया में कहीं आपको दूसरे संस्कृतियों के अंदर में इतना ज़्यादा विकास नहीं दिखाई पड़ेगा उस कालखंड सर्जरी हमारे यहाँ की जो सर्जरी है वह क्या जबरदस्त चीज़ रही है दुनिया से हम बहुत आगे रहे हैं तो हमें उस बात का पूरा गर्व है एट द सेम टाइम हमें वो फॉल्स अटैचमेंट नहीं है हम ये नहीं कहते हैं कि अरे ये सब क्या है आइजन वर्ग क्या है वहाँ तो देखो फलाने श्लोक के अंदर में लिखा है वो बिल्कुल भी वो अवैज्ञानिकता है नमस्ते सर सर मैं आज आजकल जैसे कि सरकार स्टेम क्षेत्र में महिलाओं को प्रमोट कर रही है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथ्स में जिससे कि लंबे समय तक महिलाएं वंचित रही हैं तो सर आपके अनुसार अब आगे ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे कि पुरुष भी उसके अंदर आए नहीं नहीं सर कि आगे अब महिलाओं के इस क्षेत्र में बाधा ना आए स्टेम फील्ड में कोई नहीं बाधा आने वाली है ये वादा वाला कोई नहीं आने वाली है हाँ अभी स्पेशल ड्राइव हो रहा है इस बात के लिए क्योंकि कहीं पर एक सामाजिक परिस्थितियाँ ऐसी बनी हुई हैं जिसमें कि ये समझा जाता है कि जो हमारी गर्ल्स हैं वो मेडिकल के लिए ज़्यादा उपयुक्त हैं अगर साइंस में जाना है तो है ना टेक्नोलॉजी के लिए उपयुक्त नहीं है और उससे भी ज़्यादा उपयुक्त वो आर्ट वगैरह के लिए हैं ऐसी जो एक सामाजिक धारणा है तो सरकार उसको थोड़ा सा स्पेशल ड्राइव करके उसको तोड़ने की कोशिश कर रही है कि नहीं ये टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी हमारी महिलाएं जो हैं वो आकर के और अच्छा काम करें उसके लिए कुछ अतिरिक्त तो सुविधाएं कुछ अतिरिक्त तो उनको इंसेंटिव्स ये सब देने की बातें चल रही हैं बाधा कभी किसी ने पहुंचाई नहीं और ना कोई आगे पहुंचाएगा। तो ये जो सोशल अपना स्ट्रक्चर है जिसमें कि हम ये मान करके चलते हैं अभी लोग किताब लिख रहे हैं हम लोग छोटे बच्चों की अब उसके अंदर बड़ी समस्या हो जाती है लोग उदाहरण देना चाहते हैं तो आपकी माँ जब रोटी बनाती हैं तो ये ऐसा होता है वैसा होता है आगे साइंस चलती है उसकी अब मैं सोचता हूँ कि ये माँ रोटी क्यों बनाती है ये बहुत स्वाभाविक सी बात है माँ रोटी बनाती है आपकी कोई नहीं लिखेगा कि आपके पिताजी रोटी बनाते हैं तो ऐसा होता है उसमें आटे का ऐसा फैलता है और ये होता है वो होता है कोई नहीं कहेगा नहीं। तो हमारे समाज के अंदर में एक धारणा है कि रोटी बनाना किसका काम है तो महिलाओं का काम है हाँ ठीक है वो जो कुक होते हैं फाइव स्टार होटल के अंदर में उसके अंदर में मेल्स होंगे लेकिन घर के अंदर में रोटी बनाना किसका तो ये जो सामाजिक संरचना है ना उसके तहत भी हमारी जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं उनको मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना चाहिए उनको बायोलॉजी पढ़ना चाहिए साइंस नहीं पढ़ना चाहिए उनको आर्ट पढ़ना चाहिए ये सब तरह की चीज़ें हैं जिसको ब्रेक किया जा रहा है तो बाधा कुछ नहीं पढ़ने वाली है ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी बढ़ेंगी और सभी लोग मिलकर ही काम करने वाले हैं प्रोफेसर वर्मा जब हमें ये ख़बर मिली कि आप आ रहे हैं तो मेरे गांव में कुछ दोस्त हैं मैं कानपुर के पास उई एक ज़िला पड़ता है उई जालून वहाँ का रहने वाला हूँ तो मैं अपने गांव के शहर के दोस्तों से चर्चा कर रहा था तो बोले को आ रहा स्थानीय भाषा बोली तो हमने की बहुत बड़े मसाहब आ रहे फिजिक्स के तो बोले कछु पूछ सकत कुछ भी पूछ सकते हैं <laughs> हमने की कछू पूछ सकत तो बोले पक्की पक्की बताओ हम पूछें तो तुम पूछ पाए कि नहीं <laughs> तो हमें संशय होने लगा हमने कहा यार ये लोग पता नहीं क्या पूछते और वो सब मेरे जो गाँव के दोस्त हैं अलग अलग काम करते हैं एक अमित दद्दा हैं वो ठेला चलाते हैं ट्रक चलाते हैं एक हल्लू हैं वो आटा चक्की चलाते हैं सबके अलग अलग काम हैं तो उन्होंने कुछ सवाल हमसे पूछे हैं खतरनाक है हाँ तो एक का सवाल है कि कभी कोई ऐसा ठेला बन सकता है तो हमने कि ठेला बोले अरे मतलब मशीन में हम बैठे और जो हिस्ट्री में पढ़ा था और जो समझ में नहीं आया कि सिंधु घाटी सभ्यता खुदाई में निकली उसमें चले जाएं तो मैंने और कुरेदा तो मुझे समझ में आया कि वो टाइम मशीन जैसी कोई चीज़ पूछ रहे हैं कि ऐसे कुछ बन सकता है क्या कि उसमें बैठें और पाँच हजार साल के बोले साहब भाई साहब पाँच हजार किलोमीटर धर ले लो पास्ट में ले लो या सात हजार किलोमीटर फ्यूचर में ले लो इज़ इट मुमकिन थोरिटिकली देखिए मैं फिर से कहूँगा कि मैं इस विषय का बहुत ज्ञाता नहीं हूँ लेकिन हाँ अगर मेरे मेरे से आप पूछे जितना मुझे ज्ञान है ये मुमकिन नहीं है ये मुमकिन नहीं है उस समय की चीज़ों में क्या था उसको आज हम दर्शन तो कर सकते हैं जैसे जब हम आसमान देखते हैं और अगर पोल्यूशन न रहा ज़्यादा तो हमें अच्छे तारे दिखाई पड़ते हैं कई सारे उसमें से कई सारे तारे ऐसे हैं जिसको हम चमकता हुआ जब देखते हैं तो 2000 साल पहले 5000 साल पहले 3000 साल पहले वो चमका था हम उसको आज देख रहे हैं तो ये तो संभव है कि हम लाइव देख रहे हैं किस चीज़ को लाइव देख रहे हैं जो घटना 2000 साल पहले हुई है उसको हम लाइव देख रहे हैं ये तो है और ये रोज़ होता है ये रोज़ होता है जब भी आप देखेंगे सप्तर्षि देखेंगे और तरह तरह के वो जो कॉन्स्टलेशंस हैं वो देखे तो उसमें कई सारे तारे हैं कोई कोई है वो 2000 तो बहुत कम कहा मैंने 200 साल 300 साल लाइट ईयर्स वाह वहाँ से लाइट को आने में उतने साल लगे हैं इतनी दूरी पर वो हैं और इसकी गणनाएं हैं और उत अगर लाइट वहाँ से चल के यहाँ आ रही है और उसको मान लो हज़ार साल लगे हैं तो आज जो मैं देख रहा हूँ वो क्या देख रहा हूँ हज़ार साल पहले वहां पर चमका था वो मैं आज देख रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में देख रहा हूँ है ना दो साल पहले कुछ घटना हुई थी मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ मैं हाँ उसको मैं लाइव देख रहा हूँ उसकी रिकॉर्डिंग नहीं देख रहा हूँ मैं ये तो संभव है लेकिन कोई ये चाहे कि हम उस जब हम हैं वहाँ पर लाइव उसको देख ही रहे हैं तो उसको हम परिवर्तन भी कर सकते हैं परिवर्तन नहीं कर सकते पर देख सकते देख सकते देख सकते देख सकते अगर अगर वो उस प्रकार का अगर ऐसा ठेला ऐसी मशीन बन जाए वहाँ बोला उसमें कोई दिक्कत नहीं वो तो हम लोग रोज़ देखते ही है ड्राइवर साहब सात सौ साल पीछे ले लो हाँ हो सकते हो सकते अच्छा दूसरे ने पूछा के माँ साहब से पूछियो धरती घूमभो बंद हो जाए तो क्या हो धरती <laughs> अगर घूमना बंद हो जाए धुरी पे घूमती है ओके <laughs> <Okay. laughs> अच्छा हाँ बहुत रोचक जोग्रफ़ी होगी वो बहुत रोचक जोग्रफ़ी होगी वो एक तो है कि आपके दिन और रात होने बंद हो जाएंगे जहाँ दिन है वहाँ लंबे समय तक दिन ही बना रहेगा और जहाँ रात है वहाँ लंबे समय तक रात ही बनी रहेगी शायद हाँ छः महीने के दिन हो जाएंगे छः महीने की रात हो जाएगी छः महीने तक सूरज चमकता रहेगा फिर शाम हो जाएगी सूरज ढल जाएगा और फिर छः महीने तक ढला रहेगा वो क्योंकि धरती जब घूमती है तो जैसे इधर अगर सूरज है हमारे यहाँ पर अगर सूरज है ये और इधर में हमारी ये धरती बनी हुई है तो जो सामने का हिस्सा यहाँ दिन है पीछे का हिस्सा है वो रात है 24 घंटे में धरती घूम जाती है तो जहाँ अभी रात है वो इधर आ जाती है तो दिन हो जाता है जहाँ दिन है वो रात हो जाती है अब इसने घूमना कर दिया बंद तो यहाँ दिन है और ये चलना तो जारी है ये चलना तो जारी है तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए सूर्योदय हो गया इसका अब ये इसको धूप ही मिल रही है धूप मिल रही है अभी भी धूप मिल रही है अभी भी धूप मिल रही है, है जहाँ रात है वहाँ रात ही है ये छोटी उंगली हमारी रात वाली साइड है अंगूठा दिन वाला साइड है ये सूरज की रोशनी इस साइड पे पड़ रही है इस साइड पे नहीं पड़ रही है तो यहाँ दिन है यहाँ रात है 24 घंटे क्या 48 घंटे बहत्तर घंटे होते चले जा रहे हैं वो वैसा ही है और ये ऐसे घूम रहा है ये रोटेट नहीं कर रहा है ये ऐसे घूम रहा है ऐसे घूमते घूमते जब ये यहाँ पहुँचेगा तो अब मेरी छोटी उंगली के ऊपर धूप पड़ रही है यहाँ दिन हो गया है और यहाँ रात हो गई है तो अब रात शुरू हो गई लेकिन यहाँ भी रात है यहाँ भी रात है यहाँ भी रात है यहाँ भी रात है यहाँ भी, भी रात है फिर यहाँ जा कर के फिर छः महीने के बाद तो उनको बताइएगा कि बहुत मज़े आएंगे <laughs> अगर सो गए <laughs> तो और आपको दिन उगने पर ही उठने का अभ्यास है तो आप छः महीने सोओगे <laughs> और उठ गए उठ गए तो फिर छः महीने सोने को नहीं मिलेगा क्योंकि रात होगी तब तो सोओगे ना और और किस तरह का फ़र्क पड़ेगा जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है उनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा उनमें ज़्यादा ज़्यादा फर्क उनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है लेकिन मुख्य फ़र्क यही पड़ने वाला है सबसे प्रमुख फर्क तीसरे जो हैं वो मानते भी बहुत हैं पर फिर भी उन्होंने पूछ लिया बोले चंद्रमा हटा दो अच्छा धरती <laughs> पे क्या असर पड़ेगा चंद्रमा नहीं है धरती के पास अभी आपने ज्वार भाटा का जिक्र किया वो आना बंद हो जाएगा हाँ चाहे जा ज्वार भाटा आने का काम जो है वो चंद्रमा का ही है और थोड़े बहुत फर्क पड़ सकते हैं शरद पूर्णिमा का त्यौहार नहीं मनाएंगे खीर नहीं खा पाएंगे वही तो शरद पूर्णिमा का त्यौहार नहीं मनाएंगे खीर नहीं खा पाएंगे चंद्रमा ही नहीं होगा तो क्या होगा जो महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती हैं <laughs> <laughs> उनके लिए आनंद रहेगा चाहे वो व्रत नहीं करना पड़ेगा <laughs> हाँ। <laughs> तो इस प्रकार की घटनाएं ग्रहण नहीं होंगे न सूर्य ग्रहण होगा और न चंद्र ग्रहण होंगे तो वो ग्रहण बंद हो जाएंगे अगर चंद्र आधारित सब त्योहार हट जाएंगे जी 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 वो हाँ। तो त्यौहार ही नहीं ग्रहण तो ग्रहण तो लगते रहते हैं ना उसमें त्यौहार की बात नहीं है वो तो जब एक सीध में आ जाते हैं तो या तो चंद्र ग्रहण हो जाता है तो सूर्य तो वो सब चीज़ें बंद हो जाएंगी तो दुनिया बदलेगी तो ज़रूर थोड़ी थोड़ी एक एक गोलू लम्बरदार है उनके गांव में तालाब खुद रहा है तो वो बोले कि ऐसे ये गड्ढा है मान लीजिए कुछ हो धरती में ऐसा कि धरती का जो गुरुत्वाकर्षण बल है स्थानीय भाषा में पूछ रहे थे कि जब बताओ जैसे धरती खींचत है हमने गेंद फेंकी धरती ने खींची और मान लो जो खींचे वो बंद हो जाए तो जो हम तालाब में पानी भरने वाले हैं वो का ऊपर उड़ जाए कैसे हो जाए ऐसी नसैनी सीढ़ी को नसैनी बोलते हैं बोले नसैनी सी बन जाएगा पानी की <laughs> आ, ओके नहीं ऐसा तो नहीं है ऐसा नहीं है अगर अगर धरती ने खींचना बंद कर दिया तो ऊपर उड़ने का कोई खास प्रश्न नहीं है लेकिन घूम रही है क्या अब ये सब अब डिटेल्स में आ गए डिटेल्स में अगर घूम रही है तो फिर समस्याएं दूसरी हो जाएंगी उस समय क्या होगा पता नहीं ऊपर नहीं उठेगी इतना तो बता देना उनको कि ऊपर तो नहीं उठने वाली है क्योंकि ऊपर भी कोई खींचने वाला नहीं है हाँ पानी तालाब में ही <laughs> वही रहने वाला है जहाँ है वही रहने वाला है ऊपर भी कोई खींचने वाला नहीं है नीचे भी कोई खींचने वाला नहीं है अभी है कि आप उसमें से तालाब में जो पानी है उसको नीचे खींच रही है वो है ना तो आप वो लेकिन नीचे ज़मीन है वो जमीन अपना ठेल ठाल करके उसको वहाँ बना के रखी हुई है अब जमीन को ठेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी जमीन के ऊपर पानी है ना गड्ढा खोदा गड्ढे में नीचे में मिट्टी है उसके ऊपर पानी है तो मिट्टी को इस समय मेहनत करनी पड़ रही है पानी को वहाँ पर बनाए रखने के लिए क्योंकि धरती पानी को अंदर ले जाना चाहती है hmm. तो वो जो मिट्टी मेहनत कर रही है उसकी मेहनत बच जाएगी धरती खींचना बंद कर दी मिट्टी भी आराम करेगी उसके ऊपर ठेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो अगला सवाल भी इसी से जुड़ा होगा ये हिंदी का सवाल है बोले कि हम हमें मास्टर साहब ने पढ़ाई कि ऊर्जा कबू खत्म नहीं होता, एनर्जी का कभी लॉस नहीं होता है बोले हमने इन्हें पीठ पे मुक्का मारो तो इन्हें घूमला न कर जाओ हमें तो दिख रही है एनर्जी बोले दीवार पे मारो खचूनी भाओ और घंटन से मार रहे इतने सारे लोग मार रहे तो जब ऊर्जा का दीवार ने ले ली भीतर तो अब ये कैसे समझाएं उनको आ, बात सही है मतलब पीठ पे तो वो ना ही मारे ऊर्जा ऊर्जा का असर देखने के लिए नहीं बात तो सही है उनकी कि अगर हमने दीवार के ऊपर मुक्का मारा हाँ हा, तो वो मुक्के वाली ऊर्जा गई कहाँ हाँ कहाँ गई? गई कहाँ हाँ वो सही है वो दीवार में ही गई है और मुक्के में भी गई है दोनों में ही गई है वो क्या होता है ना कि उसमें जो दीवार है दिखेगा नहीं इन छोटे छोटे स्तर के ऊपर छोटे छोटे स्तर के ऊपर छोटे छोटे स्... लेंथ स्केल के ऊपर उसमें वो एक दूसरे पार्टिकल्स जो हैं वो फैलते हैं अगर आप हिट करोगे मुक्का मारोगे यहाँ पे हमने इसको मुक्का मारा ऐसा हाँ ऐसा मुक्का मारा हमने तो इसके ये जो पार्टिकल्स है ना हाँ तो मैं मैं जितना देख सकता हूँ उससे अंदर घुसना पड़ेगा मुझे कितना दिखाई पड़ता है मेरे को अपना एक बाल दिखाई पड़ता है बाल से भी पतली चीज़ हो बाल से भी छोटी चीज़ हो तो हमें दिखाई नहीं पड़ेगा तो यहाँ मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है लेकिन इसके जो ये जो कण है ना इसके दीवाल के वो अब यहाँ से विचलित हो गए थोड़ा कोई इधर गया कोई उधर गया कोई इधर गया और उसमें उसकी ऊर्जा जो है वो गई उसको फैलाने में गई ऊर्जा दीवार के अंदर ही है और इसके कारण से क्या होता है कि वो दीवार जो है थोड़ा सा गर्म हो जाती है उसको नाप नहीं पाओगे इतना कम गर्म हुई है कि आप छू के नहीं बता सकते कि गरम हो कि गर्म हो गई जिस तरह तो ये कण खिसक गया आप देख के नहीं बता सकते कि कण खिसक गया क्योंकि वो इतना जरा सा खिसका है उतना मैं देख नहीं सकता मेरे देखने की अपनी क्षमता है आँख से एक बाल को जो हम देखते हैं एक मोटा मोटी समझिए सिंगल बाल को बड़ा मुश्किल से देखना पड़ेगा आपका कि बाल है वहाँ पे दिखाई भी नहीं पड़ता उससे और कम कर देंगे तो फिर दिखाई ही नहीं देगा तो उस स्केल के ऊपर पार्टिकल खिसके हैं हमें दिख नहीं रहे हैं लेकिन खिसके हैं और खिसकने में उनकी ऊर्जा जो है दीवाल में गई है और उसके बाद उसके कारण से दीवाल में थोड़ी गर्मी पैदा होती है लेकिन इतनी कम गर्मी पैदा होती है कि वो भी हम टेम्परेचर थर्मामीटर लगा के नहीं नाप सकते या हाथ रख के नहीं देख सकते और वो गर्मी जो दीवार में हुई है वो फिर हवा को मिल जाती है hmm. क्योंकि दीवार के साथ में हवा जुड़ी हुई है तो वो फिर हवा को मिल जाती है तो वहाँ पे बट जाती है तो कुल मिलाकर जो मुक्के वाली ऊर्जा है वो घूमते फिरते ऐसे वैसे हो करके कहीं ना कहीं मौजूद रहती ही रहती है hmm. ये आखिरी सवाल है थोड़ा सा लंबा है हमारे यहाँ एक पटवा कक्का है उनकी किराने की दुकान है तो वो एक भाई साहब बैठे थे हमारे यहाँ एक ताश का गेम होता है छकड़ी छः लोग खेलते हैं तो छः खेल रहे थे बाकी देख रहे थे सो एक बैठे थे वो पतरा देखते हैं तो जैसे लोग बोले बोले साहब हमारी भैंसियाँ हिरा गई हमारी भैंस खो गई <laughs> तो कौन सी दिशा में खोजें जाके तो वो देख के बताते हैं तो एक दिन वो बोले बोले कि अरे किसी ने कुछ पूछा तो बोले नहीं तुम्हारा नहीं हो तुम्हारा मंगल भारी है तो वो दूसरा आदमी बोला जिसने सवाल पूछा है कुनकन नाम है उनका बोले कि हाँ तुम बड़ा पटवा कक्का के थे कनस्टर में डाल के मंगल तोल रहे थे तो तुम्हें पता है कि भारी है हमें ये कैसे पता चलता है मतलब जो मुझे उनके सवाल समझ में आया कि अमुक ग्रह का वजन इतना है और जो ये जो ज्योतिषी जो वाले बोलते हैं कि ये भारी है ये हल्का है प्रोफेसर वर्मा को क्या लगता है इन ग्रहों का हमारे जीवन पर कोई असर पड़ता है जिस पर ज्योतिषी पूरा निर्भर है आपकी व्यक्तिगत राय पहले तो कि वो जो भारी है बोलते हैं उसको वजन से कोई रिश्ता नहीं है जो कहते हैं कि ये ये ग्रह तुम पर भारी है वो भारी का मतलब है कि तुम्हारे लिए मुश्किल पैदा करने वाला है वो तो उसको वजन से तोलने वाली बात नहीं है कि नहीं, उन्होंने उसको ऐसे व्याख्या हाँ, हाँ, की हाँ, बोले है। आ, बोले तुम हाँ, तौल शब्द, रहे है, ना। हाँ, शब्द तो हमने उनसे पूछा हम कि कनस्तर में क्या अरे बोले गोल है जे तराजू में कितनी देर तक बटा लेके बाट लेके बैठे रहे अब जो दूसरा प्रश्न है वो थोड़ा गंभीर प्रश्न है कि वो असर पड़ते हैं क्या नहीं पड़ते हैं क्या इसके लिए एक साइंटिफिक uh, एक्सपेमेंटेशन की बहुत ज़रूरत है डॉक्यूमेंटेशन की बहुत ज़रूरत है क्योंकि क्या होता है ना कि जो बहुत सारे रैंडम इवेंट्स होते रहते हैं तो आपको ऐसे भी मिलेंगे जिसमें कि वो जो पतरा लग करके के और बताया जाता है कि ये ग्रह इसलिए भारी है इसलिए तुमको ये करना चाहिए लाल कपड़ा यहाँ रखना चाहिए पीला कपड़ा वहाँ रखना चाहिए ये तेल में बत्ती जलानी चाहिए और वो तो एक ऐसे है तो अब कई बार ऐसे होगा कि जो इन्होंने पढ़ लिख के बताया वो हो गया और कई बार होगा कि नहीं हुआ तब तो फिर दूसरा प्रश्न आएगा कि नहीं हुआ पंडित ठीक नहीं था उसको पढ़ने नहीं आया पता ठीक नहीं पढ़ता है वो बोलता कुछ है होता कुछ है वो भी एक बात है उसमें विश्वास है कि नहीं ग्रहों के होते हैं लेकिन आपका मैथमेटिक्स ठीक नहीं था आपने सही व्याख्या नहीं की इसलिए वो फेल हुआ ओके okay? तो कहीं ना कहीं पे हमें ये करना चाहिए एक साइंटिफिक प्रोजेक्ट होना चाहिए जे वी नाडलिकर हैं आयु का पुणे में जो कि बहुत बड़े एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं अभी तो उनकी काफ़ी उम्र हो गई लेकिन दुनिया के प्रख्यात वैज्ञानिक हैं वो श्री जयंत नाडलिकर जी जयंत हाँ राइट तो उन्होंने एक बार उनका मैं लिखा हुआ पढ़ रहा था कि उन्होंने ये प्रयोग करने की कोशिश की थी लेकिन ये जो पत्रा पढ़ने वाले लोग हैं उनको उन्होंने इन्वाइट किया था कि आप सब लोग आओ और हम कई सारे लोगों की जन्म कुंडलियाँ आपको देने वाले हैं और आप उन सबके वो करके और हमें डेटा दो फिर हम मिलान करेंगे कि किसका क्या भविष्य आप जो बता रहे हो वो मैच हो रहा है नहीं हो रहा है आप जो भूत बता रहे हो वो मैच हो रहा है नहीं हो रहा है उन्होंने बताया कि हमें किसी ने कॉपरेट नहीं किया और वो एक्सपेरिमेंट हम ना कर पाए ओके okay? लेकिन इस बात की ज़रूरत है इस बात की ज़रूरत है कि एक साइंटिफिक वे में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के साथ उसके जो भी कॉन्फिडेंस लेवल 95 फाइव परसेंट नाइन्टी नाइन परसेंट उनकी जो मेथडोलॉजी होती है स्टैटिस्टिक्स करने की उसके साथ एक बड़े सैम्पल को एनालाइज किया जाए और तब देखा जाए कि रैंडम क्वेंसीडेंस से कितनी चीज़ें मैच हो रही हैं और कोई एक स्पेशलाइज सही उसका कोई रिलेशन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है तो उसकी आवश्यकता है क्योंकि थ्योरी से कुछ नहीं आ रहा है जो ग्रेविटेशन की थ्योरी हम जानते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो थ्योरी हम आ रहे हैं उसके अनुसार कोई फर्क नहीं पड़ता हुआ दिखता है ओके okay? लेकिन अब हम ये भी दम्भ नहीं भर सकते कि हमारी थ्योरी के अनुसार नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है अगर अगर ये आस्था है और लोग लंबे समय से ये कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं तो फिर उसको स्टैटिस्टिकली एनालिसिस करने की ज़रूरत है थियोरीटिकली तो नहीं हो सकता है हमारी जो थ्योरी आज की जान हम मैं जानता हूँ उसके अनुसार कुछ नहीं होना चाहिए ओके okay? लेकिन हो सकता है कि जो थ्योरी हम नहीं जानते हैं वो ऑपरेट कर रही हो hmm. तो अब चूँकि हम थ्योरी जानते नहीं हैं तो हम एनालिसिस भी नहीं कर सकते तो अब हम शरण में किसके जाएंगे मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के हम डेटा कलेक्ट करेंगे और डेटा कलेक्ट करने के बाद फिर जैसे आप ओपिनियन पोल और ये सब निकालते हैं ना तो उस प्रकार से हम उसमें से नॉट ओपिनियन पोल लेकिन हाँ एक साइंटिफिकली हम देखेंगे कि कोई कोरिलेशन है कि नहीं कोरिलेशन है कि नहीं जानने के अपने एक मेथड्स होते हैं उसके अनुसार हम करेंगे तो इस प्रश्न की तरफ हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं थैंक यू दैट्स ट्रूली अ वेरी साइंटिफिक टेम्परामेंट आई हेव नेवर हर्ड एनी बडी मतलब लोग आउट या तो डिस्कार्ड कर देते हैं या मान लेते हैं प्रयोग सिंह ठीक है चलो इस पर भी साइंस करते हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं जी थैंक यू ऑडियंस के कई सवाल तो इस बातचीत में कवर हो गए हैं चार सवाल हैं छवि कह रही हैं सुना है कि गैलेक्सी एक्सपेंड हो रही है लेकिन सोलर सिस्टम में डिस्टेंस सेम है ये कैसे है ग्रेविटेशनल फोर्स सभी स्टार्स और प्लानट में लग रहा है फिर एक्सपेंशन कैसे है ओके <laughs> <laughs> okay. मेरे ख्याल से फिर से ये स्केल का फर्क है क्योंकि गैलेक्सीज में फिर से मैंने उसका मैथमेटिक्स कभी किया हुआ नहीं है लेकिन वो डिस्टेंसेस जो हैं वो डिस्टेंसेस कैसे बढ़ रहे हैं चीज़ों के बीच के वो एक उसको गणित से देखना पड़ेगा मुझे ऐसे लग रहा है कि वो सोलर सिस्टम इतना छोटा है वो इतना छोटा है जब हम वो पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं ना इट्स लाइक ए पॉइंट तो इस के पॉइंट बहुत ही छोटा है वो तो इसके अंदर कोई एक्सपेंशन वगैरह हो रहा है हम देख नहीं पा रहे हैं ओके बट धरती पे मुक्का मारने जैसा लग रहा है हाँ, हाँ 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 ऐसा मुझे लग रहा है विकर्ण का सवाल है कि अगर आपको शिक्षा मंत्री बना दिया जाए और खुली छूट दे दी जाए तो क्या बदलाव करेंगे <laughs> ऑपरेटिव पार्ट खुली छूट का राइट खुली छूट का ऑपरेटिव पार्ट पता नहीं मैं क्या करूँगा मालूम नहीं लेकिन मैं जब निश्चित रूप से पहले तो ढूंढूंगा कौन से ऐसे शिक्षक हैं देश के अंदर में जिनको शिक्षा की समझ ठीक है ठीक है फिर मैं उनको उनके जॉब से छुट्टी और उनका एक ही काम होगा दूसरे टीचर्स को अपने साथ में इंटर्न बना करके रखना और उनको ट्रेनअप करना क्योंकि ये एक विलुप्त होती हुई प्रजाति है सौरभ जी ये शिक्षक जो शिक्षा को समझते हैं प्रेजेंटेशन करना जानते हैं विद्यार्थियों के साथ संवाद स्थापित कर सकते हैं और उनका उनको सम्मान दे सकते हैं विद्यार्थियों को भी सम्मान दे सकते हैं और फिर उनके अनुसार अपने पूरी डिलीवरी को करके और उन विद्यार्थियों को कि अंदर के जो अपनी आंतरिक शक्तियां हैं उसको बाहर निकाल सकते हैं वो थोप थोप करके ये फॉर्मूला याद कर लो वो फॉर्मूला वो शिक्षा थोड़ी टीच द टीचर्स उसकी अपनी उसकी जो अपनी जो आंतरिक शक्तियां हैं ना उसको बाहर निकालना है उसके लिए उसको समझना पड़ेगा कि उस बत, उस बच्चे की आंतरिक शक्तियाँ क्या हैं उसके दिल में उतरना है पड़ेगा ये बहुत बड़ा विषय है तो ऐसे रिसोर्स पर्सनस मैं अच्छा टीचर हो सकता हूँ लेकिन ऐसा ऐसे रिसोर्स पर्सन्स जो हैं जो कि टीचर्स को ट्रेन करें वो आज की तारीख के अंदर में बिल्कुल विलुप्त तो होती हुई प्रजाति है वो इंडेंजर्ड स्पीशीज है वो शिक्षक खुद ही इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है और इस रिसोर्स पर्सन तो उससे भी ज़्यादा तो मेरा तो काम होगा कि पहले उनको ढूंढूंगा, जो भी मुझे मिल जाएंगे उनको कहेंगे ये पढ़ाना वढ़ाना छोड़ो आप नए रिसोर्स पर्सन तैयार करो अपने जैसे और इस तरीके से वो सेना बढ़ाऊंगा और वो बढ़ाना बढ़ा करके और टीचर्स के अंदर में और एक शिक्षा की समझ जो है शिक्षण की समझ और शिक्षा की समझ वो विकसित होगी और फिर उसके आधार के ऊपर करिकुलम और ये और वो और वो और वो चलेगा रोशन का सवाल है कि हम छोटे थे तो वर्मा सर की एक कहानी सुनी थी वो बता दें सही है कि गलत है कि आपने एक बार कुली को पैसे नहीं दिए उसे वर्क और फोर्स के फार्मूले में उलझा लिया और सिद्ध कर दिया कि तुम्हारा काम तो ज़ीरो है ये फार्मूला क्या है और कहानी क्या है ये मेरी कहानी तो नहीं है बिल्कुल भी नहीं है कतई नहीं है लेकिन इस तरह की कहानियाँ बनती हैं और एक बहुत ही प्रसिद्ध टीवी चैनल है टीवी चैनल है ये, ये यूट्यूब का चैनल है टी अच्छा ये टीवीएफ में जो आपके ऊपर एक स्कूप शायद, शायद 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 मैंने या उसके जैसा कोई जी जी उसके जैसा कोई उन्होंने ये इस तरीका का स्कूप बनाया होगा मुझे मालूम नहीं मैंने पता नहीं है और क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि ये जो वो, वो, फोर्स इनटू डिस्टेंस परपेंडिकुलर और ये और वो करते हैं कॉस्थीटा वगैरह करते हैं ये बहुत ही सिंप्लीफाइड कथा है और ये केवल रिजिड ऑब्जेक्ट्स के लिए लागू होती है आप फोर्स लगाओ और डिस्प्लेसमेंट देखो और फिर उसको फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से गुना करो थीटा से मल्टीप्लाई करो वर्क निकालो तो एक तो इस वर्क का अर्थ और अभी जो आप कुर्सी पर बैठ करके और मैं कुर्सी पर बैठ के जो काम कर रहा हूँ हम लोग काम कर रहे हैं ना जी वो इस शब्द के अर्थ दो जगह पर अलग अलग हैं जब हम कहते हैं एफ वर्क बराबर फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट इंटू कॉस्थीटा वो जो वर्क है और अभी जो हम लोग कर रहे हैं काम कर रहे हैं इतनी देर से हम लोग काम कर रहे हैं वो जो वर्क है वो दोनों अलग अलग हैं शब्द एक है लेकिन उनके अर्थ जो हैं वो अलग अलग हैं हमारा तो डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा हम तो जिस कुर्सी पर बैठे हैं चार घंटे से उसी कुर्सी पर बैठे हुए हमारा तो डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा तो हम काम नहीं कर रहे हैं क्या हम तो काम बहुत काम कर रहे हैं तो एक तो पहले वो समझने का है कि वो वर्क और ये वर्क डिफरेंट है दूसरा क्या है कि उस वर्क की भी अगर आप बात करें वो जो फोर्स बराबर फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट थीटा हो उसकी भी अगर बात करें तो ये इक्वेशन जो वैलिड है, है ना ये केवल रिजिड ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड है हमारी बॉडी रिजिड ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमारे सिर पे जो भार रखा है हमारे कंधे पे जो भार रखा है उसके कारण से जो कुछ हो रहा है उसमें आप इस सूत्र का वैसे भी इस्तेमाल नहीं कर सकते आखिरी सवाल आज की इस बातचीत का सोहित का सवाल है इन्फिनिटी और ज़ीरो कभी समझ में नहीं आए फिर और कुछ लोगों ने सवाल पूछा कि दो समान समानांतर रेखा क्या है वो जो जाके अनंत में मिले तो उनका आप अनंत में जाके देखोगे फिर वो समानांतर रही नहीं उनको तो मिल गई ये क्या चक्कर है इन्फिनिटी, ज़ीरो और ये थोड़ा बता दीजिए देखिए ज़ीरो में तो कोई समस्या नहीं है ख़ास ज़ीरो एक संख्या है और तमाम अन्य संख्याओं की तरह वन टू थ्री की तरह वो भी एक संख्या है नेगेटिव संख्याएं होती हैं पॉजिटिव संख्याएं होती हैं फ्रैक्शन संख्याएं होती है होती हैं तो जीरो एक संख्या है और ज़ीरो को संख्या का दर्जा ये ब्रह्मगुप्त ने दिलाया हुआ है थोड़ा बताएं सर हाँ ये ब्रह्मगुप्त की किताब है ब्रह्म स्तूप सिद्धांत ऐसे करके कुछ है पहली बार ज़ीरो को संख्या का दर्जा वहाँ से मिला है आचार्य ब्रह्मगुप्त जी वहाँ से मिला है उसके पहले जीरो का प्रयोग बहुत दिनों से चल रहा है लंबे समय से चल रहा है और अनेक संस्कृतियों में चल रहा है लेकिन ज़ीरो का प्रयोग केवल एक मार्कर की तरह यूज़ होता था एक मार्कर की तरह उसको संख्या का दर्जा नहीं था उसको आप किसी चीज़ में जोड़ दें किसी चीज़ में घटा दें किसी चीज़ से गुणा कर दें ये दर्जा शून्य को प्राप्त नहीं था तो ये भास्कराचार्य थे जो किस शताब्दी के थे मुझे अभी ध्यान नहीं भास्कराचार्य ब्रह्मगुप्त मेरे ख्याल से सातवीं आठवीं शताब्दी में कहीं होना चाहिए उनको Osionfish. उन्होंने बाकायदा रूल्स बनाए जीरो को आप जोड़ोगे किसी चीज़ में तो क्या होगा loves, जीरो को घटाओगे तो क्या होगा जीरो में से घटाओगे तो क्या होगा जीरो में से गुना करोगे तो क्या होगा वगैरह वगैरह बहुत सारे उन्हें रूल्स बनाए तो जीरो तो जस्ट जैसे आप एक को समझते हैं दो को समझते हैं माइनस पाँच को समझते हैं चार वोटा तीन को समझते हैं तो आप जीरो को भी समझते हैं इन्फिनिटी का मामला थोड़ा ढीला है इन्फिनिटी एक संख्या नहीं है इन्फिनिटी एक संख्या है ही नहीं इसलिए संख्याओं के रूल उसके ऊपर इस्तेमाल करने ही नहीं तो इन्फिनिटी के जो संख्याओं के बहुत सारे गुण होते हैं उसमें से एक गुण है इन्फिनिटी का कि आप उसको दूसरी संख्याओं से छोटा है कि बड़ा ये कंपेयर कर सकते हो ओके okay? संख्याओं के बहुत सारे गुण हैं एक गुण ये भी है कि दो संख्याएं आपके पास हो तो आप कंपेयर कर सकते हो कौन छोटा है कौन बड़ा है ना तो इन्फिनी संख्या तो नहीं है लेकिन उसमें ये कंपेरिजन करने वाला गुण है और उसका रूल बहुत सिंपल है कि इन्फिनिटी हर संख्या से बड़ा है इन्फिनिटी हर संख्या से बड़ा है लेकिन खुद संख्या नहीं है यह चीज जानना बहुत जरूरी है किनका सवाल है सोहित ये सोहित हाँ तो सोहित को आप सोहित सुन रहे होंगे इन्फिनिटी हर संख्या से बड़ी है लेकिन इन्फिनिटी खुद एक संख्या नहीं है ये बहुत क्लियर होना चाहिए तो दो पैरेलल रेखाएं अगर चल रही हैं तो कोई ऐसा एक पॉइंट नहीं है इन्फिनीटी नाम का कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं है ये रहा इन्फिटी यहाँ जाके वो मिलेंगे इन्फिनिटी हर संख्या से बड़ा होता है आप कितनी भी दूर चले जाओगे ना कितनी भी डिस्टेंस आप चले जाओगे तो इन्फिनीटी उससे भी आगे है कितनी भी डिस्टेंस चले जाओगे तो इन्फिनीटी उससे भी आगे है क्योंकि इन्फिनीटी अपने आप में एक नंबर है ही नहीं तो कितनी दूर जाओगे आप और हर संख्या से बड़ा है वो ओके तो इन्फिनिटी पर मिलने का मतलब है कभी नहीं मिलना क्योंकि इन्फिनी पर मिलने का मतलब ही क्या है आप कहीं पर भी मिलाओगे तो वो तो एक फाइनाइट संख्या हो गई उसकी तो एक डिस्टेंस हो गई चाहे जितनी भी बड़ी हो तो वो फिर इन्फिनी रहा ही नहीं वो तो कहते हैं कि ये, ये सफ़र भी कैसा सफ़र है कि जब हम मंजिल तक पहुँचते हैं तो मंजिल आगे खिसक जाती है तो वही हालत है आपको इन्फिनिटी दिख रही होगी लेकिन आप वहाँ पहुँच जाओ तो इन्फिनिटी और आगे खिसक जाती है वहाँ पहुँच जाओ इन्फिनिटी और आगे खिसक जाती है तो इसलिए समानांतर रेखाएं है इन्फिनिटी पर मिलने दो वो कभी नहीं मिलने वाली है क्योंकि आप इन्फिनिटी पे पहुंचोगे ही नहीं जहां पहुंचोगे उस इन्फिनिटी उसके भी आगे है कोई भी संख्या आप कल्पना कीजिए इन्फिनिटी उससे भी बड़ा है क्योंकि वो खुद एक संख्या नहीं है खुद एक संख्या होता तो उसका एक निश्चित वैल्यू होता उसके आगे भी आप बढ़ सकते थे और उस तक पहुँच सकते थे तो ये है इन्फिनीटी का चक्कर आप ये बोल रहे थे तो हम लोग सीरियल देखते थे छोटे में भारत एक खोज जब वो शुरू होता है तो उसमें ओपनिंग सॉन्ग आता है जो वेद से लिया गया है सृष्टि के पहले कुछ भी नहीं था अंतरिक्ष भी नहीं ये भी नहीं तो ये बिल्कुल वैसा साउंड कर रहा है कि जहाँ सब खत्म हो जाता है वो उसके आगे का है नहीं उससे वो उससे नहीं कर रहा है वो वो हमारे बिग बैंग से साउंड कर रहा है मैं ये नहीं कहूँगा कि वो उनको बिग बैंग की पूरी जानकारी थी बिग hmm. बैंग की जानकारी करना हमारे जो अभी के वैज्ञानिकों ने किया है उसका क्रेडिट उन्हीं को है hmm. क्योंकि उस बिग बैंग की कल्पना और उसके आधार पर जो थी उन्होंने थ्योरी डेवलप की है उससे कैलकुलेशन से उन्होंने ये निकाला कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में अगर हम देखेंगे तो एक बैकग्राउंड में एक रेडिएशन है <coughs> और उस रेडिएशन का उन्होंने टेम्परेचर कैलकुलेट किया अपनी थ्योरी से थ्री केल्विन टू पॉइंट और उसके बाद उसको नापा इंस्ट्रूमेंट्स से एंड दे गॉट इट 2.7 पॉइंट केलविन तो ये ज़बरदस्त जो काम हमारे हाई एनर्जी फिजिसिस्ट ने किया है कि एक धरती के ऊपर छोटे से प्लान के ऊपर बैठ करके और पूरा ब्रह्मांड कब उत्पन्न हुआ था और उसका आज क्या असर है वो सारा थ्योरी डेवलप जो की है वो उन्हीं का क्रेडिट है वो लेकिन आप जो बता रहे हैं है श्लोक जिसमें एक सृष्टि के पहले कुछ भी नहीं था सत नहीं था असत भी नहीं अंतरिक्ष भी नहीं आकाश भी नहीं छिपा था क्या कहा किसने ढका था उस पल तो अगम अतल जल भी कहाँ था ब्यूटिफुल हा, हा, पोयम हाँ 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 तो ये इसको साउंड कर रहा है ये बिग बैंग को साउंड कर रहा है क्योंकि आज भी आप हाई एनर्जी फिजिसिस्ट से अगर ये सवाल पूछ दो कि बिग बैंग हुआ वहां से सब कुछ आपका यूनिवर्स वगैरह बना तो बिग बैंग के पहले क्या था दस साल पहले क्या था तो उसका जवाब नहीं देंगे वो वो कहते हैं पहले टाइम भी नहीं था तब पूछो ही मत टाइम की भी रचना उसी समय से शुरू हुई है उसके पहले टाइम भी नहीं था तो उसके पहले ये सवाल इलीगल है तो कुछ भी नहीं था ये भी नहीं था वो भी नहीं था वो भी नहीं था, भी नहीं था स्पेस भी नहीं था टाइम भी नहीं था कुछ भी नहीं था तो उसके साथ ये ज़्यादा रिजम्बल कर रही कविता आपकी ऑन दैट नोट बहुत सारा कृतज्ञता बोध हमें इस लंबी बातचीत में सीखने का खूब आनंद मिला और मेरी ये प्रार्थना है मेरी ये ख्वाहिश है कि आप इसी तरह शिक्षकों को और विद्यार्थियों को सिखाते रहें और उम्मीद करता हूँ कि लल्लन टॉप में आपका प्रवास निरंतर होता रहे बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम